डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। मैंने इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई है, और तुम्हारे सिलेबस में जो चीज़ें नहीं है मैंने तुम्हें वो भी बताया है। काफ़ी ज़्यादा मैंने तुम्हें यहाँ पर मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें समझाई है। वीडियो थोड़ी बोरिंग है, तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, इसे एक ही बार में नहीं देखना है और तुम देख भी नहीं पाओगे। मैं यहाँ पर खुद भी नहीं देख सकता इस वीडियो को, इतनी बोरिंग वीडियो है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में देखना है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके भी अपलोड कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहता। और ये वीडियो मैं वन शॉट में ही रखना चाहता था, और इस वीडियो में दो चैप्टर्स हैं, मैंने दो चैप्टर्स को इसी वीडियो में कंप्लीट करवाया। तो यहाँ पर तुम्हें उसे देखना है, काफी ध्यान से देखना है, और साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें यहाँ पर नोट्स भी बनाने हैं। अब जो भी तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर तुम्हारे, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, और भी साथ में क्या करना है, उसके साथ साथ तुम्हें उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तुम्हें यहाँ पर जो भी कमांड्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है और मैं किस लिए वो काम कर रहा हूँ, वो सब कुछ तुम नोट करते जाओ और साथ में उस चीज को परफॉर्म भी करते जाओ, ठीक है, तभी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसके आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल तुम इस पे फोकस करो। मुझे पता है वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, ठीक है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करना है और धीरे धीरे करके पूरी वीडियो खत्म करनी है, ठीक है, चलो फिर पढ़ो। तो क्लास 12th वालों, काफी टाइम के बाद मैं वापस आ चुका हूँ, और तुम चाहो तो इस गलती के लिए मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन टीचर्स को गाली नहीं देते, मन में देते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डेटाबेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 12th में हमारे पास ये 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि पहला कवर हो चुका है, और बाकी ये जो लास्ट वाला चैप्टर तुम्हें दिख रहा है, इसका मैंने पर्पस तुम्हें बताया था ऑलरेडी कि इसमें हम पाइथन को और MySQL को लिंक करके एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मतलब उस पर ये काम आने वाला है, ये सीखने वाले हैं हम। तो तुम मुझे अभी पहले कमेंट में अभी अभी ये लिख के बताओ कि पहले मैं इतना खत्म करवाने के बाद पाइथन में घुसूं, या फिर पूरा काम लोग कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर मैं पाइथन शुरू करूं। तो ये तुम्हें बताना है मेरे को कमेंट्स में, मतलब जिस तरह से तुम्हें पोर्शन मिल रहा होगा अपने एग्जाम्स के लिए, वो सब देख के बताओ कि एग्जाम्स में पहले कौन सा आ रहा है। तो वैसे मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चारों चैप्टर्स पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं पाइथन पढ़ा लूँ और उसके बाद ये लास्ट में हो। तो क्या ये तुम्हारे एग्जाम के पैटर्न से मैच हो रहा है या नहीं, मेरे को कमेंट्स में बताओ। तो अभी हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, देखो हमने ये कम्प्लीट कर लिया है, और उसके बाद हमारे पास ये 2 चैप्टर्स हैं, सिंपल क्वेरीज इन SQL, और उसके बाद है टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स, ठीक है। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये मैं अभी इस वीडियो में आज खत्म करवाने वाला हूँ, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी तो इस वजह से ये वाली वीडियो थोड़ी जो है वो लंबी होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है, मैं दोनों को क्यों एक साथ करवा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ये जो सिंपल क्वेरीज इन SQL है, ठीक है, अब इन क्वेरीज को तुम कहाँ पर लगाओगे, किसी टेबल पर ही लगाओगे, किसी डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसी पे लगाओगे, ठीक है ना, उसी टेबल पे ये क्वेरीज परफॉर्म करोगे। लेकिन अब वो टेबल आएंगे कहाँ से तुम्हारे पास, किसी डेटा के बेस के अंदर तुम जब वो टेबल बनाओगे तब ना वो टेबल तुम्हारे पास आएंगे, और फिर ना तुम ये सिंपल क्वेरीज वहां पर परफॉर्म कर पाओगे और सीख पाओगे कि उन क्वेरीज से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले तो मैं सोच रहा था कि पहले मैं यहाँ पर टेबल बनाना सिखा दूँ, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेरीज भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैं काफी मिक्स करके बताने वाला हूँ तुम्हें, मैं किस तरह से बताने वाला हूँ थोड़ा सा ये देख लो। यहाँ पर है हमारे पास सिंपल क्वेरीज इन SQL का कंटेंट, ठीक है, और उसके बाद ये टेबल क्रिएशन वाले का कंटेंट। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर बेसिक चीजें सम MySQL SQL एलिमेंट, यानी कि लिटरल्स, डेटा टाइप, नल वैल्यूज, कमेंट्स, और यहाँ तक है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो कमांड का सिंटेक्स है, तो यहाँ पर से कमांड्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने का सारा जो तरीका है वो तुम सीख जाओगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर और भी जितने भी कमांड्स हैं वो एक एक करके देखते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इधर कवर कर लिया फिर बाद में इधर कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई गलत तरीका नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल सीरीज में बताऊंगा, मतलब कि सच बोलूँ तो ये सीरीज सही नहीं है, मतलब जो बुक्स में दी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें सही सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ कि टेबल पहले कैसे बनाते हैं, मतलब पहले बेसिक चीजें क्या होती है, फिर टेबल कैसे बनाते हैं, फिर उन टेबल में हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है पढ़ाने का, और मैं यहाँ पर खुद की तारीफ नहीं कर रहा। तो हमारे पास अभी 2 चैप्टर्स है, सिंपल क्वेरीज इन SQL और फिर टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स, ठीक है। और फिर ये जो ग्रुपिंग, रिकॉर्ड्स एंड जॉइंस इन SQL है, इस पे थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगने वाला है। खैर अभी हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से, सिंपल क्वेरीज इन SQL, इसमें ये सारे कमांड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ब्ला 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 ब्ला, और सब MySQL SQL एलिमेंट्स के अंदर है ये सब चीज़ें। यहाँ जो टैब दिया हुआ है उसका मैंने
कुछ काम से ही यूज किया मैंने, यूं ही बस यहाँ पर इतने एक टैब नहीं लगा दिया है, मतलब इतने सारे स्पेसेस जो तुम्हें दिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हेलो, माय नेम इज राजनाथ प्रसाद एंड आई एम परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मजाक कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो देखो एसक्यूएल के मतलब माई एसक्यूएल ये जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन में तो कुछ खास यहाँ पर रखा हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ है अच्छा खासा बताने लायक वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो एसक्यूएल तुम सबको पता है क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और बहुत लोग एसक्यूएल को सीक्वल भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और क्या जानने लायक। और देखो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, अब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रुको। ठीक है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज, सॉरी, और उसके बाद एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमें ये बताना पड़ता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होता है उसमें हमें ये बताना होता है कि हमारा जो हमें कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है जो हमारे लिए काम कर रहा है वो उस डेटा को किस तरह से प्राप्त करेगा। ठीक है, किस तरह से वो उस चीज को हासिल करेगा। ठीक है, और वही हमारे पास आता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। और ये जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, बस हमें कौन सा डेटा चाहिए ये बताना पड़ता है, और हमें अपने प्रोग्राम को ये नहीं बताना पड़ता है कि हमें वो उस डेटा को किस तरह से हासिल करेगा। बस हमें ये बताना होता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, और हमारे पास जो एसक्यूएल है ये कौन सा है, ये है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, समझ गया। और एसक्यूएल जो है उसको डेवलप किया गया था 1970 में आईबीएम के लेबोरेटरी में, और कुछ खास तो है नहीं जानने लायक, मतलब हिस्ट्री जान के क्या करोगे तुम। और एसक्यूएल के बहुत सारे काम है, जैसे कि डेटाबेस को क्रिएट करना या मॉडिफाई करना, या फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज करना, ठीक है, या फिर कोई यूजर को अलाउ करना, मतलब एक्सेस देना, किसी यूजर को एक्सेस देना किसी को नहीं देना, फिर बाद में कुछ क्वेरी वगैरह लगाना अपने जो भी डेटाबेस है अपने टेबल पे, और उसके बाद फिर मॉडिफाई करना हो गया, डिलीट करना हो गया किसी भी डेटा को। तो ये सारे काम हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। इस तरह से ये घटिया सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब हमारे पास ये वाला घटिया सा पार्ट आता है, सम माई एसक्यूएल एसक्यूएल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर तुम देख सकते हो कि लिटरल्स है, डेटा टाइप्स है, नल वैल्यूज है, कमेंट्स है। अब अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी होंगी क्लास 11th में जहां पर मैं पाइथन पढ़ाता था, तो उसमें भी ये सारी चीजें थी ना। तो अब देखो लिटरल्स मैंने तुम्हें उसमें भी बताया था, देखो ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, मतलब सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। लिटरल्स क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को हम लिटरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम्हारा नाम ले लेते हैं, ठीक है, मेरा नाम ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, तो ये सारे लिटरल्स हो गए। ठीक है, कोई भी चीज हमें, कोई भी वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, जैसे कि मेरे पास कोई एक एक्सेल फाइल है और वहां पर किसी कॉलम में हम कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब कुछ खुद से कुछ एक वैल्यू डाल रहे हैं ना, वो फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसे हम कहते हैं लिटरल। अब देखो लिटरल्स के भी टाइप होते हैं, टेक्स्ट लिटरल होता है और न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। टेक्स्ट लिटरल्स किस तरह से हम डालते हैं, तो टेक्स्ट लिटरल्स डालने के लिए हम डायरेक्ट मतलब हम क्या करते हैं, कोट्स में लिखते हैं। जैसे पाइथन में क्या था, हम स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ भी लिखते थे, सॉरी पाइथन में क्या था, हम कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते थे, वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट में कोई लिटरल स्टोर करने के लिए उसे कोट्स में लिखना पड़ता है, और न्यूमेरिक का क्या है, उधर भी हम बिल्कुल ऐसे ही डाल देते थे बिना कोट्स का, पाइथन के में भी, और यहाँ पर भी हम बिना कोट्स के ही डाल देते हैं। अब देखो न्यूमेरिक लिटरल्स भी जो होते हैं, चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिटरल्स है, लिटरल्स में मैंने कौन कौन से बताया, मैंने टेक्स्ट लिटरल्स बताया, और इसके बाद में तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ, इसके बाद में तुम्हें बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिक लिटरल्स। अब इसके भी अंदर तुम्हारे पास या तो इंटीजर लिटरल्स हो सकते हैं या फिर तुम्हारे पास रियल लिटरल्स हो सकते हैं। अब इंटीजर लिटरल्स में क्या आते हैं, वही तुम्हारे इंटीजर्स आते हैं, और रियल लिटरल्स में क्या आते हैं, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट ले लो। ठीक है, फ्लोट डेसिमल यानी कि डेसिमल में ले लो कुछ भी, 1.2 हो गया, 2.3 हो गया, या फिर अपना 7.0 ले लो। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं, यानी कि मतलब इस पे आएंगे, ये रियल लिटरल्स में आएंगे। ठीक है, बहुत ईजी चल रहा है अभी सब कुछ, और आगे भी बहुत कुछ ईजी है सब कुछ, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि मैं आदमी ही बोरिंग हूँ। अब देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स पाइथन में भी तुमने पढ़ा ही था, इंट होता है, फ्लोट, स्ट्रिंग भी होता है, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल्स, बहुत सारे थे। ठीक है, और डेटा टाइप्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमरिक डेटा टाइप्स, न्यूमरिक। ठीक है, और कौन से पढ़ने वाले हैं, न्यूमरिक और फिर डेट एंड टाइम।
और उसके बाद हम स्ट्रिंग डेटा टाइप से पढ़ने वाले हैं। अब देखो न्यूमरिक डेटा टाइप में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं, मतलब ये एक टाइप है डेटा टाइप्स का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूमरिक एक डेटा टाइप है, न्यूमरिक डेटा टाइप्स का एक टाइप है, मतलब सब कैटेगरी है। और चलो अब यहाँ पर मैं बहुत सारा कुछ लिखने से अच्छा है, मतलब बहुत सारे आते हैं जैसे बिग इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से ही मंगवा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यूमरिक डेटा टाइप्स इन इन एसक्यूएल, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है, देखो इतना सारा है, या इंटीजर में ही तुमको मिल गया टाइनी इंट या फिर टिनी इंट, तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो। अब बहुत सारे लोग इसको टाइनी बोलते हैं, बहुत सारे लोग टिनी बोलते हैं, मैं तो टिनी बोलता हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो ये डेटा टाइप वहां पर लिखने से मतलब है ना, तो यहाँ पर एक टाइनी इंट है या फिर टिनी इंट है, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनमें अंतर क्या है, ये भी इंटीजर डेटा टाइप है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है, तो इनका मतलब अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि, तो यहाँ पर अंतर रेंज का है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा रेंज, ठीक है, कितने से कितने तक का रेंज है यहाँ पर। फिर स्मॉल इंट जो है उसका भी रेंज यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, फिर मीडियम इंट का भी तुम्हें रेंज दिख रहा होगा, फिर इंट लिखो या फिर इंटीजर लिखो, ये दोनों को सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तुम वहाँ पर जब काम करने लगोगे एसक्यूएल में, तो तुम वहाँ पर इंट लिखो या फिर इंटीजर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी तुम यहाँ पर ये देख सकते हो, तुम्हें ये रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बिग इंट ये है, ठीक है, देख लो, बस तुम्हें नाम पता होना चाहिए कि चलो ये सारे सारे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर तो तुम इंट यूज करोगे, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बिग इंट तुम यूज कर सकते हो। देखो इसके बाद है हमारे पास डेसिमल या फिर हम कह सकते हैं न्यूमरिक, ठीक है। न्यूमरिक तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको याद रखो, डेसिमल को याद रखो। और पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रिसीजन, मतलब कि टोटल, मान लेते हैं हमारे पास 1.777 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 नंबर के डिजिट्स हैं, ठीक है, तो वो देखो पी रिप्रेजेंट यहाँ पर प्रिसीजन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो वो हो गया। और उसके बाद एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कि डेसिमल जो पॉइंट होगा उसके राइट पे जितने डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया ना अभी 4.777, तो यहाँ पर 4777, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4, यानी कि वो हमारा प्रिसीजन हो गया पी, ठीक है। मतलब हम इस तरह से डिनोट करेंगे, जब भी हम ये डेटा टाइप दे रहे होंगे तो पहले हम यहाँ पर डेसिमल लिखेंगे, और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर प्रिसीजन डालेंगे। प्रिसीजन में क्या डालेंगे, पहले हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डालेंगे, यानी कि 4 हो गया, और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हो गया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये डेसिमल भी यूजफुल है, यहाँ इंटीजर और इंट भी यूजफुल है, और न्यूमरिक तुम्हें बस याद रखना है। देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि प्रिसीजन पहले होता है, और एस यानी कि नंबर स्केल, ठीक है, तो प्रिसीजन पहले होता है और स्केल बाद में होता है, तो डेसिमल और न्यूमरिक सेम है, याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर फ्लोट, देखो जो जो याद रखना है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इतना सारा याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं फ्लोट पे, तो फ्लोट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर तुम ध्यान रखो। प्रिसीजन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, बस सिंपली ध्यान रखो और क्या। और यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, तो अब जिन्होंने साइंस लेकर रखा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में था वो, 11th में था, हाँ 11th में तो फिजिक्स में था, और 12th में केमिस्ट्री में, शायद 12th में है, तुम देख लेना। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसने पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना फिर ज्यादा इसमें ध्यान देने लगाने की जरूरत नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो तुम्हें दिख रहे हैं तुम वो लिख देना बस, ठीक है। और उसके बाद फिर डबल और डबल प्रिसीजन, ठीक है, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। डबल प्रिसीजन में क्या होता है कि ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है, सेम है फ्लोटिंग पॉइंट के जैसा, लेकिन इसमें जो है वो रेंज ज्यादा है, ठीक है, रेंज यहाँ पर कम थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेंज ज्यादा होगी, और फिर ये देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिट, ये भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम बाइनरी डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से देखने लायक थे न्यूमेरिक डेटा टाइप में, तो वो मैं लिख देता हूँ, इंट और इंटीजर, ठीक है, और उसके बाद फिर फ्लोट। अब देखो यहाँ पर अपर केस लोअर केस ध्यान रखना थोड़ा, फिर बाद में फ्लोट, और उसके बाद फिर डेसिमल, डेसिमल के साथ क्या था, डेसिमल के साथ न्यूमरिक था। और तुम इस चीज को भूलो ना, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले प्रिसीजन और उसके बाद फिर स्केल, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होंगी, पहले प्रिसीजन और उसके बाद फिर स्केल, ठीक
ठीक है, और कुछ था क्या? और हाँ डबल था, बस खत्म, इतने तुम्हें देखने हैं, ठीक है यही सब है ना, और कुछ तो ढंग का नहीं है। या बिग इंड तुम देख सकते हो, लेकिन देखना हो तो अभी मतलब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है, हाँ हो गया। तो इतने हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखने हैं, और सबका क्या मतलब है तुम्हें मैंने बता दिया। अब आते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स यहाँ पर इससे ये भी पूछ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग है। देखो यहाँ पर मतलब अलग अलग क्यों है, मतलब डेट का अलग डेटा टाइप होता है, फिर टाइम का अलग डेटा टाइप होता है, और फिर कंबाइंड डेटा टाइप अलग होता है, मतलब कि डेट और टाइम तुम साथ में स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर फिर आ जाता है ये टाइम जोन का, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या क्या तुम्हें जरूरत है वो तुम देख लो यहाँ पर। तो डेट स्टोर्स वैल्यूज विदाउट टाइम, हाँ ठीक है। फंक्शन देखो, अब यहाँ पर ये एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट को तुम्हें याद रखना है, डेट को जो एसक्यूएल है वो इस फॉर्मेट में याद रखता है। किस तरह से? पहले ईयर होगा, उसके बाद फिर मंथ, और उसके बाद फिर डेट, यानी कि बस उल्टा, जिस तरह से हम अपने नोटबुक्स वगैरह में लिखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा होगा, बस उल्टा, ठीक है। और उसके बाद टाइम डेटा टाइप के बारे में हम देखते हैं। तो टाइम में क्या है, हाउ आवर मिनट और सेकेंड, ठीक है, बस ये तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पर देखो डैश यूज किया हुआ है, और यहाँ पर देखो कोलोन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख दूंगा, और कंबाइंड किस तरह से होता है, ये पहला तरीका ये है कि हम पहले डेट लिखें, और उसके बाद फिर स्पेस डालें, और उसके बाद फिर टाइम लिख दें, ठीक है, ये एक तरीका है। और उसके बाद फिर और भी तरीका है, मतलब कि ये तो डेट टाइम इसको बोलते हैं, और भी यहाँ पर कुछ तरीके हैं, और यहाँ ये अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे ये टाइम स्टैम्प है, ये भी दोनों को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सब हमें देखने की जरूरत नहीं है, और ये भी देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें टोटल तीन देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर डेट, और ये किस फॉर्मेट में लेता है मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। फॉर्मेट इसका क्या था, डेट का पहले ईयर के डिजिट्स थे, सॉरी, और उसके बाद डैश था। देखो तुम्हें ध्यान रखना है कि डेट में डैश होगा, और उसके बाद क्या था, मंथ, ओके, और उसके बाद क्या था, डेट, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने क्या लिखा है, तो रुको मैं अभी वो तुम्हें समझा दूंगा। और उसके बाद ये आवर, फिर बाद में ये कॉलोन है, और उसके बाद फिर मिनट, और उसके बाद फिर सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद फिर डेट टाइम भी था दोनों कंबाइन करके। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और उसे मैं लली मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करके सिंपल एक स्पेस देके ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने क्या लिख दिया, जैसे कि अगर आज का डेट क्या है, 2/6/24, तो उसको मैं इस फॉर्मेट में किस तरह से लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा 2024, फिर डैश, फिर मंथ में क्या चल रहा है, 06, ठीक है। तो 06 हमें पूरा देना पड़ेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 6 नहीं देना है, यहाँ पर 06 लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर देना है तुम्हें डेट जो कि 02, ये चल रहा है ना, हाँ। और फिर उसके बाद फिर मंथ, सॉरी टाइम का भी कुछ इसी तरह से है, जैसे कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:53 हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर AM चल रहा है, ठीक है, तो AM चल रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर AM में ही डालेंगे, मतलब 12 लिखेंगे। अगर यहाँ पर PM चल रहा होता तो यहाँ पर हम 12 नहीं लिख रहे होते, सॉरी 12 ही लिख रहे होते, लेकिन अगर 1:53 हो रहे होते PM में, तो उसे हम 13 लिखते, 13:53 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12 हो गया, और उसके बाद फिर मिनट्स में क्या हो रहा है, 53, ठीक है, और उसके बाद सेकंड, सेकंड में क्या हो रहा है, कुछ भी मान लेते हैं 7 सेकंड हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे सिर्फ, उसके लिए हम यहाँ पर 07 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, और इसी तरह से हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँ अगर मैं ये, और ये यहाँ पर स्पेस दे के ये, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, बस सिंपल है। अब तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिकली क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर VS कोड में बस टेक्स्ट एडिट करके मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अब बचा क्या, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इससे ये भी मंगा लेता हूँ, तो यहाँ पर ये इतना सारा आ रहा है, ये सोच रहा है कि हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं, बेचारा, कोई बात नहीं। हाँ तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फिक्स लेंथ स्ट्रिंग टाइप, और उसके बाद वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग टाइप, और उसके बाद और क्या क्या है, कोई बात नहीं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ दो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर,
एक फिक्स्ड लेंथ और एक वेरिएबल लेंथ। इसमें क्या क्या आता है, इसमें कैर आता है और इसमें वैर कैर आता है, ठीक है। तो हमें बस इन दोनों को पढ़ना है। तो पहले मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको, सॉरी हाँ ठीक है कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ है स्ट्रिंग, हाँ ये रहा ये, और यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैर क्यों लिखा हुआ है, वैर का मतलब है वेरिएबल, ठीक है वेरिएबल। अब कैर है, ठीक है मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है मतलब हाँ मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर ही आता है ये कैर, ठीक है। कैर मतलब कैरेक्टर, और उसके अंदर एन लिखा हुआ है मतलब कि नंबर ऑफ मतलब वो जो तुम्हारे स्ट्रिंग होगा उसमें कितने लेटर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक बहुत अच्छी चीज लिखूँ यहाँ पर, ठीक है एक बहुत अच्छी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, तो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काला फॉर रीजन। तो यहाँ पर 7 लेटर्स है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगर मेरे को इसको कहीं पर स्टोर करना हुआ तो मैं उसका डेटा टाइप क्या रख सकता हूँ, मैं कैर रख सकता हूँ, और एन की जगह पर मैं यहाँ पर इसका साइज रखूंगा 7, ठीक है। तब जाके ये जितने भी डिजिट है वो जो वहां पर जाके स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से काम होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं 10 रख दूँ, ठीक है, और उसमें मैं राजनाथ स्टोर करूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसे इस तरह से स्टोर करेगा। जैसे कि यहाँ पर 7 लेटर्स तो ऑलरेडी है, स्पेस 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 हो गए 10 लेटर्स। अब जाके ये इस चीज को वो स्टोर करेगा, ना कि सिर्फ राजनाथ को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब कि 3 कैरेक्टर्स जो है वो स्पेस के एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, मतलब कि फालतू की स्पेस यहाँ पर क्यों आए, ये तो गलत बात है। तो कभी कभी हम चाहेंगे, ऐसा भी चाह सकते हैं कि मेरे को उतना लेटर्स ही चाहिए तो उतना लेटर्स ही चाहिए, आप उससे ज्यादा बढ़ाओ जो करना है करो, ठीक है, लेकिन मेरे को उतने लेटर्स चाहिए। तो उस केस में हम कैर का यूज करेंगे। और जब हम चाहते हैं कि ठीक है अगर मैंने यहाँ पर मान लेते हैं 10 लिख दिया और इस पे हम स्टोर कर रहे हैं राजनाथ, तो फिर क्या होगा कि ये सिर्फ राजनाथ को ही स्टोर करेगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस ये ऐड नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल मतलब सॉरी वैर कैर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम कैर और वैर कैर का मतलब तुम समझ गए होगे। कैर में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा लेटर्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो फ्री के जो वेस्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम चाहेंगे कि भले कुछ भी हो हमें अपना डेटा जो है वो उतने डिजिट्स का ही रखना है, सॉरी उतने कैरेक्टर्स का ही रखना है, तब हम कैर का यूज करेंगे। और कभी कभी हम चाहेंगे कि ठीक है हम तुम्हें लेंथ दे रहे हैं लेकिन तुम उतनी ही लो जितने के तुम हो, ठीक है, पैर उतनी ही पसारो जितनी चादर हो, तो उसके लिए हम वैर कैर यूज करेंगे, बस सिंपल है। तो यहाँ पर भी वही कुछ लिखा होगा तो तुम पढ़ सकते हो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। हाँ तो डेटा टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो डेटा टाइप्स पढ़ के, ये काफी बोरिंग था डेटा टाइप्स। और फिर नल वैल्यूज आते हैं, नल वैल्यूज और कमेंट्स के ऊपर। देखो जैसे पाइथन में नन था, नन लिटरल एन ओ एन ई, उस तरह से यहाँ पर नल है, ठीक है। नल का मतलब है कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब एक ऐसी चीज जो कि कुछ नहीं है, ठीक है, इस चीज को हम नल कहते हैं। और इसका हम यूज भी करने वाले हैं और काफी अच्छे क्वांटिटी में हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पर हम अच्छे से देखेंगे इसको कि नल होता क्या है। और उसके बाद आता है कमेंट्स। तो कमेंट्स जिस तरह से पाइथन में थे सेम भैया, कमेंट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो कि एग्जीक्यूट ना हो। अब देखो एसक्यूएल में तो हम काफी कम ही यूज करने वाले हैं कमेंट्स का, लेकिन फिर भी कमेंट के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर हम कोई पाइथन फाइल बनाए तो उसमें हम क्या हैशटैग यूज करते हैं, या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम कमेंट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स का यूज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं। पहले ये फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं, उसके बाद फिर ये बैक, ये सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं, उसके बाद ये स्टार लिखते हैं, और उसके बाद हमें जो टेक्स्ट लिखना होता है वो हम लिख देते हैं। और उसके बाद फिर हम ये एस्टरिस्क बोलते हैं इसे, या फिर स्टार बोल लो, तो मैं जो बोलना बोलो, और फिर सॉरी ये, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट हम डाल सकते हैं। या फिर कोई और तरीका है क्या कमेंट डालने का? हाँ जरूर है, कौन सा तरीका है? इसके बाद हम हैशटैग का भी यूज कर सकते हैं, हैश और उसके बाद जो भी, जैसे कि पाइथन में था। क्या कोई और तरीका है? हाँ है, और दूसरा तरीका ये है, सॉरी और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर तुम दो हाइफन लगा दो, स्पेस लगा दो, उसके बाद तुम्हें जो लिखना लिखो, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास 3 तरीके हैं टोटल कमेंट्स लगाने के। और देखो यहाँ पर ये जो इस तरह का ये जो तरीका है इसे तुम मल्टी लाइन के कमेंट्स लगा सकते हो, ठीक है। जैसे फिर हमने ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम कमेंट्स लगा सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें हम मल्टी लाइन के कमेंट्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये होते कमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है एसक्यूएल कमांड के सिंटैक्स।
तो कोई बात नहीं, हम जल्दी टेबल बनाने के लिए मूव करने वाले हैं। खैर, एसक्यूएल कमांड के सिंटैक्स क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या पढ़ना है हमें? तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये तुम्हें ये बताऊं कि एसक्यूएल जो है वो नन केस सेंसिटिव है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं, यानी कि इसमें तुम या फिर तुम ये लिखो, जैसे अगर तुम्हें सेलेक्ट लिखना है, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, तो तुम उसे इस तरह से भी लिख सकते हो, सॉरी क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब बीच में कुछ भी, यहाँ पर जो कैपिटल और स्मॉल केस का जो, यानी कि अपर केस और लोअर केस का जो लफड़ा होता है वो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा और हर कोई तुम्हें यहाँ पर डी सजेस्ट करेगा, तुम एक या तो लोअर केस चुन लो, उससे पूरा जो भी क्वेरी वगैरह करना है वो करो, या फिर अपर केस कर लो, क्योंकि गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगना चाहिए। अब तुम बच्चे तो नहीं हो कि तुम यहाँ पर सेलेक्ट में एस कैपिटल रख रहे हो, ई छोटा रख रहे हो, ये वो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन सी कीवर्ड्स के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो कीवर्ड्स तुम सबको पता है कि क्या होता है, पाइथन में तुमने काफी टाइम पढ़ा होगा। कीवर्ड्स मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को पता है, यानी कि हमारे, जैसे कि पाइथन में क्या था कि पाइथन में इंटरप्रेटर था, तो हमारे इंटरप्रेटर को उसका मतलब पता है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब पता है पाइथन को, तो वो कीवर्ड हो गया, ठीक है, जैसे इज हो गया, ऐसी बेसिक चीजें, जो इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, ऐसी बेसिक चीजें जिनका वर्ड, जिन वर्ड्स का मतलब पाइथन में ऑलरेडी डाला गया है, उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और कमांड्स किसको बोलते हैं? कमांड्स और स्टेटमेंट्स, ठीक है, कमांड्स हम वो बोलते हैं, जैसे कि जो भी तुम इनपुट डालते हो अपने एसक्यूएल में, इनपुट डालने वाले हो, अभी तक तुमने डाला नहीं है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन तुम उसको देने वाले हो उनको हम कमांड्स कहते हैं, सबको पता है। अब हमारा जो कमांड होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर तुम यहाँ पर इंग्लिश की बात करो, तो तुम यहाँ पर क्या लिखते हो, माई नेम इज, तुम ये नहीं लिखते हो, तुम यहाँ पर अपना नाम लिखते हो, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है ना प्रॉपर, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर ये नाउन हो गया, ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है, यहाँ पर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरह से कमांड में भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कमांड को किस तरह से लिखते हैं, मतलब कमांड में क्या क्या कंटेन कंजिस्ट करता है कमांड जो है वो, तो यहाँ पर क्लाउजेस होते हैं, ठीक है, क्लाउजेस होते हैं। अब क्लॉजेस क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको बाकी के लिए, आगे के लिए बचा के रखो। इसको मैं क्या करूं, इसको मैं, चलो कोई एक साइन यहाँ पर रख देते हैं ताकि पता चले कि हमें इसे पढ़ना है, ये रख देते, ठीक है, क्लॉजेस हमें आगे पढ़ना है, मतलब कमांड्स के अंदर ही आता ही है, और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सब मिलके एक कमांड बनाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या होता है, हमने यहाँ पर जो भी टेबल वगैरह बनाया, ठीक है, टेबल्स जो भी बनाया हमने, जो भी हम बनाने वाले हैं, अभी तक बनाया तो है नहीं, तो उनको हम बोल सकते हैं टेबल, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है उनका, उसको एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब देखो, इसके बाद हमारे पास कुछ सिंबल्स भी आते हैं, ठीक है, हम अपने कमांड में ऑब्वियसली सिंबल्स का तो यूज करने भी वाले हैं, कौन कौन से सिंबल्स है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो चैट जीपीटी जरा बताइए हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स होते हैं एसक्यूएल में। ये क्या बकवास है, हटाओ इसको, 999, अरे यार 999, बस कर भाई, बस कर, बस कर, बस कर, हो गया, मेरे को रोना आ गया, मेरे को नहीं जानना तेरे से, ठीक है। अब सिंबल कौन कौन से है मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, तो सिंबल्स में सबसे पहले ये वाला साइन आता है, तो इसका मतलब होता है और का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है, और सेमी कॉलन भी होता है। अब देखो, हर एक कमांड यहाँ पर तुम्हारा सेमी कॉलन जब तुम लगाओगे तभी वो बंद होगा, मतलब खत्म होगा, ठीक है, उसके बिना तुम्हारा कोई कमांड खत्म ही नहीं हो सकता, मतलब अगर तुम सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें हर एक कमांड में सेमी कॉलन लगाना है। और अब देखो, मैथ्स में तुम जो भी करते हो वो ब्रैकेट्स का यूज करके करते हो, ठीक है, पैरेंथेसिस वगैरह यूज करते हो, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट्स का यूज होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करो और इसके अंदर जो भी लिख रहे हो वो सब तुम्हारा इवैल्यूएट होने वाला है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हम क्या बकवास कर रहे हैं, हम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र बस और रखो, बस मैं बताने ही वाला तुम्हें, इवैल्यूएट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनका यूज होता है, इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम जो भी रखते हैं वो ऑप्शनल चीजें होती हैं, ठीक है, बस अभी तुम्हें इतना ही पढ़ना है,
और मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ वो मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो बस तुम्हें ये पढ़ना है। अब हमारे पास है सैम्पल डेटाबेस, ये मैंने दो बार क्यों लिखा पता नहीं। अब देखो यहाँ पर से हमारी जो जर्नी है टेबल क्रिएट करने की, मतलब डेटाबेस क्रिएट करने की और डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने की, तो वो यहाँ से शुरू होती है। तो अब हम यहाँ से मूव करते हैं अपने इस चैप्टर की ओर, और ये चैप्टर खत्म करने के बाद हो सकता है हम फिर, मतलब शायद पूरा कंप्लीट करने के बाद, मतलब बीच में भी चले जा सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर इन चीजों में घुसने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो मैं क्या बताने वाला था मैं खुद ही भूल गया। हाँ तो अब हम यहाँ पर डेटाबेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो विजुअली मैं तुम्हें थोड़ा पहले बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने एक घटिया सा जो भी डिजाइन करना था मैंने कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर अब देखो जैसे कि तुम क्या करते हो अपने कंप्यूटर में अलग अलग डेटाबेस बनाने वाले हो, ठीक है? एसक्यू MySQL सॉफ्टवेयर तुम खोलने वाले हो, उसके अंदर तुम एक डेटाबेस बना सकते हो, दूसरा डेटाबेस बना सकते हो, तीसरा डेटाबेस बना सकते हो, चौथा डेटाबेस बना सकते हो, ऐसे तुम्हें जितना भी चाहे उतना डेटाबेस तुम बना सकते हो, और हर डेटाबेस के अंदर तुम कुछ टेबल्स क्रिएट करने वाले हो, ठीक है? ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर ये तीनों टेबल्स हैं, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, और उसके बाद इस डेटाबेस के अंदर ये दोनों टेबल, ये सारे टेबल्स हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसको मेरे को ट्रू करना चाहिए था, ठीक है? तो इस डेटाबेस के अंदर ये तीनों टेबल्स हैं और इस डेटाबेस के अंदर ये तीनों टेबल्स हैं। उसी तरह से तुम अलग डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर टेबल्स, उसके अंदर टेबल्स होते हैं, ठीक है? तो ये बस ऐसे ही मैंने एक स्ट्रक्चर तुम्हें बना के बताया है कि एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर हम टेबल्स को स्टोर करते हैं, और वो जो टेबल्स होते हैं वो सिर्फ उसी डेटाबेस के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेबल टू है वो इसको नहीं जानता, ठीक है? वो इस डेटाबेस को नहीं जानता, या फिर ये डेटाबेस इस टेबल टू को नहीं जानता, ठीक है? भले हो सकता है कि ये टेबल टू जो है वो इस टेबल वन को जानता हो, ठीक है, जान सकता है, और फिर टेबल थ्री को भी, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे को जान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको जान जाए, ये इसको जान जाए, ये इसको जान जाए, ठीक है? यहाँ पर ये अलग दुनिया बन गई इनकी, ये अलग दुनिया बन गई इनकी, ठीक है? तो इस तरह से होता है। तो ये हमने पहला वाला जो चैप्टर है उसका काफी ज्यादा कवर कर लिया है, काफी ज्यादा पोर्शन कर लिया है, और अब हम आते हैं टेबल क्रिएशन वाले टेबल चैप्टर पे, ठीक है? तो यहाँ से हम काफी ज्यादा अब क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो तो यहाँ से हम काफी ज्यादा अब जो भी काम करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो भी काम करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब MySQL सॉफ्टवेयर जो है वो खोल लेंगे, और MySQL हम इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें इस चैप्टर में बता दिया था, तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए थे। तुम वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके डायरेक्ट वही चीज वहां पर देख सकते हो कि हम उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो वो इंस्टॉलेशन का तुम्हें दिख जाएगा, और उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर MySQL का जो सॉफ्टवेयर है वो खोल लेते हैं। यहाँ पर MySQL कमांड लाइन क्लाइंट है, मैं इसे खोल लूंगा। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड क्या रखा था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये मेरा MySQL जो है वो खुल गया। अब देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, डेटाबेसेस इन MySQL इंट्रोडक्शन तो बहुत बार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने MySQL खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? और क्रिएट करने से पहले यहाँ पर अगर मैं खुद ही देखना चाहूँ कि कौन कौन से डेटाबेसेस है अभी मेरे पास मेरे कंप्यूटर में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शो डेटाबेसेस, ठीक है? तो मेरे पास ये सारे डेटाबेसेस हैं, और इसमें से ये जो टेस्ट नाम का तो मैं डेटाबेस दिख रहा है, ये मैंने क्रिएट किया था, ठीक है? बाकी ये सब तो ऑलरेडी थे, ये RDBMS भी शायद मैंने ही क्रिएट किया है, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर भी एक नया डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, तो उसका हम नाम क्या रख दें, उसका हम नाम क्या रख दें, उसका हम नाम क्या रखें? तो सिंपल उसके लिए जो कमांड होता है उसके लिए तुम यहाँ पर लिखते हो क्रिएट, ठीक है? फिर डेटाबेस लिखते हो, फिर डेटाबेस का नाम लिखते हो। अब डेटाबेस यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टेस्ट तुम्हें दिख रहा है ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं टेस्ट वन बनाता हूँ, ठीक है? टेस्ट वन और एक सेमी कॉलन, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये मुझे क्या कर रहा है, वो सॉरी यहाँ पर मैंने जो बेस का डेटाबेस में बेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, वही मैंने सोचा कि इतने सिंपल से कमांड में कौन सा एरर आ गया, मतलब छोड़ो। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, अब मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर ये लिखता है क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, ठीक है? वन रो अफेक्टेड का मतलब क्या है ये तुम्हें पता चल जाएगा, और ये इसका एग्जीक्यूशन का टाइम है, और क्वेरी ओके है मतलब ठीक है चल गया ये।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस हैं हमारे कंप्यूटर में। अब तक किए थे, यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहे हैं अब तक किए थे, फिर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया टेस्ट वन के नाम से। अब देखते हैं वो आया या नहीं। तो उसके लिए या तो मैं प्रीवियस कमांड फिर से टोटल लिख सकता हूँ, या फिर मैं ये जो तुम्हारे कीबोर्ड में नेविगेशन कीज होते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारे अपसाइड वाले की है टॉप की, ठीक है, उसे अगर तुम प्रेस करते हो तो तुम्हारा जो प्रीवियस कमांड है वो लिखा हुआ आता है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। और फिर तुम फिर से प्रेस करते हो तो उससे प्रीवियस वाला आता है, फिर तुम फिर से प्रेस करते हो तो उससे प्रीवियस वाला आता है। शो डेटाबेस, अब मैं एंटर करूंगा तो अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि टेस्ट वन भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस हम ओपन कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे किसी डेटाबेस में इनमें से किसी में काम करना है तो मैं उसे ओपन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज और फिर डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ पर टेस्ट वन है डेटाबेस का नाम, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा के मैं एंटर कर सकता हूँ यहाँ पर। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो शो, सॉरी, यहाँ पर जब मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा था तब मैंने क्या लिखा था, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। लेकिन यहाँ पर मैं जब यूज कर रहा हूँ उस वक्त मैंने क्या किया, सिर्फ यूज लिखा और डेटाबेस का नाम लिखा, यहाँ पर मेरे को डेटाबेस बीच में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि यूज का ही हम काम ही तब करते हैं जब हम किसी डेटाबेस को यूज में ले रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, तुम्हें एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। वहां तुम्हें बोल दिया जाएगा कि तुम्हारे पास तुमको ये काम करना है, अब तुम इसकी क्वेरी लिखो, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना होगा। एंटर करते हैं, अब डेटाबेस चेंज हो गया, मतलब कि अभी हम किसी डेटाबेस पे जंप कर चुके हैं। तो किस पे जंप कर चुके हैं अभी हम, इस पे, अभी अभी हम ये टेस्ट वन वाले डेटाबेस पे अभी हम हैं फिलहाल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि अपना जो मैंने यहाँ पर डेटाबेस बनाया, अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉप और फिर डेटाबेस का नाम। तो टेस्ट वन सेमी कॉलन हो गया। अब अगर मैं शो डेटाबेसेस करूं तो देख रहे हो यहाँ पर से तुम कि टेस्ट वन जो था वो गायब हो चुका है। अब देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, लेकिन तुम आगे जाके इसे ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रिएट डेटाबेस किया, तो बीच में हमने क्रिएट डेटाबेस के लिए डेटाबेस लिखा हुआ है, ठीक है, फिर बाद में हमने यहाँ पर ड्रॉप किया जब डेटाबेस को, तो उसके लिए भी हमने बीच में डेटाबेस लिखा हुआ है, लेकिन हम जब यूज कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पर बीच में डेटाबेस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वो स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मतलब भूल सकते हो तुम इसे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि इस पर तुम ज्यादा फोकस करो। अब देखो डेटाबेस का तो हो गया, अब हम यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं। और टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल हम किसी डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम पहले कोई एक डेटाबेस बना लेते हैं फिर से। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद फिर मैं तुम्हारे क्लास का नाम लिख देता हूँ, क्लास 12, ठीक है, और एक सेमी कॉलन लगा के मैं एंटर करूंगा, तो मेरा एक डेटाबेस बन गया। अगर मैं यहाँ पर शो डेटाबेसेस करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख गया कि क्लास 12 नाम का एक डेटाबेस आ चुका है। और अगर मुझे इसे यूज करना है तो मैं लिखूंगा यूज और फिर क्लास 12, ठीक है, सेमी कॉलन लगा के एंटर करेंगे, बस काम हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैंने इसको जूम कर दिया ताकि तुम्हें दिखे अच्छे से। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए जैसे कि तुमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या किया था, क्या किया था डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तुमने क्या किया था, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम, बस ये चीज तुम्हें यहां पर करनी है। क्रिएट, सॉरी सॉरी, टेबल, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम लिखो। टेबल का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, मान लेते हैं स्टूडेंट्स रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम मैंने रख दिया, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है टेबल का नाम। और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, उसके अंदर में टेबल का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर होने वाला है, वो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट मेरे को बस स्टूडेंट्स लिख के काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ऐसे पैरेंथेसिस मैंने दे दिया और फिर सेमी कॉलन लगा दिया। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा स्टूडेंट्स टेबल का। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, और उसमें अगर हमने कोई कॉन्स्टेंट डालना है वो लिखना पड़ेगा, मतलब साइज डालना है तो साइज होगा, फिर बाद में कोई कॉन्स्टेंट होगा, फिर कॉमा होगा, मतलब इस तरह से हम सेपरेट करने वाले। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन आ जाएगा समझ में। तो देखो देखो पहले कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर मैं कोई टेबल बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, एक एक्सेल फाइल बनाते हैं,
यहाँ पर मैं एक्सेल फाइल का काम लूंगा, ठीक है, और इस एक्सेल का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ, टेबल का नाम क्या था, सॉरी टेबल नहीं, डेटाबेस का नाम क्या था, डेटाबेस का नाम था क्लास 12, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास 12 रख देता हूँ, ये इस फाइल का नाम हो गया। अब देखो इसके अंदर अलग अलग शीट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये एक शीट 1 है, यहाँ पर ये अलग शीट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक और शीट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर अलग अलग टेबल्स तुम मान लो, ठीक है, इस पूरे फाइल को तुम एक डेटाबेस मान लो, और यहाँ पर जो अलग अलग शीट्स हैं उनको तुम एक टेबल मान लो, मतलब ये टेबल 1 हो गया, टेबल 2 हो गया। तो फिलहाल हम क्लास 12 डेटाबेस के अंदर कौन से फाइल पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फाइल पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी कोई और तो है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से एक स्टूडेंट्स, यही हमारे पास एक टेबल है, तो इसमें हम काम करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या रखते हैं, एक एडमिशन नंबर रखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या रखें, एडमिशन के नंबर नंबर के बाद हम यहाँ पर नेम रख देते हैं, फर्स्ट नेम रख देते हैं, चलो थोड़ा सा टेबल हमारा बड़ा हो जाएगा तो देखने में अच्छा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ लास्ट नेम रख देते हैं, ये मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट लिखा है मैंने, तो फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट, सॉरी यहाँ पर F1 दबा दिया मैंने, मेरे को F2 दबाना था, फिर से कोई बात नहीं, मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि अभी तुम मेरे डेस्कटॉप के बॉटम में देख सकते हो कि टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। नेम तो और हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पर, फोन नंबर डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर ये मैं परसेंटेज डाल देता हूँ, तो मैं जज किससे करेंगे, हा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे हमारे कॉलम्स हो गए, और इसमें मैं नाम रखने वाला हूँ, मतलब कि इसमें डेटा फ्यूज करने वाला हूँ मैं, तो 1 रहेगा, 2, 3, 4, देखो एडमिशन नंबर इस तरह से होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया रोल नंबर के जैसा। अच्छा यहाँ पर मैंने रोल नंबर तो रखा ही नहीं, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर रोल नंबर का भी एक कॉलम मैं बना देता हूँ, ठीक है, रोल नंबर, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कितना खूबसूरत सा डेटा मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, इस टेबल को। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। देखो इस टेबल को हम अपने डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, अपने डेटाबेस, हमारा जो डेटाबेस होने वाला है वो क्लास 12 नाम से हमारा डेटाबेस है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा, और इसमें हम एक नया टेबल बनाने वाले हैं, इस नाम का, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बनाने वाले हैं, और ये हमारे पास वहाँ पर डेटा होने वाला है, और ये सारे कॉलम के नाम है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। तो पहले हम जब भी कोई एक टेबल बनाते हैं, तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, और स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास कौन सा कॉलम होने वाला है, कौन कौन से कॉलम्स होने वाले हैं, और उनके क्या क्या डेटा टाइप्स होने वाले हैं, और उसमें कौन से हमें कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने हैं, ठीक है, और बस यही सब चीजें होती हैं। तो पहले हम ये डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसमें डेटा, जो भी डेटा होता है वो फिल करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले टेबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल करने के लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हम यहाँ पर क्या रखने वाले थे, स्टूडेंट्स रखने वाले थे, ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स रखने के बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम पहले कॉलम का नाम रखते हैं, तो कौन कौन से कॉलम्स है हमारे पास, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर और परसेंटेज, ठीक है, लिख देते हैं। तो पहले आप यहाँ पर हम एडमिशन नंबर लिखेंगे, ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो मैंने स्पेस लगाया है, तो यहाँ पर मैं स्पेस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, अब देखो कुछ डेटाबेसेस में अलाउड होता है स्पेस लगाना, लेकिन कुछ में नहीं होता है, तो मैं तो यही तुम्हें प्रेफर करूंगा कि जब भी तुम ऐसे कोई एक कॉलम बना रहे हो तो उसमें तुम उसमें स्पेस मत लगाया करो, ठीक है, हो सके तो डायरेक्ट ये लिख दिया करो ADM NO, ठीक है, या फिर एक काम किया, या फिर तुम इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर कोई एक इसका कोई एक इसको हम डेटा टाइप देने वाले हैं, तो एडमिशन नंबर के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, इंट या फिर इंटीजर, तुम पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो इंट काफी है। फिर अगर तुम्हें इसका कोई एक कॉन्स्टेंट देना है, तो अगर तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक एक चीज होती है प्राइमरी की नाम की, ठीक है, प्राइमरी की एक वो कॉलम होता है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है अलग अलग रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने का, जैसे कि अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो उसमें हर बच्चे की एडमिशन नंबर अलग अलग होगी, ठीक है, तो वो उसे हम कह सकते हैं प्राइमरी की, लेकिन वही रोल नंबर की बात कर लो तो अलग अलग क्लासेस के बच्चे की तो ऑब्वियसली सेम हो जाएगी ना रोल नंबर, तो वही हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं,
तो एडमिशन नंबर और फिर इंट, और उसके बाद हमें अगर कोई कांस्टेंट लगाना हो तो हम रख सकते हैं, नहीं लगाना हो तो नहीं रख सकते, वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो कौन सा कांस्टेंट हम यहाँ पर रखने वाले हैं? प्राइमरी की लिखने वाले हैं, प्राइमरी की। ठीक है, फिर कॉमा, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं एडमिशन नंबर के बाद हमारे पास रोल नंबर था, रोल अंडरस्कोर एनओ। ठीक है, इसमें भी इंट होगा। और अगर हम चाहते हैं कि जब भी यूजर इनपुट कर रहा हो पूरा का पूरा डेटा, जैसे कि यूजर ने ये एक रिकॉर्ड फिल कर दिया, ये एक रिकॉर्ड फिल कर दिया, तो जब भी हम चाहते हैं कि अगर वो कोई भी रिकॉर्ड फिल कर रहा है, तो वो यहाँ पर उसके पास दो तरीके होते हैं। या तो वो किसी चीज को यहाँ पर फिल ना करे, मतलब उसने अगर इस इंसान का रिकॉर्ड फिल किया है तो हो सकता है उसने एडमिशन नंबर डाला हो, रोल नंबर डाला हो, फर्स्ट नेम डाला हो, लास्ट नेम डाला हो, फोन नंबर ना डाला हो, और हो सकता है परसेंटेज भी ना डाला हो। ठीक है, इस तरह से उसने डाला हो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे चाहिए, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रोल नंबर ना डाले, मतलब अगर वो रोल नंबर ना डाले ना तो वो उसका रिकॉर्ड इश्यू होगा ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल सकता हूँ, नॉट नल। अगर ऐसा होता है कि वो रोल नंबर ना डाले, मतलब अगर ये कंडीशन ना हो डाली हो तभी ये पॉसिबल है, तो अगर वो रोल नंबर ना डाले ना तो उस टेबल में ऑटोमेटिकली वहां पर नल स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? नॉट नल। ठीक है, बढ़िया। अब नॉट नल के आगे रोल नंबर का हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और फिर यहाँ पर मैं वैर का डेटा टाइप रखूंगा, और इसका जो साइज होगा वो मैं 20 रख दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा की तो जरूरत पड़ने वाली है नहीं। उसके बाद फिर लास्ट नेम रख सकते हैं, लास्ट अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, और इसमें भी मैं वैर कैर कर दूंगा, और यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ। इसके बाद क्या था? इसके बाद शायद फोन नंबर था। ठीक है, फोन नंबर, और इसमें मैं इंट कर देता हूँ। ठीक है, और इंट में हमें साइज डालने की कोई जरूरत नहीं है, और ये फोन नंबर तो हो गया। फोन नंबर के बाद क्या था? परसेंटेज था। ठीक है, परसेंटेज, और परसेंटेज किस में था? वो भी इंट में चल जाएगा। ठीक है, बस और तो कुछ छूट नहीं रहा, एक सेमी कॉलन छूट रहा है बस। ठीक है, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। एंटर करते हैं, ये मुझे कह रहा है कि एक एरर आ गया, तो ये एरर किधर आ रहा है? वैर कैर में। अच्छा, यहाँ पर मैंने वैर कर यहाँ पर जो डबल है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर मैं प्रीवियस कमांड अपना फिर से लेके आता हूँ, और वैर कैर कहाँ पर था? यहाँ पर था, इसको मैंने सही कर दिया। अगर मैं इसे एंटर करूँ तो अब ये चल गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो टेबल है वो उसका जो सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं शो टेबल्स, अगर मैं यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगा के एंटर करूं, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो क्लास 12 नाम का जो डेटाबेस था उसके अंदर कितने टेबल्स है, ये स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। अगर मैं इस टेबल के अंदर का जो डेटा है वो देखना चाहूँ तो वो कुछ तो अभी तक है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो सेलेक्ट स्टार, ये एक तरीका होता है टेबल को, टेबल के जो डेटा है उसको देखने का। फिर ये भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो इसलिए कोई ज्यादा लोड नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि एम्प्टी सेट है, मतलब तुम्हारा जो टेबल है वो खाली है, क्यों देखना चाहते हो? तो ये एक तरीका था कि हम टेबल के स्ट्रक्चर को किस तरह से डिजाइन करेंगे। और अब हम आते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक वर्ड बोला कॉन्स्टेंट, वो तुम्हें समझ आया? जैसे कि मैंने यहाँ पर प्राइमरी की डाला, यहाँ पर मैंने नॉट नल डाला, तो मैं काफी हद तक समझ आ चुका होगा, लेकिन अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स, और जो भी है ये कॉन्स्टेंट्स, अब देखो हमारे पास ये जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं इन्हें हम पढ़ सकते हैं, अभी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? ये तो मैं तुम्हें तब बता पाऊंगा ना जब मैं यहाँ पर पहले कॉन्स्टेंट्स डाल लूँ, और वो चेक हम कैसे करेंगे? जब हम उसमें टेबल्स टेबल में जो भी डेटा है वो एंटर कर पाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने अभी एक टेबल बनाया, कौन सा टेबल बनाया? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शो टेबल्स, ठीक है, तो मैंने कौन सा टेबल बनाया? स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाया। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें कौन सा, इसमें क्या डेटा है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो हम चेक किस पे करेंगे? तो पहले हमें ये सीखना है कि हम टेबल में डेटा को कैसे एंटर करेंगे। लेकिन हमारे बुक्स में काफी अजीब सा फ्लो दिया हुआ है कि उसमें पहले ही उसमें कॉन्स्टेंट्स यूज करने का बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं टेबल इंसर्ट करने का, और फिर चैप्टर्स का भी इधर उधर है।
तो थोड़ा सा मैं तुम्हें ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर पहले ये सीखते हैं कि हम टेबल्स में डेटा को एंटर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, मैंने यहाँ पर इस वाले टेबल के लिए ये टेबल हम बनाना चाहते हैं इस पे, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हमने टेबल का वो किस तरह से दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, DESC और उसके बाद फिर टेबल का नाम, ठीक है, और सेमी कॉलन। तो हमें ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा अपने टेबल का, ठीक है। DESC लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। देखो सेम आउटपुट आ रहा है, फील्ड कौन सा है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, फर्स्ट नंबर, लास्ट नेम, फोन नंबर, परसेंटेज, और फिर डेटा टाइप, और फिर हमारे यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स है वो है नल। क्या एडमिशन नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन एडमिशन नंबर पे तो हमने ये नहीं डाला था, नॉट नल तो नहीं डाला था, लेकिन हमने प्राइमरी की डाला था, इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि नल तो नहीं हो सकता। और फिर हमने इस पे डाला था नॉट नल वाला कॉन्स्टेंट, इस पे यहाँ पर आ गया कि रोल नंबर भी हम खाली नहीं छोड़ सकते, फिर फर्स्ट नेम खाली छोड़ सकते हैं, बाकी जो भी है वो हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी की कौन सी है, हमारी एडमिशन नंबर है हमारी प्राइमरी की, और डिफॉल्ट क्या जा रहा है, डिफॉल्ट में नल जा रहा है, ठीक है। तो इतने की जरूरत है अभी हमें फिलहाल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वैल्यूज डालने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में ये जरूर बताया था कि हम जो DDL DML वगैरह, ये देखो यहाँ पर DDL है तो यहाँ पर DML भी देखने वाले हैं, मतलब मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम वहां पर है नहीं, और इसको भी हम बाद में देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क को, तुम बाद में देखने वाले हो, ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैं चीजों को भूल जाता हूँ। हाँ तो अब हम देखने वाले हैं कि अपने टेबल में हम डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, और मेरे पास जो टेबल था वो मैं पहले खोल लेता हूँ, मतलब जो मैंने एक्सेल में बनाकर रखा था, ठीक है। तो वो जो, हाँ ये रहा क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12 हमारे डेटाबेस का नाम था, किधर के, हाँ क्लास 12 हमारे डेटाबेस का नाम था, और ये जो टेबल है इसका नाम स्टूडेंट था, और ये सारे हमें डेटा उसमें फिल करने हैं। तो अब हम पहले MySQL खोल लेते हैं, हाँ। तो अभी पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, क्या हो गया स्पेलिंग, हाँ ठीक है। तो ये सारे डेटाबेसेस हैं, और अभी हमें इसका यूज करना है, तो हम लिखेंगे यूज क्लास 12। देखो मैं जो जो करता जा रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने कंप्यूटर पे ट्राई करो, और कंप्यूटर पे नहीं हो सकता तो फोन पे करो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ बहुत बार, मैंने तुम्हें बताया कि पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि तुम जो भी प्रैक्टिकल्स है क्लास 12th में या फिर क्लास 11th में भी, वो सारे के सारे तुम कैसे अपने फोन में कर सकते हो, चाहे वो SQL हो गया, पाइथन हो गया, कुछ भी हो गया, फाइल हैंडलिंग लाइब्रेरीज, कुछ भी, ठीक है। तो उसको तुम फॉलो करो, और मैं जैसे जैसे जो जो कमांड्स कर रहा हूँ यहाँ पर परफॉर्म, तुम भी वो सब करते रहो तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, मतलब यूज तो हमने कर लिया डेटाबेस को, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि टेबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, और इसके अंदर क्या डेटा है, उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, या फिर इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है, सारे रोज और सारे कॉलम्स, फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, हाँ। तो एम्प्टी स्टेट, यानी कि अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, इस कल को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमें डेटा को इंसर्ट करना है। अब देखो डेटा को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, सबसे पहला हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो डेटा है, ठीक है, ये एक और ये रोल नंबर 1 और 2। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं रोल नंबर 3 भर के दिखाता हूँ, ठीक है, सॉरी सीरियल नंबर 3, मतलब रोल नंबर 2 इस डेटा को मैं भर के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैसे भरूंगा वो तुम यहाँ पर देख लो। तो देखो दो तरीके होते हैं जैसे मैंने बताया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये भर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट, फिर इंटू, इंसर्ट के साथ इंटू लगेगा, उसके बाद फिर क्या लगेगा, टेबल का नाम, फिर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स के बाद हमें क्या लगाना है, स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर हमें वैल्यूज देनी है, ठीक है, वैल्यूज
और वैल्यूज के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम सारे वैल्यूज को भरेंगे एक एक करके। तो कौन कौन से वैल्यूज हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर। तो वैल्यूज में सबसे पहला आता है 428, फिर रोल नंबर 2 था, फिर फर्स्ट नेम क्या था, गजोधर चौधरी। और गजोधर लिखने के लिए हम यहाँ पर कोट्स का यूज करेंगे क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। फिर यहां पर आएगा गजोधर चौधरी, ठीक है। उसके बाद फिर फोन नंबर और परसेंटेज 22। तो फोन नंबर में क्या हम रखने वाले हैं, फोन नंबर में तो कुछ भी रैंडम रख देते हैं, ठीक है, और परसेंटेज 22। अब देखो फोन नंबर भी हम इंटीजर में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बस ऐसा होगा कि ये जो फोन नंबर है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और ये इंटीजर फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। बस और तो कुछ नहीं, अब एंटर करते हैं हम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेरी, ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो हमारे टेबल में बन चुकी है, ठीक है, एक रो में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वही इफेक्ट हुआ है। तो अगर मैं अब देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब एंटर करूं, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एक डिटेल आ गया है हमारे पास। इसमें क्या है कि जितने भी कॉलम्स थे सबके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर डेटा मिल चुका है, वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको भरना चाहूँ, मतलब एडमिशन नंबर भरना चाहूँ, अगर मैं कोई और रिकॉर्ड भर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एडमिशन नंबर भरूँ, रोल नंबर भरूँ, फर्स्ट नेम भरूँ, लास्ट नेम भरूँ, फोन नंबर ना भरूँ, परसेंटेज भरूँ, तब मैं क्या करूँगा? इसको तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सीरीज में लिखा है ना, जैसे यहाँ पर पहले एडमिशन नंबर मैंने लिख दिया, फिर रोल नंबर लिख दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, और यहाँ पर ये अपना परसेंटेज। तो ये तो मैंने सीरीज में रख दिया, इसलिए ये सीरीज में आ चुका है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि बीच में से अगर मुझे फोन नंबर नहीं भरना, बाकी सारे डिटेल्स मुझे भरना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैंने तुम्हें जो बताया अभी, मैं इस वाले डेटा को भरने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो इसको भरते हैं। अब तो यहां पर मैं लिखूंगा इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, और फिर टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स के बाद हम यहाँ पर कॉलम के का नाम डालेंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ADM_NO, ROL_NO, फिर कॉमा, फिर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, फिर लास्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा। अब यहाँ पर हम फोन नंबर नहीं डालेंगे, हम परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। फोन नंबर हमें नहीं डालना है, फोन नंबर में हमें कुछ भरना नहीं है, हमें परसेंटेज भरना है। फिर यहाँ पर हम परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, और फिर टेबल के नाम के बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया, कॉलम का नाम डाला, ठीक है। उसके बाद हम एक स्पेस देंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे, और वैल्यूज के अंदर हम वापस, अब जैसे कि हमने यहाँ पर भरा था, देखो यहाँ पर हमने वैल्यूज में जिस तरह से भरा था वैसे ही सेम टू सेम हम भर देंगे, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एडमिशन नंबर, सबसे पहले हमें एडमिशन नंबर डालना था, तो वो क्या था, 425 था। उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर क्या था, रोल नंबर 1 था। फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब देखो एक सेकेंड ना, अच्छा लास्ट नेम यहाँ पर मैंने नहीं डाला था, तो एक काम करते हैं लास्ट नेम हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फोन नंबर हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इस डेटा को फिल करेंगे, ठीक है। तो श्याम और लाल, ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे श्याम लाल, ठीक है। इसके बाद फोन नंबर तो आएगा नहीं, इसके बाद क्या, लास्ट नेम के बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या थी, 16%, ये रहा, ठीक है। अब तुम्हें दिख नहीं रहा है ये, मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स भर ली, सारी वैल्यूज भर ली हैं। क्या किया हमने, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर टेबल के नाम के बाद हमने यहाँ पर कॉलम का नाम डाला जिसमें भी हमें डेटा वैल्यूज फिल करनी है, और उसी सीरीज में हमने यहाँ पर फिर स्पेस देकर वैल्यूज लिखा, और फिर वैल्यूज के बाद फिर एक पैरेंथेसिस खुला, और पैरेंथेसिस में हमने उसी सीरीज में डेटा को फिल कर दिया। अगर हम एंटर करें तो वन रो अफेक्टेड, ठीक है। अगर मैं ये सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स अब एंटर करूं, तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कि ये इस तरह से आ चुका, और फोन नंबर में नल स्टोर हो गया, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि नल अपने आप स्टोर हो जाता है जब भी, मतलब डिफॉल्ट होता है नल हमेशा, अगर तुम किसी में वैल्यू कुछ नहीं डाल रहे हो तो वो नल हमेशा स्टोर हो जाता है, ठीक है।
और तुम यहाँ पर देख रहे हो कि पहले हमने रोल नंबर 2 का जो डेटा है वो डाला था और उसके बाद हमने ये डाला था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ये स्टोर हो रहा है और फिर उसके बाद ये स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जिस तरह से डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये था एक तरीका कि हम कैसे चीजों को यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, कैसे रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। अब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट डेटा कर रहे हैं अपने टेबल में, लेकिन डेटा तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो अभी तक हम कौन कौन से डेटा फिल अपडेट कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट डेटा को इंसर्ट कर लिया, इंटीजर को इंसर्ट कर लिया। अब मैं तुम्हें नल को इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब यही है कि अगर तुम यहाँ पर वैल्यूज में सिर्फ नल लिख दो, मान लेते अगर मैं यहाँ पर शाम के जगह पे नल लिख देता, ठीक है, सिर्फ नल, यहाँ पर ये कोड्स की जरूरत नहीं होती, नहीं तो फिर वो टेक्स्ट हो जाता है अलग से, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ नल लिख देता तो यहाँ पर नल स्टोर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। तो उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, हम इस वाले डेटा को फिल करते हैं, ठीक है, चट्टान सिंह। ओके, तो अब मैं ये छोटा वाला तरीका यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो छोटे वाले तरीके में कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सही है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि परसेंटेज को हटा देता हूँ, मैं परसेंटेज के जगह पर नल रख देता हूँ। अगर मैं भी एंटर करूँ तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि डुप्लीकेट। अच्छा, हमने क्या किया है कि अभी इसको तो चेंज ही नहीं किया हमने, प्राइमरी की जो थी इसको तो चेंज ही नहीं किया, तो ये डुप्लीकेट एंट्री कहाँ से हो सकती है, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्री तो एंटर नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसको सही कर देते हैं। तो एडमिशन नंबर क्या था हमारे, किसके लिए, चट्टान सिंह के लिए। तो चट्टान सिंह के लिए एडमिशन नंबर 165 और रोल नंबर 3, इसको सही कर देते हैं, 165 और रोल नंबर 3, और नाम भी चेंज करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, बाकी तो सही है। अब एंटर करते हैं, तो एक रॉ इफेक्ट हो गई है फिर से। अगर मैं अभी टेबल को देखना चाहूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी नल आ चुका है फोन नंबर में, सॉरी। तो अभी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर परसेंटेज में नल आ चुका है, किसके लिए, चट्टान सिंह के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर किस ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, प्राइमरी की के ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये था कि हम नल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले कि हम अपने टेबल में डेट्स को कैसे इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते कि हमारे पास कितने सारे टेबल्स हैं, शो टेबल्स। तो यहाँ पर डेट्स नाम से मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना बना लिया है, तो मैं काम करता हूँ पहले इसको हटाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉप टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या है, डेट्स, ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स, बस यही है। और देखो ये जो हमने खिचड़ी बनाकर रखी हुई है अपने पूरे शेल में, अगर तुम्हें इसे क्लियर करना है तो तुम उसके लिए यहाँ पर लिख सकते हो सिस्टम CLR सेमी कॉलन एंटर, सॉरी सॉरी, सिस्टम क्लियर होता है, हाँ। तो ये एंटर हो चुका है, अब हमारा जो स्क्रीन है वो क्लियर हो चुका है। और अब भी हम उसी डेटाबेस के अंदर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शो टेबल्स तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल है। और अब हम एक काम करते हैं, हम एक नया टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सिर्फ डेट्स को स्टोर करेंगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक नया टेबल मैंने बनाकर रख दिया है, इस टेबल का नाम मैं रख देता हूँ BOB, ठीक है। और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, सॉरी मैं काम करता हूँ, टेबल का नाम डेट्स रख देता हूँ। और इसके अंदर एक कॉलम है और इसमें ये सारे चार डेट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको फिल करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, डेट्स, हाँ डेट्स है ना, डेट्स। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो कॉलम का नाम था वो रखना पड़ेगा, तो कॉलम का नाम क्या था, DOB, और फिर डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगा, डेट होगा, सेमी कॉलन एंटर करेंगे, हो गया। अब एक काम करते हैं, इस टेबल का जो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है वो हम देखते हैं, DESC डेट्स, ये देख गया हमें DOB नाम से एक कॉलम बन चुका है।
और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डीओबी में वैल्यूज को फिल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या यहाँ पर है, डेट्स, और उसके बाद फिर वैल्यूज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखूंगा। तो वैल्यूज सबसे पहले क्या है, 8/2/2005। लेकिन हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एसक्यूएल में जो डेटा टाइप हमें यूज कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे इसे रिवर्स में डालेंगे, मतलब कि पहले 2005 होगा, फिर 02 होगा, फिर 08 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2005, फिर 02, फिर 08, ये इस तरह से होगा। एंटर करेंगे, ये एरर क्यों आ रहा है, एक काम करते हैं हम अपनी डेट को सेमी कॉलन के अंदर डाल के, सॉरी कोट्स के अंदर डाल के देखते हैं। हाँ, तो हमारा जो डेट है वो कोट्स के साथ यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, ये सब तो मैंने कर लिया, अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कुछ आया है नहीं हमारे टेबल में। तो एक डेट हमारे टेबल में आ चुका है। अब इसी तरह से हम एक काम करते हैं, बाकी सारे डेट्स को भी हम डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत तो है नहीं, बस तुम्हें मुझे ये दिखाना था कि डेट्स को किस तरह से डालते हैं अपने अपने टेबल के अंदर। तो ये एक तरीका होता है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि तुम इस तरह से टेबल को ना डालो, सॉरी डेट को ना डालो, तुम यहाँ पर एक कोड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम किसी और टेबल में से किसी दूसरे टेबल में कैसे डेटा को कॉपी कर सकते हैं, मतलब डेटा को इंसर्ट करना है। मान लेते हैं मेरे पास टेबल वन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तुम्हें, तो ठीक है, टॉपर्स नाम का मैंने एक नया टेबल यहाँ पर बना लिया। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो टॉपर्स हैं, मान लेते हैं दो टॉपर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपर्स, चलो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि इसमें जो टॉपर्स हैं वो कॉपी होके उठ के यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसको भी अभी जरा होल्ड पे रखते हैं। तो पहले इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, इस पे हमने क्या क्या सीख लिया, और इसके बाद हम सीखने वाले हैं इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखने वाले हैं, इस पे भी मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। तो इसके बाद अब हम कॉन्स्टेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कॉन्स्टेंट्स तुम्हें पढ़ना है, ये कॉन्स्टेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तुमने इंसर्ट वाले कमांड्स तुमने देख लिए। इसके बाद हम आगे जंप करेंगे, इसके बाद मुझे लगता है कि अब हम इसके बाद इस वाले चैप्टर में वापस से जंप करने वाले हैं, जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह या फिर जो चीज़ें भी छुटी हुई थी वो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी की कॉन्स्टेंट के बारे में, ये तो तुमने अच्छे से पढ़ लिया। तो एक काम करते हैं, मैं फिर से एक टेबल बनाता हूँ अलग से, उसमें मैं प्राइमरी की तुम्हें इस बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टेबल्स हैं हमारे पास। ये सारे टेबल्स हैं, तो एक काम करते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं, और टेबल का स्ट्रक्चर हम पहले यहीं पर पहले यही देख लेते हैं हम कौन सा टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल का नाम हम रखने वाले हैं पी आर की। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, रोल रखते हैं, ठीक है, एक टेबल, एक कॉलम का नाम, और फिर नेम रखते हैं, रोल नंबर 1 2 3, काफी है इतना। और नाम क्या रख दे, नाम वही जो पहले था, श्यामलाल, फिर श्यामलाल के बाद क्या था, गजोधर चौधरी, और गजोधर चौधरी के बाद क्या है, गजोधर चौधरी के बाद हमारे पास है चट्टान सिंह। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे पास, इस टेबल को हम बनाने वाले हैं, और इसमें हम रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की रखने वाले हैं। कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, पी आर की, ये रखा था हमने, और इसके बाद हम यहाँ पर कॉलम का नाम डालने वाले हैं, साथ में हम उसका जो डेटा टाइप होने वाला है वो डालने वाले हैं, और उसकी जो साइज है वो डालने वाले हैं, उसके बाद हम कोई एक कॉन्स्टेंट डालेंगे, बस यही एक फ्लो चलता है। ठीक है, तो कॉलम का नाम सबसे पहले क्या है, रोल, उसके बाद फिर उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट, और इसमें क्या हमें साइज देने की जरूरत है, इंट में नहीं, इंट में हमें साइज देने की जरूरत नहीं, हम चाहे तो यहाँ पर इंट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, और फिर इंट लिखने के बाद हमें क्या रखना है यहाँ पर, अगर कोई कॉन्स्टेंट है वो, तो हमारे पास है कॉन्स्टेंट प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की, फिर कॉमा, कोई और कॉलम है हमारे पास, हाँ है, जो कि ये नेम, और इसे हम वैर क्या रखने वाले हैं, और इसकी वैल्यू हम देने वाले 20। ठीक है, ये हो गया, मतलब इसका जो साइज है वो।
और उसके बाद क्या हमें इसमें कोई कॉन्स्टेंट रखना है? नहीं, कोई जरूरत तो है नहीं। अब हम इसे एंटर करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने टेबल को कि हमारा टेबल बना है या नहीं। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास पी आर की नाम का एक टेबल है। अगर मैं यहाँ पर डी एस सी या फिर डिस्क्राइब पी आर की लिख दूं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसके इसका जो स्ट्रक्चर है वो आ जा रहा है हमारे पास। तो क्या ये जो रोल है वो क्या नल रह सकता है? नहीं, ये नल नहीं रह सकता, ठीक है। और की जो है, मतलब ये प्राइमरी की है हमारे पास, ये बता रहा है बस यही, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डेटा फिल करना चाहें तो क्या हमारे पास है डेटा? हाँ, डेटा है हमारे पास यहाँ पर। तो पहले काम करते हैं, हम पहले यहाँ पर सिंपल सा एक डेटा फिल कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू और फिर पी आर के ई वाई, ठीक है, इंसर्ट इनटू पी आर की, और उसके बाद इसमें हम वैल्यूज लिख देते हैं। जो एक जो पहला तरीका मैंने तुम्हें बताया था डेटा इंसर्ट करने का, वैल्यूज के बाद हम यहाँ पर वैल्यूज लिख देंगे। तो 1, पहला कौन सा था? पहला था श्यामलाल, ठीक है। और ये तो टेक्स्ट है, इसलिए हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखने वाले हैं, और एक सभी कॉलम ना छूट जाए। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डेटा आया है नहीं। सेलेक्ट स्टार फॉर्म पी आर की, ठीक है, ये डेटा आ चुका है हमारे पास। अब मेरे पास जो दूसरा तरीका था टेबल में डेटा को इंसर्ट करने का, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर की के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम का नाम डालना है। तो कॉलम जो है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर प्राइमरी की, मतलब जो प्राइमरी की क्या था हमारे पास, रोल नंबर, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं नाम डालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो प्राइमरी की को स्किप करते हैं, तो देखते हैं वो क्या आता है। तो पी आर की, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ मैं अगर नेम डालूँ, नेम, और इसमें यहाँ पर हमें वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है रोल नंबर की। अगर अभी एंटर करूँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर एन एम ई होगा, ठीक है। अगर अभी एंटर करूँ मैं, तो रोल डजेंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ये मुझे बता रहा है कि कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है इसके पास, ठीक है, डिफॉल्ट कहाँ गई। हाँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती, और ये तो एक प्राइमरी की है ना, तो हम यहाँ पर इसको खाली नहीं छोड़ सकते। अब एक काम करते हैं, हम रोल नंबर की वैल्यू को डालते हैं लेकिन नाम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल होगा, क्या लगता है? रोल नंबर 2 डाल देता हूँ मैं, सॉरी। हाँ, एंटर करते हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये दिख रहा होगा, अब यहाँ पर नाम जो है उसमें नल आ चुका है। बस ये था प्राइमरी की का कांस्टेंट। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है हमारे पास और कौन सा कांस्टेंट है, नॉट नल। मतलब कि अब मैं चाहता हूँ कि नाम जो है वो नल ना छूट जाए, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पी आर की कोई फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल पी आर की, ठीक है, और यहाँ पर नेम, ठीक है, और यहाँ पर मैं नॉट नल कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया नॉट नल का, बाकी सब तो वैसे ही है, टेबल पूरा का पूरा। अगर अभी एंटर करूँ मैं, तो ये बोल रहा है मुझे कि पी आर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसमें ओवरराइट नहीं कर सकते। तो क्या हम इसे अपडेट कर सकते हैं? तो क्या हम टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, वो तुम्हें कब पढ़ना है मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, वो तुम्हें इधर पढ़ना है, तो अभी उसको रहने देते हैं। अभी काम करते हैं, पी आर की तो हमने देख लिया, नॉट नल नाम का ही हम एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब एक नया टेबल हम बना लेते हैं, नॉट नल, ठीक है, मैंने साथ में रखा ताकि वो कीवर्ड वगैरह का कोई झंझट ना आ जाए, इसलिए। तो अब हम एक टेबल नया बनाते हैं, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, ये बहुत गंदा सा दिख रहा है, सिस्टम क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम एक टेबल बनाते हैं, हम उसी डेटाबेस में हैं, मैं तुम्हें बता दूं, क्रिएट और फिर टेबल, और टेबल का नाम नॉट नल, सॉरी, नॉट नल, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यूज वगैरह देंगे। तो सबसे पहले क्या था, रोल, और रोल नंबर में हम इसके बाद इसका जो डेटा टाइप है वो देंगे इंट, और उसके बाद कोई कॉन्स्टेंट हमें लगाना है, लगाना है प्राइमरी की। इसके बाद हमें क्या रखना है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक और जो कॉलम है नेम वो रखना है, और मैं यहाँ पर नॉट नल लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और तो कुछ नहीं। और हाँ, जरूर यहाँ पर कुछ तो छूट रहा था, मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप वैर कैर, और इसके अंदर यहाँ पर ये 20 डाल दिया मैंने, एक सेमी कॉलन छूट रहा है। अब एंटर करते हैं, तो ये टेबल हमारे पास बन चुका है। शो टेबल्स अगर अभी करें, देखो टेबल यहाँ पर बन चुका है नॉट नल नाम का। और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहता हूँ,
DESC not null, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट इनटू, और फिर टेबल का नाम क्या था, नॉट नल। और जैसा कि तुमने पहले देखा था कि प्राइमरी की मेमोरी डेटा डालना ही होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, प्राइमरी की का जो तो डेटा है वो हम भर देते हैं यहाँ पर, रोल नंबर 2 भर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा नाम है पहले वो भर देते हैं, ठीक है। तो नाम में क्या था, नाम में क्या था, नाम में गजोधर चौधरी था, गजोधर, ठीक है। अगर यहाँ पर सेमी कॉलन लगा कर मैं एंटर करूँ तो हाँ ये हो चुका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गजोधर चौधरी, सॉरी क्या था टेबल, टेबल का नाम नॉट नल, ठीक है, ये आ चुका है। अगर मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं एक नया डेटा यहाँ पर स्टोर करता हूँ, थ्री नाम, थ्री रोल नंबर का, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अभी मैं नाम को छोड़ दूँ, ठीक है। तो क्या ये हो पाएगा, उसके लिए तो एक नया तरीका था ना, मतलब उसके लिए तो मुझे यहाँ पर कॉलम का नाम भी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सीरीज में डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ किसको, यहाँ पर मैं नेम को स्किप कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो कॉलम के नाम है वो मैं डाल लेता हूँ, रोल कॉमा नेम। या फिर एक काम करते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये तो सीरीज में भले ही नहीं है, मतलब कि सीरीज में है ना ये, क्योंकि पहले तो रोल नंबर ही है, तो देखो पहले रोल नंबर ही है उसके बाद ना नेम है। तो इस बार हम ये ट्राई करते हैं कि हम डायरेक्ट इस तरीके से इंसर्ट करवा के देखते हैं डेटा को, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में ऐसे जाएगा, इसके बाद इसे वैल्यूज नहीं मिलेगी तो ये छोड़ देगा, हम ये अभी अज्यूम करके चलते। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, एंटर करते हैं। तो ये यहाँ पर तुम्हें ये बता रहा है कि कॉलम का जो काउंट है वो मैच नहीं हो रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने नंबर ऑफ वैल्यूज तुम्हें डालनी पड़ेगी अगर तुम ये तरीका फॉलो कर रहे हो डेटा को इंसर्ट करने का। वहीं अगर तुम पुराना तरीका यूज करो, मतलब जो दूसरा तरीका था, तो यहाँ पर टेबल के अंदर तुम्हें यहाँ पर कॉलम का नाम भी डालना पड़ेगा, रोल कॉमा और फिर नेम, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डालना नहीं चाहता, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर नल रख देता हूँ, ठीक है, एंटर करते हैं। तो नेम कैन नॉट बी नल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नल को हटा भी दूँ तो वापस से ये पहला वाला एरर आ रहा है, मतलब हमने क्या देखा है यहाँ पर, नॉट नल इस तरह से काम करता है। तो यही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था, काफी ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने देख लिया, अब हमारे पास यूनिक ये देख लेते हैं। तो एक नया टेबल इसके लिए भी बना लेते हैं, UNQ, चलो ये नाम हमने रख दिया। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सिर्फ रोल नंबर रखते हैं, ठीक है ना, और रोल नंबर, और इसमें हम क्या करेंगे कि प्राइमरी की कांस्टेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर 1, 2, वापस से 2 कर देता हूँ, फिर 3 कर देता हूँ, चलो ठीक है, हमारे पास 4 डेटा है। अब हम इस डेटा को फिल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल UNQ, सॉरी क्यू, और उसके अंदर हम यहाँ पर कॉलम का नाम डालने वाले हैं जो कि है रोल, और फिर इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा। तो डेटा टाइप क्या होने वाला है यहाँ पर, डेटा टाइप यहाँ पर इंट होने वाला है, और उसके बाद कोई कॉन्स्टेंट, हाँ हमें यूनिक रखना है, हम चाहते हैं कि वैल्यूज यहाँ पर यूनिक हो। अगर एंटर करें तो ये बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखूं, स्ट्रक्चर ऑफ किसका, UNQ का, हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू UNQ, और डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल दूंगा। तो वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, वैल्यूज में 1, 1 था, अगर मैं यहाँ पर 1 डालूं एंटर करूँ हो गया, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं एंटर करूँ हो गया, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं एंटर करूं तो भी हो गया, अगर मैं यहाँ पर वापस से 2 डालूं एंटर करूं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती। बस यही था यूनिक। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है डिफॉल्ट। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि प्राइमरी की जो है उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज होती है, मतलब कि उसमें तुम कोई भी वैल्यू नल में नहीं छोड़ सकते और हर एक वैल्यू यूनिक होगी, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि अगर तुमने किसी कॉलम को ये दोनों क्वालिटीज दे दी तो वो प्राइमरी की बन गया, प्राइमरी की दोनों, मतलब प्राइमरी की में दोनों क्वालिटीज है, लेकिन प्राइमरी की हम किसी की को ही असाइन, किसी कॉलम को असाइन करते हैं। और अगर तुम ये दोनों क्वालिटीज किसी को दे रहे हो तो तुम सिर्फ ये क्वालिटी ही दे रहे हो उनको, तुम उन्हें प्राइमरी की नहीं बना रहे, ठीक है, बस ये था। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिफॉल्ट पढ़ना है। हम यहाँ पर डिफॉल्ट के लिए भी एक टेबल नया बना लेते हैं,
DFLT ठीक है, और डिफॉल्ट है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर नाम वगैरह रखने वाले हैं, तो सबसे पहले श्यामलाल गजोधर, ठीक है, श्यामलाल हो गया, गजोधर हो गया, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ, श्यामलाल गजोधर, और उसके बाद फिर मान लेते हैं हमें नाम नहीं पता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हमें नाम पता नहीं होगा ना, तो उसके जगह पे अननोन लिखा हुआ है, हाँ उसके जगह नल ना आए, उसके जगह अननोन लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा नाम रखें, उसके बाद एक और कौन सा नाम था, काफी टाइम से ये नाम नहीं आया, इसको रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इंसर्ट किस पे करेंगे, किसी एक टेबल पे ही करेंगे, तो पहले तो मैं क्लियर करूंगा, सिस्टम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं पहले टेबल क्रिएट करूंगा, तो अब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किस चीज की, यहाँ पर हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी, तो रोल नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पहले टेबल बनाएंगे, यहाँ पर क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, डी सॉरी डी एफ एल टी, ये है टेबल का नाम, और इसके अंदर कॉलम का नाम, फिर सेमी कॉलन और कमांड खत्म। तो यहाँ पर सबसे पहले रोल होगा, इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा, और हम इसे प्राइमरी की बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। और उसके बाद क्या होगा, नेम, नेम का जो डेटा टाइप होगा वो वैरकैर में हम लेंगे, और इसकी जो साइज़ है वो हम 20 दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाने वाले हैं, यहाँ पर नहीं सॉरी, ये एक ब्रैकेट छूट रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट लगाने वाले हैं, कौन सा, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और फिर डिफॉल्ट के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, डिफॉल्ट के अंदर हम रखने वाले हैं अननोन, आज मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं नशे में हूँ, एंटर करते हैं, तो ये जो है वो बन चुका है हमारे पास, ठीक है, DESC, और फिर टेबल का नाम क्या है, DFLT करें, तो दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अब डेटा को इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट इनटू, सबसे पहले ऐसे ही एक जिस तरह जो हमारा पहला तरीका था वैल्यूज को इंसर्ट करने का वो कर लेते हैं, टेबल का नाम क्या है, DFLT, और उसके बाद वैल्यूज, और उसके बाद 1 कॉमा, और नेम क्या था, श्यामलाल, सेमी कॉलन, एंटर, बन गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, DFLT सेमी कॉलन एंटर, ठीक है। तो ये डेटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन अगर हम इस डेटा को फिल करना चाहें तब वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रोल नंबर 2 डाल देते हैं, और इस चीज को रहने देते हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पर कॉलम का नाम भी डालना पड़ेगा, और तो कॉलम का नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं रोल बस, और उसके बाद नाम तो हमें डालना है नहीं, एंटर करते हैं, और अब अगर हम टेबल को देखना चाहें तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर नल की जगह पे क्या आ गया, अननोन आ गया, तो डिफॉल्ट वही वैल्यू होती है देखो जो तुम यहाँ पर डालने वाला हो इस तरह से, तो यहाँ पर से तुम्हारा ये डिफॉल्ट भी खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कौन सा बच रहा है, चेक, तो अभी हम देखने वाले हैं चेक कॉन्स्टेंट को, और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसका नाम है चेक और सी, इसका नाम मैंने सिर्फ चेक क्यों नहीं रखा, अपने टेबल के नाम में हम किसी कीवर्ड का नाम ना डाल दे तो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, रोल नंबर 1 और नाम श्यामलाल है, बस ये एक डेटा है मेरे पास, बस इसे ही हम चेक कर लेंगे, ठीक है। खैर और भी चीजें हैं चेक करने के लिए, चेक में और भी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब देखो चेक कॉन्स्टेंट में भी काफी सारी चीजें हैं, यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाकर रखा हुआ है चेक सी नाम का, और ध्यान रहे कि कभी भी तुम किसी कीवर्ड को ना रख दो किसी टेबल के नाम पे, ठीक है, मतलब ऐसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और इसमें क्या है, बस एक डेटा पड़ा हुआ है, रोल नंबर और नेम का एक कॉलम है, और उसमें ये एक रिकॉर्ड हमारे पास है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाकर रखा हुआ था टेस्ट करने के लिए, पहले मैं इस चीज को हटा देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा चेक सी नाम का टेबल जो है वो
है तो ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम जी क्या है, टेबल और फिर टेबल का नाम हो गया। अब इस चीज को पहले क्लियर करते हैं, हाँ अब क्या करते हैं टेबल को बनाते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। और टेबल में मैं कॉन्स्टेंट डालूंगा, कॉन्स्टेंट मतलब हमें कोई कंडीशन डालनी है, कोई एक रिस्ट्रिक्ट करने वाली कंडीशन। तो रोल नंबर जो है वो इंटीजर्स हो सकता है क्या, मतलब इंटीजर्स तो मैं उसमें वैल्यू डालने वाला हूँ, लेकिन क्या वो इंटीजर्स हो सकता है? नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये होल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 0 किसका रोल नंबर होगा। अब मैं पूछता हूँ तुमसे कि क्या ये नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि ये 0 से जो भी नंबर्स डाले जाए वो क्या 0 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें चेक कॉन्स्टेंट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम चेक सी, और यहाँ पर हम वो जो फील्ड होंगे यानी कि कॉलम उनके नाम डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है रोल, और रोल में पहले तो इंटीजर मैंने लगा दिया, अब यहां पर मैं कांस्टेंट डालने वाला हूँ चेक, ठीक है। यहाँ पर मैंने चेक लिख दिया चेक, और उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि रोल जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल ज्यादा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ठीक है। बस बस ये मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं नेम का जो कॉलम है वो बना लेता हूँ, और इसको भी मैं वेर क्या रख देता हूँ 20, ठीक है। हो गया खत्म, एंटर करते हैं, बन गया। अब यहाँ पर डिस्क्राइब करके देख लेते हैं टेबल का नाम क्या हमने रखा था। हाँ तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, बन चुका है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम टेबल में जो डेटा है वो पुट करके देखते हैं, और इस बार हम वैल्यू जो है रोल नंबर की वो -1 डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है चेक सी, और फिर यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर वैल्यू चलो हम 0 ही डाल देते हैं, चलो छोड़ो हम -1 डाल देते हैं, कॉमा, और उसके बाद जो नाम है वो डालना है हमें, ठीक है, श्यामलाल। अब मैं यहाँ पर सेमी कॉलन डाल के एंटर करता हूँ। हाँ ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर -1 वाली वैल्यू डाली, और हमें क्या डालना है, हमेशा हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू डालनी है जो कि 0 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें 0 से ज्यादा वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। चलो एक बार तुम्हें 0 भी पुट करके दिखा देता हूँ कि क्या 0 काम कर रहा है। नहीं काम नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पे 1 लिख दूँ, अब एंटर करूँ, तो हाँ ये काम कर रहा है। अब मैं अगर वैल्यू टेबल का जो डेटा है वो देखना चाहूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फिर टेबल का नाम, हाँ ये रहा, तो टेबल बनकर तैयार हो चुका है। बस ये था चेक कॉन्स्टेंट, और अगर तुम्हें और जानना है फर्दर, अब हम देखते हैं इनका क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बिटवीन और लाइक और एंड ये सब भी हमें देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं इनसे, अभी इन क्या होता है। तो तुम्हें देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर्स जो है वो 1, 2 और 3 होंगे। एक काम करते हैं यहाँ पर 1 और उसके बाद फिर 2 फिर 3 4, ये सारे रोल नंबर्स है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर वो रोल नंबर डाले तो वो रोल नंबर 1 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3 नहीं डाल सकता, 4 डाल सकता है, इसको यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। फिर 5 डाल सकता है, 6 डाल सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रिस्ट्रिक्शन रखा, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन रखा कि रोल नंबर की जगह पे वो यहाँ पर 3 नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो चलो इसको अब क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पुराना टेबल पहले डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, सॉरी हम अभी भी चेंजेस कर सकते हैं वो ऑल्टर टेबल के मदद से, लेकिन अभी तुमने वो पढ़ा नहीं है इसलिए मैं वो अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम चेक सी, ठीक है, ये एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर से मेरा टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल को वापस से क्रिएट करूंगा मैं, हाँ ये रहा। तो यहाँ से मैं टेबल को क्रिएट करने वाला हूँ, और यहाँ पर इस कॉन्स्टेंट को हटाते हैं पहले। और अभी हमारे पास कौन सा कॉन्स्टेंट है, अभी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है रोल इन, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक टपल बनाना है, ठीक है। और टपल में हमें वैल्यूज लिखनी है 1, 2, 3,
सॉरी 3 तो नहीं लिखना, 4.5 और कुछ भी है क्या, कहाँ तक है, 6 तक है। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर 6 भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है देखो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये टेबल और फिर टेबल का नाम, यहां तक तो सब ठीक है, ये ब्रैकेट भी ठीक है, यहां से यहां तक भी ठीक है। अब है यहां पर, तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले कॉलम का नाम रखा है रोल, और उसके बाद फिर इसका डेटा टाइप, ठीक है, और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट लगाना होता है वो हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाया है, ठीक है। बाकी ये तो तुम समझ ही गए होगे, तो अभी दिक्कत कहाँ में आ रही है समझने, यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो चेक, और यहाँ पर ये फंक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम कोई कंडीशन डालते हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि रोल नंबर जो है, जो तुम यहाँ पर जो तुम्हें रोल दिख रहा है, इसकी वैल्यू जो तुम डालोगे वो इनमें से होना चाहिए, इनमें से होनी चाहिए, इन, और फिर यहाँ पर जो तुम्हें टपल दिया गया है, अगर तुमने पाइथन पढ़ा हो तो, या फिर समझ सकते हो, अगर मैं डायरेक्ट लिस्ट भी बोल सकता हूँ इसे, ठीक है, तो इनमें से ही होनी चाहिए, और अगर ना हो तो फिर एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज एंटर नहीं कर पाएंगे, एंटर करते इसे, ठीक है, ये यहाँ पर बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर अभी इंसर्ट इनटू में 1 की जगह अब यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ, तब क्या होता है, एंटर करते हैं, ये एरर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं वहीं पर 3 की जगह पर 4 लिख दूं, अब एंटर करूं, तो ये चल जा रहा है, ठीक है। तो ये था इनका, और इसके बाद क्या है, बिटवीन, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, और अब मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर 3 तक की ही वैल्यूज आए यहाँ पर, 4, 5, 6 ना आ पाए, ठीक है, तब क्या यहाँ पर होगा, तब हम यहाँ पर बिटवीन का काम ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम टेबल को डिलीट करते हैं, और वापस से इसी टेबल को डिलीट सॉरी बनाएंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ पर से हम क्रिएट करने वाले हैं, और चेक के अंदर अब हम यहाँ पर कंडीशन डालने वाले हैं। कौन सी कंडीशन होगी, बिटवीन, ठीक है, तो रोल बिटवीन, और फिर बिटवीन के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बिटवीन के बाद हमें वैल्यूज लिखनी है। तो कौन कौन सी वैल्यूज है, 1 से लेकर 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3। तो अब हम इसे एंटर करते हैं, तो ये टेबल हमारे पास बन चुका है। अगर अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहूँ, हाँ चलो यहाँ पर 4 दिख रहा है हमें, तो क्या 4 इंसर्ट होगा, एंटर करते हैं, देखो यहाँ पर ये इंसर्ट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो क्या ये इंसर्ट होगा, एंटर करते हैं, हाँ ये इंसर्ट हो गया। अगर मैं इस चीज को हटा के यहाँ पर से 1 डाल दूं, और नाम को थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, सिर्फ शाम रख देते हैं, एंटर करते हैं, हाँ तो ये भी हो गया, ठीक है। मतलब तुम बिटवीन का काम भी समझ चुके हो, और यहाँ पर मैंने तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर कि कहाँ पर, यहाँ पर ये बड़ा अजीब सा दिखता है यहाँ पर इंटरफेस, हाँ तो यहाँ पर मैंने एंड लिखा हुआ है, ठीक है, दो चीजों के बीच में, और यहाँ पर हमें हमारी जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है दोनों इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले लाइक को, और लाइक पे हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे तुम्हें ध्यान देना है, और इसमें तुम्हें दो चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है, एक है परसेंटेज वाला जो सिंबल है उसका, और एक क्या है, और एक अंडरस्कोर, इन दोनों चीजों का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये है क्या, मान लेते हैं हमारे पास, सबसे पहले मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, एक नई फाइल खोल लेता हूँ, ये रही मेरे पास एक नई फाइल। अब यहां पर मैं कोई एक ईमेल आईडी लिख सकता हूं, जैसे john@gmail.com, ठीक है, हो गया, ये एक जीमेल आईडी है, ठीक है। तो इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है, इसमें यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि पहले कुछ चीजें हैं, उसके बाद एक एट द रेट है, ये एट द रेट का सिंबल है, और फिर उसके बाद फिर कुछ चीजें हैं, उसके बाद फिर डॉट है, और उसके बाद फिर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि हमें कि एक ईमेल आईडी का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर इस फॉर्मेट को ही पहचानने के लिए हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मेट को ही पहचानने के लिए हमारे पास जो लाइक कीवर्ड है वो रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइक लिखूं, ठीक है, लाइक, उसके बाद मुझे बताना है अपने एसक्यूएल का जो सर्वर है उसे मुझे बताना है कि इस फॉर्मेट में रखना है चीजों को, तो वो कैसे रखेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। तो यहां पर इन इस पूरे चीज को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, एट द रेट लिख सकते हैं, एट द रेट हो गया, उसके बाद फिर कुछ भी है, ठीक
तो चलो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, फिर से कुछ भी, उसके बाद फिर डॉट है, ठीक है, तो चलो डॉट भी लिख देते हैं, उसके बाद फिर कॉम है, ठीक है, तो फिर कॉम की जगह पर हम फिर से कुछ भी लिख देते हैं। अब ये क्या समझ रहा है, यहाँ पर ये समझ रहा है कि कुछ भी ले लो, फिर एट द रेट ले लो, फिर कुछ भी ले लो, फिर डॉट ले लो, फिर कुछ भी ले लो, तो इस तरह की जब चीज इसे मिलेगी तो वो इसे इस फॉर्मेट का समझ लेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम में क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम में यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये जो कुछ भी है ना, ये और किस चीज को इंक्लूड करता है, ये खाली चीज को भी इंक्लूड करता है, मतलब कुछ नहीं को भी इंक्लूड करता है, कुछ भी में कुछ चीजें भी आती है, मतलब कुछ भी के अंदर तुम कुछ चीज या तो रख सकते हो, मतलब कुछ भी चीज या तो रख सकते हो या फिर उसे खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है, मैं सिंपल बस ये कहना चाह रहा हूं। तो अगर कोई इंसान डायरेक्ट एट द रेट डॉट सॉरी एट द रेट डॉट बस इतना भी लिखता है ना, तो हमारा जो सर्वर है वो समझ जाएगा कि वो इस फॉर्मेट का है, ठीक है, ना कि इस चीज का, जो ईमेल का जो प्रॉपर एड्रेस होता है वो, तो ये तो यहाँ पर गलत हो रहा है, तो इसको हम कैसे सुधारेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए यहाँ पर आता है अंडरस्कोर, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा अंडरस्कोर, यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर भी लिखा हुआ है। तो अब अंडरस्कोर का काम क्या होता है, तो अंडरस्कोर मतलब कि जितने अंडरस्कोर्स उतने कैरेक्टर्स, समझ गए, जितने अंडरस्कोर्स उतने कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखू ना लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो फिर इसका मतलब होगा कि दो कैरेक्टर, अब तुम दो कैरेक्टर में कुछ भी डाल लो, या तो इन दोनों को डाल लो, ठीक है, या तो ऐसे दो चीजें कुछ भी रैंडम लिख लो, ठीक है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मतलब यही होगा कि जितने अंडरस्कोर उतने कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पे कुछ नहीं के बाद एक अंडरस्कोर यहाँ पर लगा दूं, उसके बाद फिर यहाँ पर एट द रेट के बाद, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखना था, एट द रेट के बाद जीमेल चाहिए था, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक अंडरस्कोर मैंने लिख दिया। अभी तुम सोच रहे हो कि देखो जीमेल GMAIL यहाँ पर टोटल 5 लेटर्स है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक अंडरस्कोर क्यों लिख रहा हूँ, और उसी तरह से जॉन में भी यहाँ पर 4 लेटर्स है, तो यहाँ पर मैं एक अंडरस्कोर क्यों लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं सब कुछ बता दूंगा। एट द रेट, फिर जीमेल, फिर डॉट, और फिर उसके बाद फिर क्या लगेगा, कॉम लगेगा, उसके लिए भी यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज लगाया, ठीक है, मतलब कुछ भी या फिर कुछ नहीं भी, तो उसके बाद एक लेटर तो हो, कम से कम एक कैरेक्टर हो, बस मुझे ये मैंने रखने के लिए कि मतलब कि लास्ट में एक कैरेक्टर तो हो, अगर वो इंसान अगर जॉन एंटर कर रहा है तो वो JOH को कुछ भी मान लेगा, यानी वो परसेंटेज में आ जाएगा, और फिर N जो कि मैंडेटरी है वो इस अंडरस्कोर में आ जाएगा, ठीक है, और फिर एट द रेट, तो एट द रेट है ही, उसके बाद फिर क्या है कि एक कैरेक्टर मैंडेटरी हो, एक कैरेक्टर मैंडेटरी हो गया, उसके बाद फिर परसेंटेज है, तो ये इस पूरे चीज को परसेंटेज मान लेगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ जीमेल की आईडीज नहीं होती, ईमेल आईडी में हमारे पास हॉटमेल भी होता है, और भी बहुत सारी चीजों के जो आईडी होती है वो होती है हमारे पास। अगर तुम किसी बड़े बिजनेस में चले जाओ या फिर किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो वो तुम्हें अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, अगर तुम उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करो तो। तो यहाँ पर एट द रेट जीमेल डॉट कॉम की जगह पर बहुत सारे डॉट कॉम्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम्हारी खुद की भी वेबसाइट है तो मैं वहां पर से डोमेन मिल जाएगा। खैर, तो यहाँ पर कुछ नाम होना चाहिए, तो वो इससे फुलफिल हो गया, फिर एट द रेट हो गया, और फिर यहाँ जो डोमेन होगा जीमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर वो इससे हो जाएगा, ठीक है, एक एक लेटर आ जाएगा जी का, और उसके बाद फिर वो मेल को इस तरह से यहाँ पर पढ़ लेगा, फिर डॉट का तो वो डॉट समझ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास है कॉम, तो कॉम जो है वो इससे हो जाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर सी को समझ लेगा, और उसके बाद जो OM है वो ये हो जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था काम परसेंटेज और अंडरस्कोर का। अब जरा इसको हम लगा कर देखते हैं अपने SQL में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल मैं यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, तो श्यामलाल को हटा के एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ईमेल का अलग से एक सेक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा श्याम श्याम एट द रेट लाल डॉट कॉम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो एक्सेल तो ये पहचान चुका है कि ये एक लिंक है, ठीक है,
और ये एक मेल है, ये भी ये पहचान चुका है, अगर मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा मेल टू लिखा हुआ है नीचे। खैर अब हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के लिए पहले हम पिछला टेबल ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या था, चेक सी, ये हो गया ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, खैर पिछला हमारे पास था तो प्रीवियस कमांड हम डाल देते हैं ठीक है, ये हो गया। और ये कॉन्स्टेंट तो हम हटा देते हैं यहाँ पर से। सॉरी ये बिगड़ गया, इसको ठीक कर देते हैं। हाँ ये वर्कर तक ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ईमेल आईडी डालने वाले हैं, तो ईमेल, और यहाँ पर ईमेल की जो साइज मैं रखूंगा वो मैं क्या करता हूँ, वर्षार, ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी 50 रख देता हूँ ठीक है। और अब मैं यहाँ पर चेक कॉन्स्टेंट डालूंगा पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पर मैंने 0 पता नहीं क्यों लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लाइक, और लाइक के बाद मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेट बनाया था उसको ही मैं यहाँ पर छाप देता हूँ ठीक है। बस मैंने बस राइट क्लिक किया ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर एंटर करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ एक एरर आ रहा है, ये एरर क्या कहना चाहता है। हाँ तो यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने चेक के बाद तो फिर इस जो कॉलम का नाम है वो तो मैंने डाला ही नहीं ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ईमेल स्पेस ये ठीक है, एंटर करते हैं, फिर से एरर आ रहा है। सॉरी मैंने यहाँ पर कोट्स नहीं डाला हुआ है ठीक है, कोट्स तो मैं डाल रहा है। हाँ तो अब मैं एंटर करता हूँ, तो देखो अब ये बन चुका है। अब मैं यहाँ पर पहले तो मैं क्लियर करता हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है ये सिस्टम, क्लियर सेमी कॉलन एंटर। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर मैंने कुछ टेबल में इंसर्ट तो किया ही नहीं है, खैर यहाँ पर BESC, और फिर टेबल का नाम क्या था वो, चेक सी, एंटर करते हैं ठीक है। अब हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है चेक सी, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे, और वैल्यूज में हमें क्या क्या डालना है, रोल नंबर 1 कॉमा कोट्स के अंदर श्यामलाल, और फिर कॉमा, फिर कोट्स के अंदर श्याम एट द रेट लाल डॉट कॉम, एंटर करते हैं। तो अच्छा यहाँ पर मैंने वैल्यूज की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये बार बार गलत क्यों हो रहा है, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तुम भी फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, एंटर करते हैं। हाँ हो गया। अगर अभी मैं तुम्हें वैल्यू दिखाऊँ यहाँ पर कि क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, चेक सी, ये हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर अब मैं इस फॉर्मेट को फॉलो ना करते हुए कोई और फॉर्मेट फॉलो करूं श्यामलाल की जगह, यहाँ पर मैं मोतीलाल कर दूं, और यहाँ पर मैं एट द रेट हटा देता हूँ ठीक है, और फिर डॉट कॉम ऐसे रहने देते हैं, बस फॉर्मेट बिगड़ गया। अब मैं यहाँ पर एंटर करके देखता हूँ, बस एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कॉन्स्टेंट डाला था ठीक है वो यहाँ पर एरर दे रहा है मुझे। तो अब एक काम करते हैं, फिर से टेबल को ड्रॉप करते हैं, बेचारा टेबल, और फिर टेबल का नाम चेक सी, हाँ ठीक है ये हो गया, और सिस्टम को क्लियर करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये और एंड है ठीक है, इसके बाद हमारे पास और एंड आता है ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ये क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल कॉन्स्टेंट लगा सके उसके लिए है ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ ये श्यामलाल है, या फिर एक काम करते हैं कि ये जो 1 है ना इस पे हम दो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, पहला कि एक ये जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कि वो 1 से लेकर 3 के बीच तक ही होना चाहिए ठीक है, 1 से 3 तक के बीच ही होने चाहिए, यहाँ पर ये 4 नहीं होना चाहिए ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, तो चलो हम उन कंडीशंस को डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या है, चेक सी ठीक है,
और फिर हम यहाँ पर कॉलम्स के नाम डालेंगे, तो सबसे पहले रॉल इंट, और इसके अंदर ही हम कंडीशंस डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होंगे, तो ये एंड ये, ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन डालेंगे और इधर हम एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम दिखाया तो इधर एक कंडीशन डालेंगे, इधर एक कंडीशन डालेंगे, बीच में एंड है और ये पूरा का पूरा चेक के अंदर है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन डाल लेते हैं, कौन सी कंडीशन की, रॉल जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि रॉल जो है वो बिटवीन होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, वो 1 से लेकर 1 एंड और 3 तक, ठीक है। और हम सेमी कॉलन लगा के इसको एंटर करते हैं। हाँ ये बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट इनटू चेक सी, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखता हूँ और वैल्यूज के अंदर मैं यहाँ पर पहले रोल नंबर 1 डाल देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर रोल नंबर 1 मैंने यहाँ पर क्यों डाला, मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। हम यहाँ पर ये देखने वाले कि दोनों कंडीशन चल रही हैं या नहीं। और यहाँ पर नाम, नाम चलो ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक है, एंटर करते हैं। ये मुझे कह रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या कंडीशन था कि 1 से लेकर 3 तक ही है, वो लिखते हैं नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन डाली हुई है दो दो कंडीशन, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये दो दो कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब भी मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि यहाँ पर मैंने एंड डाला है, तो एंड का मतलब क्या होता है कि और, ठीक है, मतलब हिंदी वाला और, उसका मतलब होता है कि ये भी और ये भी। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मैं इसके जगह पर काम करता हूँ, पहले मैं, हाँ इसको मैं, टेबल को मैंने हटा दिया, ठीक है, टेबल को मैंने डिलीट कर दिया। अभी इसकी जगह पर मैं एंड की जगह पर अगर मैं यहाँ पर देखो, मैंने यहां पर एंड डाला था इसलिए ये कंडीशन भी चल रही थी, ये कंडीशन भी चल रही थी। अगर मैं उस वाले एंड की जगह पर यहां पर मैं और लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगी ना, तो चल जाएगा वो। एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन की के बारे में, ठीक है। तो फॉरेन की किसे कहते हैं, अब अगर हम जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने बाकी सारे जो भी फालतू के टेबल्स है वो मैंने यहाँ पर से डिलीट कर दिया और अपने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर में से भी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दो टेबल अभी दिख रहे होंगे, पहला स्टूडेंट्स का, ये रहा स्टूडेंट्स का सारा कुछ, और फिर यहाँ पर ये मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें एक कॉलम जो है वो कॉमन दिख रहा है, ये एडमिशन नंबर यहाँ पर भी है, एडमिशन नंबर यहाँ पर भी है। अब देखो भले ही दोनों का जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर, यहाँ मैंने स्पेस डाला हुआ है, यहाँ पर स्पेस नहीं है और डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया है, इसका भी एक रीजन है, बताना मुझे तुम्हें। तो इससे हम क्या करते हैं फॉरेन की से, देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्या कि इस टेबल में ये जो एडमिशन नंबर है वो प्राइमरी की है, ठीक है, और फॉरेन की क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास जो मल्टीपल टेबल्स है तो मुझे अपने डेटाबेस को समझाना पड़ेगा ना कि ये जो एडमिशन नंबर जिन बच्चों का, जिस बच्चे का है, जैसे ये 428 किसी एक बच्चे का है, तो ये 428 यहाँ पर किसका है, गजोधर का है, ठीक है। तो ये टेबल भी मेरा पहचान रहा है कि गजोधर कौन है, मतलब ये 428 जो है वो किसे दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि हम अपने टेबल्स के बीच में रिलेशन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मेरे पास दो टेबल्स हैं, तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाला हूँ अपने टेबल्स में, ताकि पता रहे हमें कि ये जो है ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो मेरा ये टेबल भी गजोधर को पहचानता है 428 से, और ये रिकॉर्ड जो है, ये टेबल भी 428 से गजोधर को पहचानता है कि ये गजोधर का मार्क्स है, ठीक है। अब इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। पहला रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, शायद रिलेशनल डेटाबेस में ही मैंने बताया था, इससे पहला जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था तुम्हें, तो उसमें मैंने तुम्हें कुछ रूल्स बताए थे कि हमारा MySQL जो होता है वो किस तरह से हेल्प करता है कि हम अपने डेटाबेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, उसमें क्या रिडंडेंसी ना होनी चाहिए, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम देखो यहाँ पर हम ये काम भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लेते कि एडमिशन नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मार्क्स है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर भी रहे, तो अगर मैं किसी एडमिशन नंबर से किसी एक जन का अगर यहाँ पर मैं नाम जो है वो चेंज करना चाहूँ, तो वो यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, वो बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं, बस मैं एक टेबल में चेंज करूंगा तो वो दूसरे टेबल में भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा टेबल भी पहचान रहा है कि ये किसका रिकॉर्ड है।
और अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करूं, मतलब कि अगर मैं नाम को चेंज करता हूं, ठीक है, नाम को अपडेट करता हूं, मैं गजोदर को छोड़ के मैं यहाँ पर प्रियंका रख देता हूँ, ठीक है, तो वो भी है कि अगले टेबल में भी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम काम में ले सकते हैं फॉरेन की का, काफी ज्यादा काम में आता है ये फॉरेन की के जो है वो हमारे डीबीएमएस में काफी ज्यादा काम में आता है। अब इसको डिक्लेयर करने के दो दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो टेबल है इसको बनाते हैं मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं अगर तुम्हें दिखाऊं कि देखो, पहले तो हम डेटाबेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने डेटाबेस बनाया था तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लास 12 नाम का, किधर है, कहाँ है इसका नाम, हाँ ये रहा इसका नाम। और ये जो मैं एक्सेल की फाइल्स बना रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें विजुअली दिखे, तो ठीक है। तो यूज क्लास 12, ठीक है, हम अपने डेटाबेस में आ चुके हैं। अभी यहाँ पर हम टेबल्स देख लेते हैं, शो टेबल्स में से यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, हाँ। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है बस एक ही टेबल है। अब हम यहाँ पर टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या रख रहे हैं हम, मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स के अंदर हम यहाँ पर कॉलम्स के नाम डालेंगे और फिर यहाँ पर सेमी कॉलन डाल के कमांड हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम का नाम क्या क्या है, पहले तो ADMNO। अब देखो एक काम करते हैं कि हम पहले ये देख लेते हैं कि पिछले वाले टेबल में एडमिशन नंबर एक्चुअली लिखा किस तरह से हुआ था, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से लिखा हुआ था कोई स्पेस वगैरह कुछ भी छूट जाए तो फिर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एडमिशन नंबर किस तरह से लिखा हुआ, ADM_NO, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि टेबल नया क्रिएट करूंगा, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या है, मार्क्स, यहाँ कॉलम के नाम और यहाँ सेमी कॉलम। तो यहाँ पर मैं एडमिशन नंबर, तो यहाँ पर मैं तुम्हें यही बताने जा रहा था कि एडमिशन नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है ऐसा कुछ कि जिस तरह से ये लिखा हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी जैसे कि ये एडमिशन नंबर है, ठीक है, और इस कॉलम को ही हम मैच करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, इससे, तो जरूरी नहीं कि हम दोनों का नाम सेम रखें। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि नाम जो है वो अलग अलग हो सकता है। एडमिशन नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर न्यू एडमिशन नंबर वगैरह कुछ भी रख दो, ठीक है, बस डेटा जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो ADMNO देखो मैंने इस फॉर्मेट में नहीं रखा है, तो मैं दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये भी इंट में रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा डेटा टाइप लिखने के बाद हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कौन सा कॉन्स्टेंट लगेगा, यहाँ पर हम रेफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया रेफरेंसेस, हम यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है हम यहाँ पर फॉरेन की बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रेफरेंसेस। और उसके बाद फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल से हम रेफरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो टेबल जो है वो स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल के अंदर हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है, और वो कॉलम जो है वो या तो प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो यूनिक होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया उसे फुलफिल करना ही होगा। मतलब अगर प्राइमरी की है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो यूनिक होगा ही और नॉट नल भी होगा, लेकिन अगर वो यूनिक है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइमरी है, ठीक है, तो वो या तो यूनिक होना चाहिए या तो प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स के अंदर उस टेबल का नाम, उस कॉलम का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये कॉलम का नाम ये है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ADM_NO, बस, और तो कुछ नहीं। और हमें यहाँ पर अब दूसरा कॉलम बनाना है जो कि है मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल का भी नाम मैंने मार्क्स रखा हुआ है और कॉलम का भी मैं मार्क्स रख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सब मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। और उसके बाद यहाँ पर इंटीजर में ही रखते हैं इसे, बस, और तो कुछ छूट नहीं रहा, एंटर करते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टेबल्स हैं। देखो यहाँ पर दो टेबल्स हैं, ठीक है। तो ये था पहला तरीका कि तुम ये जो फॉरेन की है वो कैसे बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका भी मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूँ, वो ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। ये दोनों चीजें भी है, ये भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब तुम्हारे सिलेबस में जो कुछ भी है ना और जो कुछ नहीं भी है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पूरे, देखो तुम यहाँ पर दिख रहा होगा कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल होने वाली है और तुम इससे बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो अभी अगर मैं इस टेबल को फिर से बनाने वाला हूँ, तो पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल, और फिर टेबल का नाम मार्क्स, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं शो टेबल करूँ तो दिख रहा होगा बस यही है। अब मैं तुम्हें जो दूसरा तरीका बताने वाला था वो बताता हूँ मैं, और ये थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, मतलब थोड़ा, मतलब बहुत थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, बस। क्रिएट टेबल, और तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या, टेबल का नाम क्या है,
मार्क्स, ठीक है। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर कॉलम के नाम डालेंगे, तो कॉलम के नाम क्या क्या है, कॉलम के नाम, तो अभी यहाँ पर जो कॉलम के नाम है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन की, ठीक है, और इसके अंदर हम ब्रैकेट डालेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम इस टेबल में उसका नाम क्या रखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं, तो ADMNO हो गया। तो अब हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में जैसे पहला था बस वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ लिखेंगे हम ADMNO, और उसके बाद हम यहाँ पर इंट डाल देंगे, ठीक है, और क्या बच रहा है, और मार्क्स बच रहा है, वो भी इंट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन की, और इसके अंदर ब्रैकेट डालेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर इस कॉलम का नाम डाल देंगे जिसे हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ADMNO, ठीक है, लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर स्पेस देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंसेस, ठीक है, और उसके बाद अब हम टेबल का नाम देंगे जो प्रीवियस टेबल था, मतलब जो प्राइमरी टेबल है, या फिर कह सकते हैं पेरेंट टेबल जो है, अब यहाँ पर जो मेन टेबल होता है उसे प्राइमरी टेबल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये मेन टेबल है, इसे हम प्राइमरी टेबल कह सकते हैं या फिर पेरेंट टेबल कह सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड टेबल, ठीक है, मतलब जिसमें हम फॉरेन की बना रहे हैं, तो रेफरेंसेस, और फिर जो प्राइमरी टेबल है या फिर पेरेंट टेबल उसका नाम, तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उसमें जो उस कॉलम का नाम था ADM_NO, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है, ये चल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ भी सेम काम हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी वो चीज फॉरेन की ही बनी हुई है, बस अभी भी हम देख सकते हैं कि शो टेबल्स में से कि कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं, तो वही है, वो फॉरेन के बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर डेटा नहीं आया उसके पास, ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एम्प्टी सेट, दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी डेटा तो आया नहीं है, हमने अभी डेटा यहाँ पर फिल किया ही नहीं है बच्चों का, तो अभी यहाँ पर रहने देते हैं डेटा को फिल करने का, बस मैंने तुम्हें ये बताना था मुझे कि फॉरेन की बन चुका है, अभी हम और चीजें देखने वाले हैं आगे जाके, तो वहां पर मैं तुम्हें वेयर वगैरह जो क्लॉज है वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा, और भी जो है फॉरेन की का वो यूज मैं बताऊंगा, तो वहां पर मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊंगा, मतलब और जो डेटा वगैरह फिल करने का जो भी मैंने तुम्हें बताया ना कि यहाँ चेंज करेंगे वहां चेंज हो जाएगा, तो वो मैं तुम्हें वहां पर भी बताने वाला हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे हमारे पास देखो दो चीजें होती हैं फॉरेन की में, ऑन डिलीट कैस्केड और फिर ऑन अपडेट कैस्केड, ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। अब देखो ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या होता है, ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर मैं ये जो मेन टेबल है, ठीक है, यहां पर से अगर मैं इस एडमिशन नंबर का जो डेटा है वो डिलीट करूं, तो मार्क्स में से भी ये डिलीट हो जाना चाहिए, बस यही है, और फिर वही सिंपल सा यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये अगर मैं डिलीट करूं तो वो भी प्राइमरी की टेबल से भी ये डिलीट हो जाना चाहिए, और वही अपडेट का भी यही है कि अगर मैं कुछ अपडेट करूं यहाँ पर, कुछ चेंजेस करूं, जैसे गजोदर नाम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम का कॉलम है, ठीक है, इसे मैं अगर कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ मैं इसे डाल दूं, ठीक है, तो अगर मैं इस टेबल का यूज करके 425 में शाम को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो वो अब मतलब अपडेट करता हूँ, वही चेंज करना अपडेट करना ही की है, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी शाम अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑन डिलीट कैस्केड और अपडेट कैस्केड का मतलब यही था, और इसे हम कैसे लिखते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले मैं टेबल को डिलीट करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप टेबल मार्क्स हो गया, अब एक काम करते हैं पहले सिस्टम को क्लियर करते हैं, अभी हमारे पास कितने टेबल्स हैं, अभी हमारे पास बस एक टेबल है जो कि क्लास 12 में स्टूडेंट नाम का, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम जो कि है वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि एक फॉरेन की, तो अब हम एक और टेबल बनाने वाले हैं जो जिसमें कि हम फॉरेन के रखने वाले हैं, और हम इसमें पहला मेथड यूज करेंगे, दूसरा नहीं, दूसरा क्योंकि काफी मतलब थोड़ा तो लंबा था ही, इसलिए हम पहला मेथड यूज करेंगे, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड किस तरह से लिखने वाले हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, पहले लिखते हैं यहाँ पर हम क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या होने वाला है यहाँ पर, मार्क्स, ठीक है, क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम मार्क्स है, और यहाँ पर हम कॉलम्स के नाम डालेंगे, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम भी डाल दिया, ठीक है, ताकि मैं चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवा पाऊँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तो कर लेते हैं इसे,
तो यहाँ पर पहले एडमिशन नंबर है, मार्क्स है, और फिर फर्स्ट नेम है, बना देते हैं इनको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एडमिशन नंबर, ठीक है, ये इंट में चला गया, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, रेफरेंसेस, और फिर रेफरेंसेस के बाद हम टेबल का नाम डालेंगे जो कि हमारा पेरेंट टेबल है स्टूडेंट, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे ADM underscore NO, जो कि उस टेबल का नाम था, सॉरी उस कॉलम का नाम था जिसे हमें फॉरेन की बनाना है, ठीक है। तो हमारे इस टेबल में जो कि मार्क्स का टेबल है, इसमें ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कॉलम को बनाया, इसका डेटा टाइप दिया, और यहाँ पर इसे फॉरेन की बनाने के लिए रेफरेंसेस और स्टूडेंट में जो स्टूडेंट टेबल है उसमें जो जिससे हम लिंक करवा रहे हैं जिस कॉलम से, उसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया। अब तुम्हें कन्फ्यूजन कम करनी है तो तुम चाहो तो सेम रख सकते हो यहाँ पर कॉलम का नाम, ठीक है, लेकिन बस मुझे तुम्हें ये बताना था कि हम अलग भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या था, सब मार्क्स का, ठीक है, ये भी मैं इंट में रखूंगा, और कुछ और है फर्स्ट नेम का, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको मैं वर्कर में रख दूंगा, और वर्कर में यहाँ पर 20, ठीक है। बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑन डिलीट कैस्केड और अपडेट कैस्केड का मतलब नहीं बताया, ठीक है, मतलब यूज करके नहीं बताया, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हम दोनों का यूज एक साथ ही कर सकते हैं। अब दोनों का यूज क्या क्या है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि अगर एक टेबल में कुछ डिटेल चेंज करेंगे तो वहां पर भी अपडेट हो जाएगा, और अगर डिलीट भी करेंगे तो वहां पर से भी डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हम जिसको बना रहे हैं यहाँ पर हम जिसको फॉरेन की बना रहे हैं उस वाले में हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे ऑन अपडेट कैस्केड, फिर ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है, ऑन अपडेट कैस्केड हो गया, ऑन डिलीट कैस्केड हो गया, बस और तो कुछ नहीं, एंटर करते हैं। अब ये क्वेरी चल चुकी है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसने समझ लिया है कि कहाँ पर इसे क्या चेंज करना है। तो ये हो गया फॉरेन की का। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि है अप्लाइंग टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स। हाँ, तो अप्लाइंग टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास ये भी एक नया टॉपिक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट्स देख लिए, ये रहे, तो अप्लाइंग टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या है। अब देखो टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स हम उन्हें कहते हैं जब हम, देखो अभी तक हमने क्या किया था, जो भी हम कॉन्स्ट्रेंट लगा रहे थे वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगा रहे थे, लेकिन अगर हम किसी ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लगाएं कोई कॉन्स्टेंट तो उसे हम कहते हैं टेबल कॉन्स्टेंट, ठीक है। और टेबल कॉन्स्टेंट अब हम कैसे लगाते हैं, उनका क्या यूज होता है, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अब। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे पास जैसे कि ये मार्क्स है, ठीक है, इसके पास मैं मैक्सिमम मार्क्स बिठा देता हूँ पहले, तो ये मार्क्स को मैंने चेंज किया था, इसके जगह पर मैं सब मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है, सब मार्क्स, और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्स मार्क्स, ठीक है, मैक्स मार्क्स, और सब में मैं 100 पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने 100 पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक कंडीशन चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सब मार्क्स है वो हमेशा मैक्स मार्क्स से कम रहे, ठीक है, ये कंडीशन मैं चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे लगा पाऊंगा। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ कॉलम्स में कोई एक कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, तो यही हो गया टेबल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पहले अभी मेरे पास देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन से टेबल्स हैं, शो टेबल्स, ठीक है, तो मार्क्स भी है हमारे पास, तो अभी तो पहले मैं मार्क्स को यहां से हटा देता हूँ, ड्रॉप टेबल मार्क्स हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मार्क्स को मैं फिर से बनाने वाला हूँ, क्रिएट टेबल और फिर मार्क्स, ठीक है, क्रिएट टेबल मार्क्स, और मार्क्स के अंदर यहाँ पर मैं कॉलम का नाम डालने वाला हूँ, कॉलम का नाम यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन नंबर, ये इंट में रहेगा, ठीक है, और अब यहाँ पर इंट में रहने के बाद फिर यहाँ पर क्या था, सब मार्क्स था, ठीक है, और फिलहाल तो सब मार्क्स को भी मैं इंट में कर देता हूँ, और फिलहाल तो मुझे फर्स्ट नेम का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा तो मैं रहने देता हूँ उसे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्स मार्क्स, ठीक है, और ये भी इंट में रहेगा, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं वो मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला था, इस टेबल में मैं टेबल कॉन्स्टेंट लगाने वाला हूँ, तो वो कैसे लगेगा, सिंपल क्या करना है, मुझे एक कॉमा देना है और उसके बाद अपने कॉन्स्टेंट को डाल देना है। जैसे कि अगर मेरे को वही वो जो चेक वाला कॉन्स्टेंट है वो करना था, जैसे कि चेक होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मुझे हमेशा क्या करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि
यहाँ पर जो सब मार्क्स होगा ठीक है, सब मार्क्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्स मार्क्स, ठीक है, वो ग्रेटर नहीं हो सकता। बस हो गया, एंटर करते हैं, बन गया, बस लग गया यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट, और कुछ को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी नहीं। यही था, यही मुझे तुम्हें बताना था कि हम टेबल कॉन्स्टेंट कैसे लगा सकते हैं। और इसके जगह पर पहले तो मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ यहाँ पर। और अगर बाकी के कॉन्स्टेंट्स का भी तुम्हें देखना है कि किस तरह से हम लगाते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें प्राइमरी के बारे में क्या बताया था कि हम मल्टीपल कॉलम्स को भी मिलाकर प्राइमरी की बना सकते हैं, या फिर फॉरेन की भी बात आ गई तो हम फॉरेन की भी बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें प्राइमरी की का बना देता हूँ और तुम फॉरेन की का खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारा तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा बस तुम्हें वहां पर दिमाग लगाना है। तो एक काम करते हैं, फिर से ड्रॉप करते हैं टेबल को, एच आर टेबल मार्क्स, और सिस्टम को क्लियर करते हैं। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, मार्क्स को बनाने वाले हैं, क्रिएट टेबल मार्क्स, ठीक है। अब हम यहां पर एडमिशन नंबर एक बनाते हैं, और एडमिशन नंबर को हम क्या करने वाले हैं, एडमिशन नंबर छोड़ो, एडमिशन नंबर हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ग्रुप ऑफ चीजें थी ना, तो एक काम करते हैं हम फर्स्ट नेम और एडमिशन नंबर को मिलाकर यहाँ पर अभी प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, एडमिशन नंबर तो वैसे ही यूनिक होता है, हम एक काम करते हैं सब मार्क्स और फर्स्ट नेम इन दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं, एडमिशन नंबर इंट हो गया, अब यहाँ पर क्या है सब मार्क्स, और देखो यहाँ पर मैक्स मार्क्स की तो मुझे कोई जरूरत है नहीं, तो मैं क्यों बनाऊँ, रहने देता हूँ उसे, या फिर चलो बना ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो सब मार्क्स है, और इसे भी मैं इंट में रखूंगा, और क्या है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और ये मेरे पास वेर कैर में रहने वाला है, और इसकी साइज मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ। अब तुम पूछ रहे हो कि मैं जब से मैंने वीडियो शुरू की है तब से मैं बार बार वेर कैर में नेम की साइज हमेशा 20 ही दे रहा हूँ, तो नहीं पता, खैर थोड़ा हटाओ इसको, हटा दें। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ मैंने सही कर दिया, इसे फर्स्ट नेम हो गया। और चलो यहाँ पर मैं मैक्स मार्क्स भी रख देता हूँ, ये भी इंट में रहेगा, हो गया। अब क्या करना है, एक कॉमा लगेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कॉन्स्टेंट जो है वो लगा सकता हूँ, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, और यहाँ पर अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मुझे जो जो कॉलम को मिलाकर बनाना है उन कॉलम के नाम यहाँ पर मैं रख देता हूँ, जैसे कि सब मार्क्स कॉमा फर्स्ट नेम, बस हो गया, एंटर करते हैं, हो गया, क्वेरी चल गई, कोई एरर नहीं आया, मतलब क्वेरी चल गई, बस तो हो गया। अब देखो हमारे पास एक और टॉपिक आता है जो कि ये नेमिंग टेबल कॉन्स्टेंट्स। अब टेबल कॉन्स्टेंट्स जो भी कंडीशंस होते हैं उनके हम अलग अलग नाम रख सकते हैं, वो कैसे रख सकते हैं और उसके फायदे क्या है, ठीक है। तो देखो हम अपने डेटाबेस के जो टेबल्स है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कोई एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से कॉन्स्टेंट के ऊपर वो जो एरर है वो आ रहा है, ठीक है ना, और हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपने टेबल को। तो अपने कॉन्स्टेंट का नाम हम कैसे रख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिएट टेबल करते हैं, क्रिएट टेबल मार्क्स कर दिया। अब यहाँ पर हम अपने टेबल में जो भी कॉलम्स के नाम थे वो डाल दूंगा, ए डी एम, ए डी एम एनओ, फिर ये इंट में रहेगा, फिर सब मार्क्स ये भी इंट में रहेगा, हो गया। अब एक कॉमा देंगे, अब हम यहाँ पर जो भी कॉन्स्टेंट लगाना है वो लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट। अब देखो अगर मुझे सिंपली अभी मुझे यहाँ पर इसे प्राइमरी की बनाना है, ठीक है, देखो पहले मैं कहाँ लिखता था, पहले मैं यहाँ पर लिखता था, पहले यहाँ पर मैं डेटा टाइप का नाम लिखता था, और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देता था क्या प्राइमरी की, तो वो उसका कॉन्स्टेंट यहाँ पर बन जाता था। लेकिन अगर मुझे सारे कॉलम्स का नाम डालने के बाद मुझे कोई एक किसी चीज को एक प्राइमरी की बनाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक फिर से कॉमा लगाऊंगा, फिर कॉन्स्टेंट लिखूंगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट का नाम लिख दूंगा, प्राइमरी की, ठीक है, कॉन्स्टेंट का नाम लिख दिया। अब किसको बनाना है, फिर यहाँ पर एक और ब्रैकेट खुलेगा, और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिख दूंगा, ए डी एम एन ओ, एंटर करेंगे, हो गया, ये बन गया मेरा प्राइमरी की। तो फिलहाल तो मैंने तुम्हें ये बताया कि बाद में कैसे प्राइमरी की बना सकते हैं, इस चीज को हम बाद में मतलब कि सब कुछ लिखने के बाद किसी कॉलम को कैसे प्राइमरी की बना सकते हैं, ये तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया। लेकिन अभी मैं तुम्हें क्या बताने वाला था कि हम नाम कैसे दे सकते हैं किसी कॉन्स्टेंट का। तो पहले तो मैं यहाँ पर पहले टेबल को डिलीट कर देता हूँ, कर दिया मैंने टेबल को, और अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं काम करता हूँ कि सिस्टम को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से टेबल को बनाऊंगा, क्रिएट टेबल, या फिर एक काम करते हैं प्रीवियस टेबल से ही थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, या फिर क्यों इतनी आलस करूँ मैं फिर से लिख देता हूँ। चलो क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम मार्क्स, और फिर यहाँ पर ये, अब तक तो तुम रट चुके होगे इस चीज को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, एडमिशन एडीएमएनओ इंट कॉमा, और उसके बाद फिर क्या लिखने वाला हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सब मार्क्स इंट कॉमा। अब यहाँ पर हम जैसा कि मैंने पहले लिखा था कॉन्स्ट्रेंट, और फिर कॉन्स्टेंट लिखने के बाद यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट का जो नाम है वो लिखने वाले हैं। तो कॉन्स्टेंट का नाम हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने एबीसी रख दिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट का नाम मैंने एबीसी रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्राइमरी की लिखूंगा, जो भी मैं कॉन्स्टेंट लगाना चाहता हूँ प्राइमरी की, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जिस कॉलम को मैं बनाना चाहता हूँ। हो गया, एंटर करते हैं, बन गया। तो इस तरह से मैं किसी कांस्टेंट का नाम रख सकता हूँ। मैंने इस कांस्टेंट का क्या नाम रख दिया, एबीसी, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमें चीज जाननी है वो ये जाननी है कि हम अपने टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे व्यू कर सकते हैं। तो ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो तुम DESC लिख दो और फिर टेबल का नाम लिख दो, और उसके बाद या फिर DESCRIB, मतलब पूरा डिस्क्राइब और फिर टेबल का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ DESC, और फिर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, दिख गया हमें। और फिर अगर मैं DESC के जगह DESCRIBE लिख दूं, एंटर करूं, दिख गया हमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। और इसके बाद क्या जानना है हमें, इसके बाद हमें ये जानना है, उफ हाँ, तो इसके बाद हमें ये जानना है कि हम अपने किसी एक पर्टिकुलर टेबल में से एक और टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम किसी टेबल को व्यू कैसे करते हैं, मतलब उसमें जो डेटा वो कैसे व्यू करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट, और फिर स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब क्या हो गया, स्टार मतलब हो गया कि सारे कॉलम को चुन लो, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर हमें क्या कहते हैं, एस्टरिस्क भी कहते हैं, एस्टरिस्क ASTER ISK, ये स्पेलिंग होता है, ठीक है। हाँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स लिख दूँ, ठीक है, तो ये सारा जो डेटा है वो हमारे पास है। स्टार का मतलब क्या हुआ, सारे कॉलम, ठीक है, सारे कॉलम। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब, और उसके बाद फिर वो किसमें से देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स में से देख रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कोई कंडीशन लगानी है कि रोल नंबर जो है वो 1 हो, मतलब अगर मैं सिर्फ एक यहाँ पर एक डेटा को देखना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। अभी इसके बाद भी मैं वेयर क्लॉज समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर भी समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, और रोल अंडरस्कोर NO इज इक्वल्स टू, चलो 1 का देखते हैं, एंटर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास ये ना हो के, मान लेते कोई एक ऐसा टेबल होता जिसमें कि पूरा का पूरा स्कूल का जो डेटा है वो होता, तो ये टेबल तो काफी ज्यादा बड़ा होता। तो मैं उस टेबल को, पूरा का पूरा टेबल को देखने की जगह क्या करता है यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 11 1, या फिर कोई भी रोल नंबर है उसका वो डाल देता मैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैं किसी एक डेटा को देख सकता हूँ, ठीक है, किसी एक रिकॉर्ड को यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिर्फ उसका एडमिशन नंबर जानना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि एस्टरिस्क का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसके जगह पर मैं यहाँ पर सिर्फ ADM_NO, बस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट और फिर कॉलम का नाम, एस्टरिस्क मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉलम का नाम डाला है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि टेबल का नाम, और फिर यहाँ पर मैंने वेयर क्लॉज डाला हुआ है, तो वेयर, जहां पर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 हो, उसकी यहाँ पर मेरे को एडमिशन नंबर तुम बताओ, बस एडमिशन नंबर जानना है, एंटर करते हैं। देखो सिर्फ एक कॉलम है यहाँ पर, और उसने मुझे सिर्फ एडमिशन नंबर बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि वो जो कॉलम का, अलग अलग कॉलम चुन के हम वेयर क्लॉज का कैसे यूज करते हैं, इसको हम आगे भी देखने वाले हैं, ज्यादातर डिटेल में हम और अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस मैंने अभी तुम्हें ये बता दिया।
अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको तुम्हें क्या बताने वाला हूँ कि किसी एक टेबल में से मल्टीपल टेबल्स कैसे, मतलब कोई एक दूसरा टेबल कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर सिस्टम क्लियर होता है ना, हाँ सॉरी। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इस टेबल में से ही मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल बना लूँ तो वो तो वही हो जाएगा कि मैंने पूरा का पूरा टेबल कॉपी कर लिया, वो मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 का जो डेटा है बस उसको उठाऊंगा। मान लेते हैं कि ये टेबल अभी सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स नहीं स्टोर कर रहा है, इसमें मान लेते हैं अभी 15 रिकॉर्ड्स हैं। अब उसमें से मुझे सिर्फ रोल नंबर 3 और रोल नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है उसको निकाल के एक अलग टेबल बनाना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यू, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने न्यू स्टूडेंट्स लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा ए एस, और यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाऊंगा, और उसके बाद फिर सेमी कॉलन डालूंगा, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या डालना है, हमें यहाँ पर वो सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट डालनी है। तो सेलेक्ट और सेलेक्ट, उसके बाद फिर कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हमें कौन कौन सा कॉलम चुनना है, यहाँ पर मान लेते हैं मुझे एडमिशन नंबर चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट ए डी एम एन ओ सॉरी अंडरस्कोर एन ओ कॉमा, और उसके बाद क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। ये दोनों कॉलम्स मैंने यहां पर लिख दिए, फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या क्या चाहिए हमें, सिर्फ 1 और 3 चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा वेयर रोल, मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो तुम खुद भी परफॉर्म करके देख रहे होगे, इससे क्या होता है कि तुम अच्छे से सीख रहे होगे, ठीक है। अगर तुम सिर्फ ऐसे ही देखते जा रहे हो तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, पहले ही बता देता हूँ, पहले क्या मैं बीच में बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं शुरू में एक डिस्क्लेमर डाल दूंगा वीडियो के कि सारी चीजें तुम्हें नोट्स भी बनानी है और हर एक प्रैक्टिकल तुम्हें करके देखना है, ठीक है। रोल नंबर, और फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 और 3, एंटर करते हैं, बस हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि मेरे पास कौन कौन से टेबल्स हैं, तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स नाम का मेरे पास एक टेबल है, तो सेलेक्ट, अब यहाँ पर मैं जो भी डेटा, यानी कि सारा डेटा सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, यहाँ पर भी 3 स्टूडेंट्स हैं, जबकि मैंने यहाँ पर क्या डाला है, वेर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 और 3, या तो रोल नंबर 1 होना चाहिए या तो रोल नंबर 3 होना चाहिए, सॉरी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रोल नंबर 2 क्या कर रहा है, गजोधर यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये गलती कैसे हुई इससे। अब यहाँ पर ये गलती यहाँ पर इसलिए हुई इस तरह से क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वेयर कंडीशन डाला है, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वेयर कंडीशन मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ाया नहीं है, मतलब पढ़ाऊंगा आगे, अभी पढ़ाना है मुझे, मतलब इसी वीडियो में पढ़ाना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ड्रॉप करते हैं टेबल को, ड्रॉप टेबल मार्क्स। अब हम पूरा का पूरा टेबल का जो वो कमांड था वो नहीं लिखने वाले, थोड़े से चेंजेस यहाँ पर करेंगे। वेयर देखो, रोल नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 और 3, लेकिन ये क्या समझ रहा है, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 को एक कंडीशन समझ रहा है, उसके बाद फिर और 3 को एक कंडीशन समझ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम फिर से यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे, इज इक्वल्स टू 3, एंटर करते हैं। अच्छा, इसको तो हमने ये हटाया ही नहीं है, हमने मार्क्स को हटाया, कोई बात नहीं, हम न्यू स्टूडेंट्स को रखते हैं, ठीक है, हाँ ये हट चुका है। अब इस क्वेरी को चलाते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं व्यू करूं अपने टेबल को, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम था यहां पर मेरे पास क्या नाम था, हाँ न्यू स्टूडेंट्स, हाँ। तो अब तुम्हें दिख रहा है यहां पर कि यहां पर गजोधर नहीं है, तो ये मुझे तुम्हें बताना था, इसलिए मैंने गजोधर को भी पहले इंक्लूड कर लिया। खैर, अभी हम इस चीज को, वेयर को और अच्छे से दिखने वाले हैं। अभी यहां पर तुमने काफी चीजें सीख ली है, ठीक है, और साथ ही में मैं तुम्हें यहां पर एक और चीज बताने वाला हूँ, क्या है भाई ये, सिस्टम क्लियर, हाँ। अब यहाँ पर मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें दो कमांड्स और बताने वाला हूँ, जो कि ये शो और फिर क्रिएट टेबल। जैसे कि मेरे पास, पहले तो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि शो टेबल, टेबल्स में से कौन कौन से टेबल्स है हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट्स है।
तो अगर मैं यहां पर ये लिखूं शो और फिर क्रिएट टेबल का कमांड लिख दूं, और फिर टेबल का नाम क्या रख दूं मैं, स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी था। अभी अगर एंटर करूं तो अब मुझे ये क्या दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसे मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, मेरा मेरा कमांड जो है वो यहां पर है। अब इसने मुझे क्या करके दिया है कि स्टूडेंट्स क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद इसने मुझे जो भी कमांड थी, ठीक है, जो भी कमांड मैं डाल सकता था अपने टेबल को बनाने के लिए, जो कि मैंने पिछली बार डाला होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जैसा का तैसा उठा के डाल देता है, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज लेता है, ठीक है, मतलब कुछ कंडीशंस वगैरह खुद ही डाल देता है, जो कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो उस इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या कमांड यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कमांड हमने यूज किया होगा, मतलब क्या कमांड इसने लिया हमसे, तो ये वो कमांड है, ठीक है। तो इसको अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, शो और फिर क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, बस। और एक कमांड में तुम्हें क्या बताने वाला था, जो कि है, पहले तो मैं सिस्टम को क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, सिस्टम क्लियर। हाँ, अब एक और था, शो कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें वही डिस्क्राइब टाइप का ही कुछ दिख रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब में जिस तरह से तुम्हें दिखता है। तो हमने यहाँ पर काफी चीजें सीख ली हैं, ठीक है। तो इस कॉन्स्टेंट का ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हम हटाते हैं, यहां तक हमने सीख लिया। अब देखो, अभी हमारे पास और चीजें हैं, यहां पर और चीजें हैं, और फिर यहां पर, सॉरी, इसमें तो कुछ नहीं है, और कौन सा था हमारे पास, रिलेशन डेटाबेस तो हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम हटा देते हैं फिलहाल, इसमें तो हम कुछ ऐसे ही हमने कचरा करने के लिए रखा है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारे पास क्या क्या है, क्लॉजेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अब हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या बच रहा है, देखो हमारे पास दूसरा चैप्टर भी है यहाँ पर, यहाँ पर ये दोनों चीजें छूट रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर ये सब चीजें भी छूट रही हैं, ठीक है, तो सब कुछ खत्म होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो खैर, इसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। तो चेंजिंग डेटा विद डीएमएल कमांड्स, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था शुरू में ही, जब मैं तुम्हें रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा रहा था, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या क्या बताया था, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल के बारे में, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि इसके बारे में और डिटेल में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ कुछ कमांड्स होते हैं अलग अलग, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किसी को हम डीडीएल कहते हैं, किसी को हम डीएमएल कहते हैं, किसी को हम टीसीएल कहते हैं। तो डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीडीएल है वो डेफिनेशन का है, यानी कि जब हम टेबल को डिफाइन कर रहे होते हैं तो भी जो भी हम कमांड यूज करते हैं उसको हम डीडीएल कहते हैं। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अब हम टेबल में क्या कर रहे हैं कि डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं, कुछ अपडेट करवा रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और टीसीएल, भी मैंने तो बताया था कि टीसीएल क्या होता है, कि अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने टेबल में तो वो उस चेंजेस को या तो अंडू करना है वगैरह वगैरह, और फिर जो भी अगर सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो कमांड्स होते हैं उसके लिए टीसीएल होता है। तो फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, फिलहाल हम देखने वाले डीएमएल कमांड्स, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि मैंने तो बताया था कि इंसर्ट कैसे करते हैं। अब इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल, तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग टेबल ये रही, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें से हम इतने कॉलम्स को लेते हैं, और इतने कॉलम्स में से एक एग्जिस्टिंग टेबल एक ऐसा बनाते हैं जिसमें बस यहाँ पर बस एक एक रिकॉर्ड में यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें एक रिकॉर्ड रहे, ठीक है, और बस ये सारे कॉलम्स रहे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो हम कमांड के थ्रू इंसर्ट करवाने वाले हैं, ठीक है, बार बार मुझे कराना ना पड़े, मुझे बस कमांड के थ्रू मैं इन सबको वहां पर ट्रांसफर कराऊंगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। कैसे करेंगे, टेबल का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले टेबल को पहले मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्रिएट टेबल। अब तुम्हें क्या करना है, टेबल तो तुम्हें ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मिलेगा, उसमें डेटा भी ऑलरेडी मिलेगा, अब बाकी के जो डेटा वो वहां पर से तुम्हें वहां पर डालने हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेबल को पहले क्रिएट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, क्रिएट टेबल और न्यू स्टूडेंट्स, और फिर इसके अंदर मैं कॉलम्स के नाम डालूंगा, कॉलम के नाम क्या कहते हैं, ए डी एम अंडर स्कोर एनओ, उसके बाद फिर क्या था, रोल नंबर, उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है फर्स्ट नेम, ठीक है, हो गया।
और इसके जो डेटा टाइप्स है वो डाल देना है मुझे। एंटर करते हैं, ठीक है। टेबल बन के तैयार हो चुका है, शो टेबल्स। ये न्यू स्टूडेंट्स आ चुका है मेरे पास। अब यहां पर मैं इंसर्ट कर देता हूं एक वैल्यू को, इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू न्यू स्टूडेंट्स। और फिर यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या क्या रहेगा, वैल्यूज में क्या क्या है, 425, वन और श्याम, ठीक है, बस डाल देते हैं 425 कॉमा वन कॉमा कोट्स के अंदर श्याम, ठीक है, सही है। अब एंटर करते हैं, हो गया। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार कॉम न्यू स्टूडेंट्स करूँ, हाँ, तो तुम्हें ये दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, बाकी के जो भी थे, सॉरी, बाकी के यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं इनको मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाने वाला हूँ। तो ये कैसे करेंगे हम, वो देखने वाले हैं। इंसर्ट इन टू, ठीक है, इंसर्ट इन टू के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नाम, जो कि नए टेबल का नाम होने वाला है जिसमें हम इंसर्ट करवाने वाले हैं न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ डालेंगे और फिर वो खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर पहले कॉलम का नाम डालने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पर हमारे पास हैं, जैसे कि एडमिशन नंबर है, इस किस में हम फिल करने वाले हैं, एडमिशन नंबर में, रोल नंबर में, फर्स्ट नेम में, ठीक है। तो लिख देते हैं एडीएम अंडरस्कोर एनओ कॉमा रोल अंडरस्कोर एनओ कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इसमें करने वाले हैं, इसमें हम फिल करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का जो नाम है हमारे नए टेबल जिसमें हम इंसर्ट करवाने वाले हैं, और उसमें जो कॉलम्स है वो लिख दिए सीरीज में जिसमें जिसमें हम इंसर्ट करवाने वाले हैं, ठीक है, वो लिख दिया मैंने, इंसर्ट इनटू टेबल और फिर टेबल के नाम। उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कमांड डालूंगा, ठीक है, सेलेक्ट, और फिर कौन कौन सी चीजें मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, कौन कौन से कॉलम्स को, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम से, एडमिशन नंबर, रोल नंबर और फर्स्ट नेम। अब ये उसी फॉर्मेट में तुम्हें डालना है जो कि पहले था, तो वो तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं गेस कर लेता हूँ कि वो क्या था, वो सेम टू सेम यही था, ठीक है, इसी में था, इसी तरह से लिखा हुआ था। तुम चाहो तो यहाँ पर अलग डाल सकते हो कॉलम का नाम, यहाँ पर जो कि पिछले वाले में अलग था, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एडमिशन स्पेस नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एडमिशन स्पेस नंबर, या फिर मतलब किसी अलग तरीके से रहता है, यहाँ पर अंडरस्कोर रहता बीच में, ठीक है, तो भी कोई गड़बड़ नहीं यहाँ पर होता, क्योंकि यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैंने अलग से डाला हुआ है, ठीक है। बस हमें ये करना है कि हम सीरीज में डाल सकते हैं नंबर को, हमें सीरीज में डालना है, ठीक है, सेलेक्ट और फिर ए डी एम अंडरस्कोर एनओ कॉमा रोल अंडरस्कोर एनओ कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, हो गया। अब ध्यान रखना किसी कॉलम का नाम तुम स्पेस में ना डालो, ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट। फिर हमने कॉलम जो भी था वो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ये फ्रॉम स्टूडेंट्स, हो गया, इतना तक हमने लिख दिया स्टूडेंट्स तक। अब क्या हमें सारे जो रिकॉर्ड्स है वो एंटर करवाने हैं, नहीं, सारे रिकॉर्ड्स तो नहीं एंटर करवाने हैं, क्योंकि पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे बताएं कि इस रिकॉर्ड को नहीं डालना है, तो एक काम करते हैं नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं, तो रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू वन ये डाल देते हैं बस। तो वेयर कंडीशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, वेयर क्लॉज, वेयर रोल अंडरस्कोर एन ओ, इसे थोड़ा और छोटा करेंगे या फिर और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हाँ, तो वेयर रोल अंडरस्कोर एन ओ, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू वन, हो गया, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं इसे एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स करता हूँ, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि तीन डेटा जो है वो आ चुके हैं, क्या यहाँ पर तीन डेटा ही थे, यहाँ पर चार डेटा है, तो ये चारों क्यों नहीं आए, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ये जो डेटा है इस डेटा को सिर्फ यहाँ पर रखा है, मैंने टेबल में ओरिजिनली नहीं रखा होगा, ठीक है ना, सिर्फ वो एक्सेल फाइल में है। तो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ तुम्हारी कंफर्मेशन के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट्स इंटर करते हैं। हाँ तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर सिर्फ तीन डेटा है, आप तीनों के तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। एक को मैंने ऐसे ही डाला था खुद से इंसर्ट करके, और दूसरा मैंने क्या डाला, इंसर्ट मल्टीपल, ये जो क्या है टॉपिक का नाम, इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल, ठीक है। ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है, मॉडिफाइंग डेटा विद अपडेट कमांड, फिर डिलीटिंग डेटा विद डिलीट कमांड, ये सारी ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों भी यूजफुल चीजें हैं। देखो अब ये चैप्टर खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं है, और उसी तरह से ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब बाकी की चीजें भी देख लेते हैं। मॉडिफाइंग डेटा विद अपडेट कमांड ये पहले देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स का ये एक टेबल है, ठीक है। फिलहाल तो इसमें और दो रिकॉर्ड्स हैं, ये दोनों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ कि रोल नंबर 165 जिसका एडमिशन नंबर है उसका रोल नंबर 3 से हटाकर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है। बस मुझे ये काम करवाना है। तो ये मैं कैसे करवा सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यू को अपडेट करवाया है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो सिस्टम को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज को देखता हूँ, मतलब अपने जो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, न्यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं क्या कराने वाला हूँ, जिसका एडमिशन नंबर 165 है उसका रोल नंबर चेंज करके 4 करने वाला हूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सा उसका जो कमांड है वो तुम देख सकते हो, स्ट्रक्चर तुम यहाँ पर देख सकते हो, अपडेट, और उसके बाद अपडेट के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, अपडेट के बाद मुझे टेबल का नाम लिखना है, न्यू स्टूडेंट्स अपडेट, फिर टेबल का नाम, उसके बाद फिर सेट, और उसके बाद फिर क्या सेट करवाना है तुम्हें, क्या अपडेट करवाना है। तो मुझे रोल नंबर की जो वैल्यू है वो 4 करवानी है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा भाई रोल अंडरस्कोर NO इज इक्वल्स टू 4। अब किसकी जो रिकॉर्ड, ये जो वैल्यू है वो अपडेट करवानी है, वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू 165, बस ADM अंडरस्कोर NO इज इक्वल्स टू 165 सेमीकॉलन एंटर, हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यूज है वो देखूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं या फिर मतलब कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो अपने जो चेंजेस है उसको मुझे परमानेंटली उस टेबल पे रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमिट कमांड का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे वो परमानेंटली सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कमिट है वो किस टाइप का कमांड है, वो TCL है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अभी और भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या और चीजें आती है TCL में, कोई बात नहीं, बस वेट करो। उसके बाद हमारे पास कि डिलीट कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 165 वाले को मैं डिलीट कर दूँ, तो उसका भी सिंपल है, यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स, सॉरी न्यू स्टूडेंट्स, डिलीट फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स वेयर, बस अब यहाँ पर तुम्हें लिख देना है कुछ भी जो कि यूनिक हो, एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू 165। अब देखो मान लेते हैं, बस मान लेते हैं कि मल्टीपल यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं जिसके जो एडमिशन नंबर है वो 165 होता, सिर्फ मान लेते हैं, ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर तीन चार और स्टूडेंट्स होते जिनका एडमिशन नंबर 165 होता, और अब हम ये कमांड चलाते कि डिलीट फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम वेयर, और फिर यहाँ पर वेयर क्लॉज डाल के एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू 165, ये अगर चलाते तो क्या होता, तो यहाँ पर 165 जिनका भी होता वो सब डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, ये मुझे क्या कर रहा है, अच्छा ADM थोड़ी था यहाँ पर, ADM अंडरस्कोर NO था, एंटर करते हैं, हाँ तो ये डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं शो करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि वो वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये दोनों चीजें भी हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है, मोर ऑन DDL कमांड्स, ठीक है, ये थे DML कमांड्स, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये DML कमांड्स थे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और अब हमारे पास है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि मैंने तो बताया था कि जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर, उस चीज में अगर हमें कुछ छेड़खानी करनी है तो जो कमांड्स हम यूज करेंगे उन्हें हम कहते हैं DDL कमांड्स यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो उसमें क्या क्या आता है, ऑल्टर टेबल और फिर ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है, ठीक है, ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम सेमीकॉलन, फिर टेबल जो वो डिलीट हो जाता है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, ऑल्टर टेबल, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्टर टेबल क्या होता है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें पहले यहाँ पर सिस्टम को क्लियर करता हूँ,
यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरे पास तुम्हें कौन ऑलरेडी पता है कि मेरे पास कौन कौन से टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो न्यू स्टूडेंट्स में हम करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एडमिशन नंबर है, वो प्राइमरी की नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी की नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाना, या फिर अगर मैं कभी चाहूंगा कि लास्ट नेम नाम का भी एक कॉलम हो इसी टेबल में, उसे भी मैं ऐड करना चाहूँ, तो वो भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। सब कुछ किस तरह से होगा? सब कुछ ऑल्टर की मदद से होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑल्टर कमांड है, ऑल्टर टेबल का कमांड, उसकी मदद से ही होगा, ठीक है। तो अगर कॉलम्स वगैरह में कुछ भी चेंजेस करने हो गए, या फिर किसी का डेटा टाइप चेंज करना हो गया, या फिर किसी में नॉट नल वैल्यू सेट करनी हो गई, या फिर कुछ डिफॉल्ट सेट करना हो गया, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ना, वो सब हम किससे कराने वाले हैं? ऑल्टर टेबल से कराने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट नेम का भी जो कॉलम है वो ऐड करवा देते हैं। तो कॉलम अभी हम ऐड करवाना पहली बार सीख रहे हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, बार बार टेबल को ड्रॉप कर रहे थे, फिर बार बार ऐसा चेंजेस करवा रहे थे, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें ऑल्टर टेबल नहीं बताया था। अब हम ऑल्टर टेबल भी सीखने वाले हैं, तो सिंपल है वो भी। ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है न्यू स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करवाने वाले हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे ऐड, और उसके बाद फिर कॉलम का जो भी डेफिनेशन है वो डाल के सेमी कॉलन। तो टेबल का क्या डेफिनेशन होने वाला है यहाँ पर, वो होने वाला लास्ट अंडरस्कोर नेम, जो कि नाम है इस टेबल का, सॉरी इस कॉलम का। उसके बाद फिर वो भी मैं वेर कैर में रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो भी मुझे डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं चलो 30 डाल देता हूँ इसको, और फिर इसमें अगर मुझे कोई कॉन्स्टेंट डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। खैर नहीं डालना मुझे अभी, तो इसे एंटर करता हूँ। तो ये मुझे एरर बता रहा है, क्यों ये मुझे कह रहा है न्यू स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत डाल दिया। तो न्यू स्टूडेंट्स की स्पेलिंग, और ये हाँ, तो ये हो गया है। अब अगर मैं डिस्क्राइब करवाऊँ, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि लास्ट नेम भी है यहाँ पर। खैर अगर मैं तुम्हें वैल्यूज दिखाऊं तो वो सारी की सारी यहाँ पर अभी खाली मिलेंगी तुम्हें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। भले यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज खाली हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। अच्छा यहाँ पर तुम्हें सब दिख रहा होगा कि यहाँ पर नल है, यहाँ पर नल है, लेकिन क्या होता कि अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट डाल लेता नॉट नल का, फिर क्या होता? तो एक काम करते हैं, लास्ट नेम की जगह एक काम करते हैं, एक और कॉलम डाल देते हैं, मिडल नेम, ठीक है। यहां पर मैं मिडल नेम डाल देता हूँ, ठीक है, और यहां पर कॉन्स्टेंट भी मैं डाल देता हूँ नॉट नल का। तो एग्जिस्टिंग डेटा पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तुम्हें बस वो दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं एंटर करूँ तो ये हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पर अभी तुम्हें दिखाऊं तो भी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा मिडल नेम में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर नल भी नहीं है, ठीक है ना, बस नल नहीं है। अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे उसमें हमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तभी जाके वो वैल्यू वो जो रिकॉर्ड है वो एंटर हो पाएगा, यहाँ पर स्टोर हो पाएगा, ठीक है। वहां पर मिडल नेम मुझे डालना ही पड़ेगा बस। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं कोई ये कॉलम ऑल्टर का, एक ये मैंने तुम्हें यूज बताया, और भी बहुत सारे यूजेस है ऑल्टर के। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक नॉट नल वाली जो रिकॉर्ड है उसको मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इन टू, और फिर टेबल का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, और ठीक है, और अब यहां पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, सेमी कॉलन। तो सबसे पहले 450 ये रख देते हैं एडमिशन नंबर, कॉमा रोल नंबर मैं 5 रख देता हूँ, कॉमा फर्स्ट नेम राज, ठीक है, और ये कोट्स में रहेगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये राज हो गया, और उसके बाद फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम में मैं क्या रख दूँ, प्रसाद, ठीक है, और उसके बाद फिर मिडल नेम, इसमें मैं नाथ रख देता हूँ। खैर ये मेरा मिडल नेम नहीं है, राजनाथ मेरा ही फर्स्ट नेम है, पूरा का पूरा राजनाथ फर्स्ट नेम है, लेकिन बस इसके लिए मैं ये हरकत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एंटर करके देख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी क्या करना था, मुझे यहाँ पर अभी मिडल नेम खाली छोड़ना था, ताकि चेक करना था मुझे कि नॉट नल यहाँ पर आया या नहीं आया, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर नॉट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना डालने की जरूरत है। और क्योंकि ये इस सीरीज को फॉलो करे
तो मुझे यहाँ पर कॉलम में भी कॉलम की सीरीज को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल का नाम डालने के बाद यहाँ पर मुझे कॉलम की सीरीज को फॉलो करवाना पड़ेगा, एडमिशन नंबर, फिर रोल अंडरस्कोर एनओ कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉमा लास्ट नेम, बस, ठीक है। मिडल नेम की तो जरूरत है नहीं, एंटर करते हैं। तो अब ये यहाँ पर मुझे कह रहा है कि मिडल नेम के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं। खैर, अब अगर यहाँ पर मैं मिडल नेम भी डाल के दिखाऊं तुम्हें तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमा, और फिर या फिर एक काम करते हैं, इस पूरे चीज को हटा ही देते हैं क्योंकि हमने सारी वैल्यूज डाल दी, हर एक कॉलम के लिए डाल दिए, तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। एंटर करते हैं, बस इंसर्ट हो गया। बस तो यही बताना था मुझे तुम्हें। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। देखो, काफी ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं मैं। देखो, अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। अब डेटा टाइप अगर तुम्हें चेंज करना हो गया, या फिर साइज चेंज करना हो गया, या फिर डिफॉल्ट वैल्यू डालनी हो गई, या फिर नॉट नल कॉन्स्टेंट डालना हो गया, ठीक है, या फिर, तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों में क्या होगा, मॉडिफाई हम यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं, देखो ऑल्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। सबसे पहले एडिंग अ कॉलम, ठीक है, फिर मॉडिफाइंग डेटा टाइप साइज, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, और कुछ डिफॉल्ट वैल्यू, ये सब तुम्हें मॉडिफाई करना हो गया। तब तुम क्या करोगे, और मतलब तब तुम कैसे करोगे, वो भी मैं आपको तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये मैंने तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है। और क्या बच रहा है, चेंजिंग कॉलम नेम, उसके बाद है रिमूविंग टेबल कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, टेबल कंपोनेंट्स मतलब कि अगर प्राइमरी की है तो वो प्राइमरी की का दर्जा उससे हट जाएगा, फॉरेन की है तो वो हट जाएगा। तो हमने ये देख लिया, अब हम देखने वाले हैं मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो बस आ जाते हैं अपने यहाँ पर। तो मॉडिफाई में हम पहले ये देख लेते हैं कि चेंज हम क्या करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अपने पास वैर कैर का जो मैंने हर जगह पर 2020 डाल के रखा था, उसको मैं चेंज करके साइज जो है वो वहां से मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पर हम चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ साइज को मैं चेंज करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, DESC, और उसके बाद फिर न्यू स्टूडेंट्स तो है, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है। तो साइज यहाँ पर इसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 30 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी भी मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, बस फर्स्ट नेम की जो वेयर कैर की जो साइज है उसको 30 कर देता हूँ, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल्टर टेबल, और फिर टेबल का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें एक कीवर्ड डालना जो कि होगा मॉडिफाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैरेंथेसिस होगा, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं पहले कॉलम का नाम डालूंगा। कॉलम का नाम यहाँ पर क्या है मेरे पास, फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को मुझे चेंजेस करने हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करना है मुझे, बस इसका जो डेटा टाइप है वेयर कैर, और यहाँ पर जो साइज है इसकी वो मेरे को 30 करनी है, हो गया, और कुछ नहीं करना। एंटर करते हैं, ये क्या कह रहा है। एक काम करते हैं, शायद मैंने यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाया वो गलत हो सकता है, तो इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ। मॉडिफाई के बाद स्पेस रखते हैं, डायरेक्ट एंटर करते हैं। हाँ, अब ये चल गया। तो अगर तुम कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो SQL के लिए, तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े कुछ अलग चीजें हों, ठीक है, थोड़े थोड़े जो चीजें हो सकती है, तो वो तुम आराम से गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि इसमें क्या गलत है, मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। तुम ChatGPT से भी पूछ सकते हो, ठीक है, गूगल जेमिनाई से भी पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। खैर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर जो साइज है वो चेंज कर दिया था, ठीक है। तो अगर मैं अभी डिस्क्राइब करूँ, DESC, और फिर टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम था न्यू स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका भी जो साइज है वो चेंज हो चुका है। और एक और चीज कि ये कोई प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम एक प्राइमरी की बना देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, और फिर टेबल का नाम जो कि है
न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एड, ठीक है, ये कीवर्ड डालूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्राइमरी की, और उसके अंदर मैं एडमिशन नंबर को डाल दूंगा, एंटर करता हूँ, तो ये बन चुका होगा, एंटर करके देखते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि एडमिशन नंबर जो है वो प्राइमरी की बन चुका है, तो ऑल्टर का ये भी काम हो चुका है, ठीक है, तो ये सब कुछ अब तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि चेंजिंग कॉलम नेम है, अब किसी कॉलम का नाम मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर एडमिशन नंबर है तो मैं इसको हटाकर सिर्फ ADM रख देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एडमिशन नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ, इसको मैं चेंज करके सिर्फ ADM कर दूंगा, तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंपल है, यहाँ पर हमें बस चेंज कीवर्ड का यूज करना है, तो ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का जो नाम है वो लिख देना है न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कीवर्ड का यूज करूंगा चेंज, और फिर जो पुराना टेबल जो कॉलम का जो पुराना नाम था वो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर ADM अंडरस्कोर NO, उसके बाद जो नया नाम रखने वाला हूँ ADM, बस हो गया, और ये इसका डेटा टाइप सेमी कॉलन एंटर हो गया। अब अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ये नाम चेंज हो चुका है, ठीक है ना, भले यहाँ पर की जो भी है प्राइमरी की पहले पहले भी था अभी भी है, लेकिन नाम चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये दिखाता हूँ कि क्या अगर हम यहाँ पर इंट नहीं डालते तो भी क्या ये काम करता, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ADMNO, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ADM जिसका जो ऑलरेडी अभी जो नाम है वो है, अब मैं यहाँ पर इसका जो नाम रख देता हूँ ADMNUMBER, ठीक है, इतना मैंने इसका नाम रख दिया, और इंट को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, एंटर करके देखते हैं, तो ये मेरे को एरर बता रहा है, ठीक है, तो ये मुझे इसलिए एरर बता रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, इसका डिस्क्रिप्शन में इंट में डाल सकता हूँ, एंटर करते हैं, बस हो गया। अब अगर मैं अभी डिस्क्राइब करूँ तो अब तुम्हें दिख रहा होगा ADM नंबर ये हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी है, ठीक है, इंट जो तुम्हें दिख रहा है ये डालना जरूरी है, तो बस। अब देखो दूसरा मैंने क्या बताया था, रिमूविंग टेबल कॉम्पोनेंट यानी फॉरेन की या फिर प्राइमरी की हो गया तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल ड्रॉप कमांड का यूज करने वाले हैं, तो जैसे कि ऑल्टर टेबल, ठीक है, और फिर टेबल का नाम न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो ड्रॉप कीवर्ड है उसका यूज करने वाले हैं, और उसके बाद फिर प्राइमरी की सेमी कॉलन एंटर हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये प्राइमरी की हट चुका है, एडमिशन नंबर भले ही है यहाँ पर लेकिन प्राइमरी की हट चुका है, और अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स करूँ तब तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, बस जो हमें करना था वो हो चुका है, ठीक है, तो ये भी हो चुका है, और ड्रॉप टेबल कमांड तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि, और जैसे कि अगर मैं तुम्हें ड्रॉप करके दिखाऊं, एक काम करते हैं, एक फालतू सा टेबल और बना लेते हैं यहाँ पर, क्रिएट टेबल मार्क्स फिर से बनाते हैं, ठीक है, ADM, और उसके बाद ये भी इंट में रहेगा कॉमा, और सब मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं, ये भी इंट में रहने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि marks1 जो कि टेबल है ही नहीं इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे एरर बता रहा है, लेकिन यहीं पर ड्रॉप टेबल और उसके बाद यहां पर मैं लिख दू इफ इफ एग्जिस्ट, तो अब क्या होगा, अब एंटर करके देखते हैं, तो ये रन हो चुका है, तुम देख सकते हो, मतलब ये कमांड जो है वो चल चुका है, भले ही कुछ इसका इफेक्ट ना हुआ हो लेकिन ये एरर नहीं दे रहा, marks1 नाम का कोई एक टेबल हमारे पास था नहीं लेकिन फिर भी ये चल गया, यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इफ एग्जिस्ट का मतलब यही है कि बस ये एरर को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इफ एग्जिस्ट ना डालूं तो ये वापस एरर आ रहा है, ठीक है, और अगर इफ एग्जिस्ट डालूं तो कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, खैर शो टेबल्स कर देते हैं, और अगर मुझे बिना टेबल के टेबल को बिना एरर के टेबल को ड्रॉप करवाना है तो ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम मार्क्स हो गया, बस खत्म,
और ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर ये था, ये एग्जिस्ट करता था, और अगर अब मैं इसको फिर से चलाऊं तो ये मुझे एरर दे रहा है कि इस नाम का तो है ही नहीं, और अगर फिर से मैं यहाँ पर इफ एग्जिस्ट डाल दूं तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एरर नहीं दे रहा है, बस यही था। तो यहां तक खत्म हो चुका है, और एक्सक्लेमेशन मार्क अब इस में से कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कौन सा चैप्टर बच रहा है, अब हमारे पास बस ये सारे टॉपिक्स बच रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क में ये दोनों चीजें बच रही हैं, ठीक है, क्लॉजेस और आर्ग्यूमेंट्स, इनको भी देख लेते हैं। देखो शुरू से ही मैं बता देता हूँ, तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, जो हमारे एसक्यूएल को पता है कि इसका मतलब ये है, जैसे फ्रॉम का मतलब पता है एसक्यूएल को, वेयर का मतलब पता है एसक्यूएल को, इंसर्ट का मतलब पता है, ड्रॉप का, डिलीट का, ये सारी चीजों का मतलब पता है हमारे एसक्यूएल को, ठीक है। तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और कमांड्स क्या होते हैं, कमांड्स वही जो हम क्वेरीज हम डाल रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एसक्यूएल डेटाबेस को कि ये काम करके, तो वो सारे के सारे कमांड्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम एक या एक से ज्यादा क्लॉजेस को डाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्लॉजेस ही है। तो क्लॉजेस क्या होते हैं, तो जैसे कि हमारे पास फ्रॉम है, जैसे कि हमारे पास वेयर है, तो ये सारे के सारे क्लॉजेस हैं। तो ये जो फ्रॉम और उसके बाद जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम, तो फ्रॉम और फिर टेबल का नाम लिख रहे हैं हम, तो वो क्या हो गया, वो हमारे पास एक क्लॉज हो गया। उसी तरह से वेयर भी आता है हमारे पास, तो वेयर भी एक क्लॉज है, ठीक है ना। तो वेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू, या फिर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिखते हैं, तो वो हमारा एक क्लॉज हो गया, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो अब तुम क्लॉज में से ही देख लो। देखो जब हम क्लॉज डाल रहे हैं, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1 अगर हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो वेयर क्या हो गया, वेयर जो है वो क्लॉज है, और रोल नंबर उसमें क्या हो गया, रोल नंबर को हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट है, मतलब हम एज एन आर्ग्यूमेंट किसको पास करवा रहे हैं, किस चीज से हम अपने रिकॉर्ड को स्पेसिफाई करवा रहे हैं, रोल नंबर की मदद से। तो रोल नंबर क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है ना। तो रोल नंबर एक आर्ग्यूमेंट हो गया, और फ्रॉम या फिर वेयर क्या है, ये सारे के सारे क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो अब हम इनको हटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, नहीं और कुछ नहीं छूट रहा, अब बस यही सब छूट रहा है। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पर है सैंपल डेटाबेस, और सैंपल डेटाबेस देखने की हमें क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर चुके हैं वो सब MySQL में ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। हमें यहाँ पर डेटाबेस बनाना हो गया, डिलीट करना हो गया, टेबल्स बनाने हो गए, सारा काम हम कर चुके हैं, तो ये सैंपल डेटाबेस देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, मेकिंग सिंपल क्वेरीज। तो इसमें क्या क्या आता है, तो अभी तुम्हें शायद चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो मेकिंग सिंपल क्वेरीज क्या क्या आती है इसमें, एक्सेसिंग डेटाबेस, ये हम कैसे करते थे, ये हम यूज करते थे यूज डेटाबेस का, ठीक है। यूज डेटाबेस कीवर्ड का हम यूज करते थे, जैसे कि यूज और फिर डेटाबेस का नाम लिखते थे, जैसे कि class 12, बस हो गया, बस ये वही चीज है। उसके बाद है सेलेक्ट कमांड, ठीक है, सेलेक्ट कमांड भी तुम्हें आता है, सेलेक्ट और फिर तुम एस्टरिस्क का यूज करते हो, उसका मतलब होता है सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो, या फिर अपने कॉलम्स का नाम डालते हो, और फिर फ्रॉम फिर टेबल का नाम डालते हो, बस। तो ये सेलेक्ट कमांड भी तुम्हें आता है, और फिर अगर तुम्हें सारे कॉलम्स नहीं सेलेक्ट करने तो तुम क्या करते हो, सेलेक्ट और फिर, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ फिर से, मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेलेक्ट फर्स्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये करते हो सेमी कॉलन, हो गया, बस स्टूडेंट्स में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो कॉलम्स है वो बन के आ गए, तो ये था सेलेक्ट का, बस बहुत सिंपल है ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो रिडंडेंसी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर दो बच्चे होते जिनका नाम चट्टान सिंह होता, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते थे, कैसे व्यू कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसका भी तो दो बार आता ना, मतलब कि दो बार चट्टान सिंह यहाँ पर लिखा हुआ था, तो उसके लिए हमारे पास जो आता है वो है डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट के अलावा ऑल भी एक चीज है, ठीक है, तो ऑल का हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। डिस्टिंक्ट और ऑल ये दो चीजें हैं, वो किसके अंदर आती है, वो सेलेक्ट के अंदर आती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में क्या होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा सेम चीजें हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर दो बच्चे होते जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम होता, चट्टान सिंह, ठीक है, दो दो बच्चे होते, और मैं यहाँ पर कहना चाहता था कि मैं यहाँ पर चाहता था कि सिर्फ यूनिक नाम आए, ठीक है, यूनिक नेम्स आए, तो यहाँ पर मैं क्या करता, सेलेक्ट, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिस्टिंक्ट, और फिर किस कॉलम को तुम्हें यूनिक करवाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम को मैं यूनिक रखूँ, ठीक है,
तो यहां पर मैं फर्स्ट नेम डाल सकता हूं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे करके मैं डालूं तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट नेम जो है वो यूनिक वाले आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए होगे तुम। यहां पर क्योंकि मेरे पास एक ही था ये चट्टान सिंह, तो इसलिए यहां पर ये एक ही आया। अगर यहां पर मेरे पास तीन चट्टान सिंह होते और उसके बाद मान लेते हैं मेरे पास चट्टान सिंह जो है वो तीन तीन होते और उसके बाद फिर श्याम और गजोदर होता, तो मेरे पास तो भी यही आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि जो सारे यूनिक वैल्यूज है वो आए हैं। और डिस्टिंक्ट की जगह पर अगर मैं सिर्फ ऑल लिखूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ऐसे डिस्टिंक्ट से तो फर्क पड़ने वाला लेकिन ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम यहां पर से ऑल को हटा दो, सिर्फ इस चीज को रखने दो, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम में जो कुछ भी है वो सब आ जाए तो आ गया, ठीक है, और अगर तुम ऑल लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो बस तुम्हें बताना था कि ऑल भी एक चीज होती है, लेकिन ऐसा कुछ ऑल को ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिस्टिंक्ट का ये काम होता है। तो सेलेक्ट भी तुमने देख लिया, और इसके बाद व्यूइंग स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो भी तुम देख चुके हो, DESC और डिस्क्राइब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी तुम देख चुके हो। देखो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें और है कि हम पहले, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ उनमें से कि हम सिंपल कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, और फिर तुम्हें जो कुछ भी मैथमेटिकल में जो भी ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करवाना है वो तुम यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि 5 - 8, ठीक है, ये करके मैं सेमीकोलन देके अगर मैं एंटर करूं, सॉरी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस भी तुम परफॉर्म करा सकते हो SQL में। खैर इसका तो यूज तुम्हें नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के तुम इसका यूज कर सकते हो अपने, मतलब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, सॉरी रियल लाइफ नहीं, मतलब अपने SQL के ही कुछ एग्जाम्पल्स में तुम्हारा तुम्हारा काम पड़ सकता है इस तरह की चीजों का। तो ठीक है आगे देखते हैं हम। देखो हमारे पास SQL में ऑलरेडी एक डमी टेबल दी हुई होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम और एक रो होता है, ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर तुम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो कैलकुलेशन ही, तो अगर मैं 5 - 8 इतना लिखू, सेलेक्ट 5 - 8, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन दे ना दे के यहाँ पर मैं फ्रॉम क्लॉज डाल दू, ठीक है, सेलेक्ट 5 - 8 फ्रॉम, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डुअल लिखू तो डुअल क्या है, वही डमी टेबल जिसका सिर्फ एक रो और एक कॉलम होता है, एंटर करो तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि डुअल एक डमी टेबल होता है जो कि हमें SQL में दिया हुआ रहता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ इसकी जो खासियत है वो ये है कि एक रो और एक कॉलम होता है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर मुझे यहाँ पर डेट देखनी है कि आज कौन सी डेट है SQL में, तो यहाँ पर मैं उसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट CURDATE यानी करंट डेट, और ये एक फंक्शन है इसलिए मैं इसे पैरेंथेसिस में लिखूंगा, फिर सेमीकॉलन डाल के एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास डेट आ गया। और अगर मैं यहाँ पर सेमीकॉलन नहीं डालता तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, ठीक है, तो करंट डेट यानी कि करंट डेट, ये कमांड तुम जब भी चलाओ तो तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर पैरेंथेसिस तुम्हें लगाना है बस, तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पर करंट डेट मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन बताया, तो अब जाहिर सी बात है कि तुम कैलकुलेशन के लिए तो तुम MySQL का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, उसके लिए तुम्हारे पास कैलकुलेटर होता ही है, ठीक है, तो अब देखो इसका क्या यूज है, मैंने तुम्हें इसे क्यों बताया, तो अब देखो मेरे पास ये जो न्यू स्टूडेंट्स का टेबल था, ठीक है, उसमें अगर मैं रोल नंबर देखना चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, और अगर मैं इसके जगह पर ये लिख दूं सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सारे के सारे कॉलम्स, ठीक है, तो स्टार के जगह पर मैं रोल अंडरस्कोर NO लिखूं और यहां पर मैं ये लगा दूं प्लस मान लेते 10, ठीक है 10, अब एंटर करूं तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर सारे रोल नंबर्स दिख रहे हैं लेकिन सब में जो है वो 10 प्लस हो चुका है, ठीक है, तो ये भी तुम काम करवा सकते हो इस तरह का, अगर तुम्हें कुछ काम पड़ा तो। अगर देखो काम ये कहाँ पड़ता है, जब यहाँ पर तुम्हारे पास परसेंटेज में मार्क्स दिए हुए हो और उसको तुम्हें ओरिजिनल मार्क्स तुम्हें देखना हो तो उसके लिए तुम यहाँ पर काम में ले सकते हो, ठीक है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला तुम्हें लगाना होगा। अब देखो और एक चीज है एलियास नेम, ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं इन चीजों को ऐड कर देता हूँ, सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था और इसके बाद अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एलियास नेम। अब जिन्होंने फंक्शन पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि पाइथन में जो था वो फंक्शन का चैप्टर भी था, तो जिन्होंने फंक्शन पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि एलियास नेम क्या होता है,
तो वो मैं अगर तुम्हें बताऊं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इसके जगह पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? तब हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एडमिशन नंबर, या फिर एक काम करते हैं रोल नंबर और फर्स्ट नेम ही देखते हैं। तो रोल अंडरस्कोर एनओ, और ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट नेम की जगह पर, कॉलम का नाम जो है, तो यहाँ पर मैं सिंपल ये लिख दूंगा ए एस, ठीक है, एज, और फिर कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर जो नया नाम रखना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, अभी वो नाम चेंज नहीं होगा, वो चेंज करना है तो वो ऑल्टर कमांड तुम्हें यूज करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन बस दिखाने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एलियास कमांड यानी कि निकनेम रख देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह पर फर्स्ट रख देंगे, एंटर करेंगे, बस आ गया, देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, बस यही था। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने तुम्हें दिख रहा होगा कि कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने रखा था, ठीक है, तो क्या यहाँ पर जरूरी है कि मैं कोटेशन मार्क्स में रखूँ? नहीं, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कब जरूरी होगा? ये जरूरी तब होगा जब मुझे यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स रखने होंगे, मतलब कि कोई एक स्पेस भी रहेगा बीच में, तो फर्स्ट और नाम रख दूं मैं सिर्फ, एंटर करूं, तो देखो, ठीक है, ये मुझे बताना था। तो एक काम करते हैं, अब जो मैं तुम्हें चीज बताने वाला हूँ वो है इफ नल, ठीक है? इफ नल एक फंक्शन है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि अब हम इफ नल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इफ नल क्या है? इफ नल एक फंक्शन है, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा लास्ट नेम में दो चीजें यहाँ पर नल है, ठीक है, लास्ट नेम में यहाँ पर प्रसाद है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दो चीजें नल है। तो मैं चाहता हूँ क्या कि जहां पर भी नल लिखा हुआ है ना लास्ट में, उसकी जगह पर लिखा हुआ है कि नहीं पता, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को पहले लेते हैं, ठीक है ना? सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है? अब यहां पर ये दोनों चीजें आ रही हैं। अब देखो यहां पर मैं, मेरे को पूरा सारे के सारे कॉलम्स ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है कि सिर्फ दो कॉलम्स को निकलवा लिया है, ठीक है? अब इनमें से मैं चाहता हूं कि लास्ट नेम में जहां पर भी नल है उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, नहीं पता, ठीक है? तो उसके लिए यहां पर मैं इफ नल इस फंक्शन का यूज करूंगा, और क्योंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पर ये हम पैरेंथेसिस लिखेंगे, और फिर पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके जगह पर, जिसमें हमें वैल्यू सब्सिट्यूट करानी है। तो कॉलम का नाम तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर इफ नल के अंदर कॉलम का नाम लिखेंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम, इसके बाद हम एक कॉलम दें कॉमा देंगे सिंपल सा, और इसके अंदर यहाँ पर हम कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो वैल्यू हमें सब्सिट्यूट करानी है नल के जगह पर, तो उसमें हमें क्या करना है, नहीं पता, एंटर करते हैं। देखो यहाँ पर ये नल की जगह पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नहीं पता। तो यहाँ पर ये इफ नल क्या करता है कि सिर्फ नल के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता है, और इसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, पहले सेलेक्ट उसके बाद फिर कॉलम का नाम, जिसमें कि इफ नल नहीं लगने वाला है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जिसमें इफ नल लगने वाला है तो उस कॉलम का नाम हम यहाँ पर इफ नल के अंदर लिखेंगे, ठीक है? देखो पहले कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम, फिर दूसरे कॉलम का नाम हमने किस तरह से लिखा हुआ है, इफ नल का जो फंक्शन है वो लगाया हुआ है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर कॉलम का नाम लिखा है, और उसके बाद फिर कॉमा देके जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करानी है वो लिखा है, और उसके बाद फिर फ्रॉम, और फिर ये फ्रॉम क्लॉज चल रहा है, ठीक है, सेमी कॉलन लगा के, तो ये इस तरह से हो जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास पुटिंग टेक्स्ट इन क्वेरी, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर किसी कॉलम की जगह पर, जैसे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट और उसके बाद फिर कॉलम वन कॉलम टू ये सब लिखता हूँ, और बीच में अगर मैं कोई एक टेक्स्ट डाल दूँ, हेलो ये लिख दूँ, और फिर इस तरह से यहाँ पर मैं फ्रॉम, फिर टेबल, फिर सेमी कॉलन, अगर मैं ये चीज फॉलो करूँ तब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कॉलम के नाम मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, और फिर कॉलम की जगह पर मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया है, तब क्या होगा कि हमारे पास एक और कॉलम बन जाएगा, ठीक है, पहले कॉलम वन रहेगा हमारे टेबल में, फिर कॉलम टू रहेगा, उसके बाद हमारे पास एक और कॉलम बन जाएगा कॉलम थ्री, जिसका जो नाम होगा वो ये हो जाएगा, हेलो कैसे हो, और उसमें जो भी वैल्यूज होंगी ना, हर एक रिकॉर्ड की जो भी वैल्यूज होंगी उन सब में हेलो कैसे हो, हेलो हेलो कैसे हो, ऐसा रहेगा। तो ये कैसे होगा ये मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूँ। तो सेलेक्ट, पहले मैं मेरे पास देख लेता हूँ कि डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है,
अब यहां पर मैं काम करता हूं, मैं ऐसा कुछ लिखवाता हूं कि रोल नंबर ऑफ, उसके बाद फिर पहला नाम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इज, और उसके बाद फिर रोल नंबर लिखा हुआ है, बस ये करना है। तो सेलेक्ट, और उसके बाद फिर मैं यहां पर ये करूंगा रोल नंबर, फिर यहां पर रोल नंबर ऑफ, और फिर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आना चाहिए, फिर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, रोल नंबर ऑफ फर्स्ट नेम कॉमा, उसके बाद फिर यहां पर इज भी लिखा हुआ आना चाहिए, इज कॉमा, उसके बाद फिर रोल नंबर लिखा हुआ आना चाहिए, रोल अंडरस्कोर एनओ, ठीक है, सेमी कॉलन, इतना तक मैंने लिख दिया। और उसके बाद फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम भी तो लिखना होगा, जो कि है न्यू स्टूडेंट्स, सेमी कॉलन, एंटर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल टेक्स्ट हमारे पास आ गया, जो कि मैंने बताया था कॉलम का भी नाम वही है और सारी की सारी वैल्यूज भी वही है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर भी है। तो हमारे पास ये इस तरह का एक टेक्स्ट आ जा रहा है, रोल नंबर ऑफ श्याम इज ये, रोल नंबर ऑफ गजोदर इज ये, रोल नंबर ऑफ राज इज ये, इस तरह से लिखा हुआ आ जा रहा है। तो ये था कि हम टेक्स्ट कैसे फिट कर सकते हैं अपनी क्वेरी में। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज तो मैं तुम्हें पढ़ा ही चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेटा देखने जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा डेटा, अगर मैं यहाँ पर इसमें से अगर कोई डेटा देखना चाहूँ कि मुझे कोई ऐसा रोल नंबर बताओ, मतलब मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड लेके आओ जिसका जो है रोल नंबर वो ऑड हो, ठीक है, अगर मैं ऑड रोल नंबर्स वाले बच्चों का जो डेटा है वो निकालना चाहता हूँ इनमें से, मान लेते ये 100 बच्चे होते, और अगर मेरे को सिर्फ ऑड नंबर वाले बच्चों का जो डेटा है वो देखना होता तो वो मैं कैसे देखता, उसके लिए मैं यहाँ पर ये लिखता सेलेक्ट स्टार, सॉरी हाँ ठीक है चलो स्टार, सारे के सारे कॉलम्स ही देख लेते हैं, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सॉरी न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट्स वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स वेयर, अभी क्या करना है मुझे सिर्फ ऑड नंबर निकालना है, ठीक है, ऑड नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, पाइथन तुमने बेसिक तो पढ़ा ही होगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रोल अंडरस्कोर एनओ, यहाँ पर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये परसेंट, फिर परसेंट यहाँ पर ये मॉड्यूलो के लिए होता है, यानी रिमाइंडर निकालने के लिए, परसेंट टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है समझ गए, मतलब कि अगर टू से हम उसे डिवाइड करें तो हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए, सेमी कॉलन एंटर करते हैं। अब मेरे पास देखो क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ ऑड रोल नंबर वाले बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये था सिंपल वेयर क्लॉज। अब इसमें क्या होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, उसे भी मैं लिख देता हूँ चलो। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स तुम सबको पता है, यहाँ पर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यही सब चीजें थी, और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू क्यों यहाँ पर यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर असाइन तो हमें करना नहीं है ना, यहाँ पर ये एसक्यूएल चल रहा है, ठीक है। और फिर और क्या क्या चीजें होती है तुम सबको पता होगा, यहाँ पर टोटल 6 होते हैं, तो यहाँ पर ये भी कितने हैं, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद 5, 5 में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से हैं, और एंड, और हमारे पास नॉट भी है, ठीक है, नॉट भी होता है, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और इनको हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, देखो और के लिए हम यहाँ पर इस वाले सिंबल को 2 बार यूज करते हैं, उसी तरह से एंड के लिए हम यहाँ पर एंड वाले सिंबल को, इसे हम एम्परसैंड भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे भी 2 बार हम यूज करते हैं, और फिर नॉट के लिए हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ठीक है बस। तो इसका भी तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है वो क्या है, पहले तो सिस्टम क्लियर करूंगा मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर 2 और रोल नंबर 5 का डेटा अगर मुझे देखना है अपने पूरे टेबल में से, मान के चलते हैं यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा टेबल था होता, तो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर 2 और रोल नंबर 5 का जो डेटा है उसे देखना होता तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम ये करते हैं, पहले सेलेक्ट जो भी है, उसके बाद हमें यहाँ पर अगर सारे कॉलम्स देखने तो चलो सारे कॉलम्स देखने हैं, ठीक है, उसके बाद अभी हम यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज करेंगे, वेयर, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, वेयर क्लॉज के बाद क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं, सिंपल है, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल अंडरस्कोर एनओ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड
रॉल अंडरस्कोर एनओ इज इक्वल्स टू, सॉरी वन का तो नहीं देखना था ना, टू और फाइव का देखना था। चलो टू, टू और फाइव, ठीक है अभी एंटर करते हैं। तो ये मुझे एम्प्टी सेट बता रहा है, ये ऐसा क्यों बता रहा है? ये इसलिए ऐसा बता रहा है क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है, वेयर क्लॉज, यहाँ पर देखो गलतियां इस तरह से होती हैं, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू टू एंड रोल नंबर इज इक्वल्स टू फाइव। अब ये जो कंडीशन लग रहा है ना, ये हर एक कॉलम पे लगने वाला है, सॉरी हर एक रो पे लगने वाला है, मतलब हर एक रिकॉर्ड पे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए 428 मान ले, ठीक है ये इंसान, अब इसमें क्या है, रोल नंबर टू है, हाँ सही है, और इसी में क्या रोल नंबर फाइव है, नहीं रोल नंबर फाइव नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये नहीं दिखेगा इसको, अब ये नीचे जाएगा। तो क्या यहाँ पर भी दो रोल नंबर दोनों है? नहीं, यहाँ पर तो बस एक रोल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम एंड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम और यूज करेंगे, ठीक है एंटर करते हैं। अब देखो ये आ गया। अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू एंड नॉट इक्वल्स टू फाइव कर दूं, तब क्या आएगा, तब यहाँ पर ये सारे के सारे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अब ये क्यों आ रहा है ऐसा, अब तुम्हें मतलब ऐसे ही रफली अगर तुम सोचो तो सिर्फ ये आना चाहिए, ये वाला रिकॉर्ड आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से समझो, रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू, एक एक कॉलम को पहले एक एक रो को लेके समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू, हाँ सही है, हाँ सही है, या फिर रोल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू फाइव, हाँ सही है, सही है, इसलिए ये दिख गया। तो देखो हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल था वो ये था, ठीक है ये है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू। अब देखो वेयर कंडीशन में जैसे ही जब यहाँ पर तुम और लगाते हो ना, तो पहला ही कंडीशन अगर सही हो जाता है तो पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो सारा का सारा पूरा ही सही हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि और में क्या चाहिए होता है, एक कंडीशन सही होनी चाहिए। तो ये जब चेक कर रहा होगा तो इसे बस पहली ही कंडीशन मिल जाएगी कि ये सही है, तो फिर ये आगे का क्यों जाएगा, आगे क्यों जाएगा ये, ठीक है ना। तो रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, तो रोल नंबर टू ना हो, तो इसमें तो रोल नंबर टू नहीं है, ठीक है, पहले वाले रिकॉर्ड में नहीं है ना, तो इसलिए ये आ गया। अब देखो अब दूसरा क्या है, रोल नंबर जब ये सेकेंड वाले रिकॉर्ड पे आ रहा होगा, तो इसे इस कंडीशन पे तो ये मिल गया होगा कि रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू, ये सही हो गया होगा, लेकिन फिर बाद में ये भी सही हो जा रहा है कि रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू फाइव। नहीं देखो, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू, ये तो गलत हो गया, देखो रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू, लेकिन और के बाद क्या है, रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू फाइव भी तो है, लेकिन तो ये तो सही हो जा रहा है। अब ये सही हो जा रहा है तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अब दोनों में से एक कंडीशन जो कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू, ये सही हो गया, इसलिए ये प्रिंट हो गया। अब आगे ये चेक ही क्यों करेगा कि रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू, मतलब आगे की जो भी कंडीशन है वो चेक क्यों करेगा ये, क्योंकि ये इस तरह से ये कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू हो गई ना, अगर इस पूरे के पूरे इवेलुएट करेंगे तो बस इस तरह से हमें पूरी की पूरी जो टेबल की जो डेटा है वो जैसी की तैसी आ गई, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ये वाला आए इस तरह का ही कुछ कंडीशन लगाकर, तो वो मैं क्या इसमें छेड़छाड़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं और की जगह पर एंड लगा दूंगा। अब मैं अगर एंटर करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब कि रोल नंबर टू भी नहीं होना चाहिए और रोल नंबर फाइव भी नहीं होना चाहिए। तो रोल नंबर टू भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर टू भी नहीं है, फाइव तो है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पहले ही कंडीशन की मदद से ये हट जा रहा है, ठीक है, रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू टू होना चाहिए, तो ये तो पहला ही कंडीशन यहाँ पर लग गया, तो ये हट गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो भले ही यहाँ पर रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू फाइव ये सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फाइव नहीं है लेकिन टू तो है, ठीक है ना। और एंड क्या करता है, दोनों को देखता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है, ठीक है ना। और उसी तरह से रोल नंबर फाइव का भी तुम यहाँ पर से समझ सकते हो, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो सिंबल था हम उसका भी यूज इस तरह से कर सकते हैं, एंटर करें तो बस ये वही है। सॉरी यहाँ पर मैंने और लगा दिया, ठीक है ये और का सिंबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंड का सिंबल लगाऊं एंटर करूं तो तुम्हें दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल का भी यूज कर सकते हैं हम। अब देखो हमें यहाँ पर अब कंडीशंस लगानी है, तो यहाँ पर नहीं इसके बाहर कंडीशंस बेस्ड ऑन अ रेंज, ठीक है हमें ये पढ़ना है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशंस
बेस्ड ऑन अ लिस्ट, ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है, और देखो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, चलो ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमें क्या पढ़ना है, यहां पर हमें दो चीजें पढ़नी है, बिटवीन और नॉट बिटवीन, ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़नी है हमें। तो ये मैं यहां पर कैसे करूंगा, पहले तो यहां पर मैं तुम्हें डेटा दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये रहा मेरे पास डेटा। अब मैं यहां पर अगर चाहता हूं कि 1 से लेकर 3 तक के बीच में जो भी रोल नंबर्स है वो मुझे दिख जाए, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, देखो यहां पर मैं दो चीजें लगा सकता हूं, रोल अंडरस्कोर एनओ बिटवीन 1 एंड 3, ये लगा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये इस टेबल से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर तुम देख सकते हो मैंने यहां पर न्यू स्टूडेंट्स रखा है और यहां पर ये स्टूडेंट्स रखा है, ठीक है, तो थोड़ी सी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, इसमें भी मैं न्यू स्टूडेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा इस टेबल में से सिर्फ 1 और 2 आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर मैंने बिटवीन लगाया था, और अगर बिटवीन की जगह मैं नॉट बिटवीन लगाता तब क्या होता, एंटर करता हूँ, तो यहां पर उन दोनों को छोड़ के जो भी है, मतलब बिटवीन मतलब वही बीच में, ठीक है, 1 और 2, 1 और 3 को लेके, ठीक है ना, तो इनको हटाकर जो कुछ भी बचा वो आ गया मेरे पास। तो बिटवीन और नॉट बिटवीन ये, इसको मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और मैंने तुम्हें क्या बताया अभी अभी, कि इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं, रोल नंबर, अब बिटवीन 1 एंड 3 है, तो यहां पर थोड़ा सा तुम दिमाग लगा लो कि रोल नंबर इज क्या होना चाहिए, मैं यहां पर हम कंडीशंस लगाने वाले हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड रोल अंडरस्कोर एनओ इज लेस देन इक्वल टू 3, ये एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये टेबल जैसा का तैसा इस तरह से ये टेबल आ चुका है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, रोल नंबर यहां पर या तो बड़ा होना चाहिए 1 से या फिर इक्वल होना चाहिए, उसी तरह से रोल नंबर है तो छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 3 के, ठीक है, तो ये सेम टू सेम हो गया, समझ गए। अभी हमारे पास कंडीशंस बेस्ड ऑन अ लिस्ट, अब देखो ये सारे के सारे इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है, तो कंडीशंस बेस्ड ऑन दिस, इसमें क्या क्या आता है, इन और नॉट इन, ठीक है। अब ये भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, लेकिन एक बार फिर से चलो रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो निकाल लेते हैं, ये हमारे पास डेटा है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम जानता हूँ, ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों का लास्ट नेम है वो, अब अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों का नाम प्रसाद है, या फिर कुछ और टाइटल्स में रख दूं, ठीक है, सरनेम्स में, अगर उन बच्चों का जो डिटेल्स है वो मैं चाहता हूं, तो वो मैं क्या करूंगा उसके लिए, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स वेयर, ठीक है, वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम, और वो किसमें से होना चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट बची हुई है, ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, और उस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ टाइटल्स रखने वाला हूँ, ठीक है, मतलब कुछ सरनेम्स वगैरह रखने वाला हूँ, उनमें से अगर वो चीज है, वो रिकॉर्ड है, मिलता है, तो वो हमारे पास आ जाए, जैसे कि यहाँ पर पहले तो मैं प्रसाद रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और क्या रख सकता हूँ, कुमार, ठीक है, और क्या, सिंह, और क्या, शर्मा, तुम्हारा छूट रहा हो तो सॉरी, एंटर करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से डेटा आ जाएगा, मतलब और भी बच्चे अगर होंगे जो कि इनमें से उनका सरनेम होगा तो उनका भी डेटा आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। और इनको हटाकर अगर मैं यहाँ पर से अगर नॉट इन करूँ, यानी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करूँ मैं बच्चों में, ठीक है, कि अगर इनमें से ना हो तो वो निकल के आ जाए, तो नहीं, यहाँ पर उसके लिए कोई आ नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, नॉट इन मतलब इनमें से नहीं होना चाहिए, इसके अलावा होना चाहिए, और ये उनमें से नल को नहीं देखेगा, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर, कि अगर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नल को उठा लेगा, नल को यहाँ पर नहीं उठा रहा है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और देखो इसका काम कहाँ कहाँ और पड़ सकता है, जैसे कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास बहुत बहुत सारे बच्चों का डेटा हो, ठीक है, और वहां पर एड्रेस भी लिखा हो, एड्रेस नाम का कोई कॉलम हो, वहां पर सबके बच्चों के एड्रेस लिखे हुए हो, तो अगर तुम्हें देखना हो कि कौन कौन से बच्चे इस एड्रेस इन सारे एड्रेसेस में से आते हैं, ठीक है,
मान लेते तुम्हारे पास 5 एड्रेस है, अब तुम्हें देखना होता कि उन 5ों एड्रेसेस में से कौन कौन से बच्चे आते तुम्हारे 1,000ों बच्चों में से, ठीक है, तब तुम इसका यूज कर सकते थे, ठीक है, इनका, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है पैटर्न मैचेस के बारे में, ठीक है। तो पैटर्न मैचेस मैंने तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करवा लिया है, ठीक है, बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, लाइक और नॉट लाइक, ठीक है, सॉरी नॉट लाइक, ठीक है ना। और इसमें हम कौन कौन से सिंबल्स के बारे में देखने वाले हैं, ये परसेंटेज और ये अंडरस्कोर, इन दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, मैं बार बार नहीं बताना चाहूंगा इन दोनों के बारे में। मैंने ये तुम्हें कहाँ बताया था वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम स्किप करके उस पार्ट पे जा सको। देखो यहाँ पर मैंने लाइक में बताया था, इस टेबल के, सॉरी इस चैप्टर, ये जो टेबल क्रिएशन वाला जो चैप्टर है, इसमें चेक कॉन्स्टेंट के अंदर मैंने तुम्हें लाइक के बारे में बताया था, ठीक है। आ जाते हैं अब यहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, लाइक और नॉट लाइक, ये रहा। एक बार फिर से मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका मतलब होता है कुछ भी, ठीक है, भले, और उसमें कुछ नहीं भी आता है, ठीक है, कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। और इसका मतलब इसमें, इससे हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बस यही। और चलो अब इस चीज को हम यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। अब इनमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे कुछ ऐसी चीजें देखनी हो कि मान लेते हैं जिसके रोल नंबर या फिर जिसके एडमिशन नंबर में, ठीक है, जिसके एडमिशन नंबर में शुरू में 4 और 2 आ रहा हो, ठीक है, तो वो मैं कैसे देखूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर, यहाँ पर वेयर क्लॉज में डालूंगा, वेयर ADM नंबर, उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, लाइक, ठीक है, ADM नंबर लाइक, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा सबसे पहले तो 4 और 2, और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी हो जाए तो चलेगा। यहाँ पर मैं परसेंटेज भी लग देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज मैंने लिख दिया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कुछ भी, कोई भी सबस्ट्रिंग, ठीक है, और उसमें वो कुछ नहीं भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ 42 भी रहे ना तो भी वो आ जाएगा इसमें। इंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, हाँ, तो सॉरी, यहाँ पर मैं, मेरे को ये स्ट्रिंग है ना, इसको मेरे को स्ट्रिंग में डालना था। एंटर करते हैं तो अब देखो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें। और अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर सिर्फ 42 वाला ना आए, ठीक है, सिर्फ 42 वाला ना आए, उसके बाद एक और डिजिट हो कोई, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 42, और यहाँ पर अंडरस्कोर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 42 नाम का कोई है नहीं, ठीक है, 42 एडमिशन नंबर वाला है नहीं, तो पूरा का पूरा सेम टू सेम ये जो टेबल है वो आ जा रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न मैचेस है, यानी कि इस तरह से हम पैटर्न मैच करवा के कुछ देख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर श्याम के जगह पर श्याम लाल लिखा हुआ होता, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते थे, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर पहले परसेंटेज देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, लाल, ठीक है। अब ये परसेंटेज का मतलब हमने क्या बोल दिया कि कुछ भी हो लेकिन लास्ट में लाल होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर श्याम, उसको समझ ले। और अगर यहाँ पर लाल होता, यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर लाल है, अगर यहाँ पर लाल होता तो ये समझ लेता कि हम इस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और एंटर करते हम तो हमें यहाँ पर एम्प्टी सेट की जगह पर ये वाला मिलता, कब मिलता, जब यहाँ पर श्याम की जगह पर श्याम लाल होता, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं ये तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपडेट करता हूँ इसको, अपडेट, उसके बाद फिर टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, अपडेट न्यू स्टूडेंट्स सेट, और फिर फर्स्ट, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू क्या कर दूं, श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल, वेयर, अब यहाँ पर कैसे बताऊँ मुझे, मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं इसे रोल अंडरस्कोर एनओ, रोल नंबर के थ्रू बता देता हूँ। मैं चाहता तो इसको फर्स्ट नेम से ही बता सकता था कि जहां पर फर्स्ट नेम श्याम है वहां पर फर्स्ट नेम श्यामलाल कर दो, इस तरह से मैं बता सकता था कि वेयर
फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू श्याम, ये भी कर सकता था मैं, चलो ये भी करके दिखा देता हूँ। कुछ किसी भी तरह से बस तुम्हें इसको बताना है कि हम किस रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बस कंडीशन तुम्हें ऐसी लगानी है। तो एडमिशन नंबर तुम्हें यहाँ पर 425 दिए थे वो भी चल जाता, ठीक है, इसी पे चलता। फिर रोल नंबर भी अगर तुम 1 देते तो भी इसी पे चलता। अब फर्स्ट नेम भी अगर श्याम अगर मैं दे दूं तो भी इसी पे चलेगा, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू श्याम। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर तुम्हें अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ सेमी कॉलन डाल के मैं एंटर करूँ तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट न्यू स्टूडेंट्स इसको हटाता हूँ, सारा का सारा डेटा देखो तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैटर्न मैच करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब लाइक परसेंट लाल, ठीक है, ये करूँ तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें पैटर्न मैच हो चुका है, ये वाला जो पैटर्न है वो मैच हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर मैं लाल की जगह पर श्याम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये कितना सही है, ठीक है। तो ये यहां से लेकर देखो परसेंटेज में मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं हम कह रहे हैं तो कुछ नहीं वो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर श्याम है, ठीक है, श्याम है। उसके बाद क्या मैंने लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो देखते हैं चलेगा या नहीं। नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये एम्प्टी सेट बता रहा है कि ऐसा कोई वैल्यू है नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज लगा दूं, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पर कि कितने कैरेक्टर्स और हो सकते हैं। तो शाम के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो 2 कैरेक्टर्स और रख लेते हैं। अब अगर मैं एंटर करूँ तो भी ये नहीं बता रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अंडरस्कोर का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। वहीं अगर मैं एक कैरेक्टर और बढ़ा दूँ तो अब मुझे ये कह रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है हमारे पास श्यामलाल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन सब को हटाकर सिर्फ एक परसेंटेज डाल दूँ, ठीक है ना, सॉरी परसेंटेज डाल दूँ तो अब भी आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कुछ भी या फिर कुछ ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब उसके देखो शाम के पहले भी कुछ है या फिर कुछ ना हो तो भी चलेगा, और शाम के आगे भी कुछ हो और कुछ ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो बस इस तरह से हमारा ये पैटर्न मैच हो रहा है और ये हमारे पास वैल्यू आ जा रही है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लाइक के जगह पर नॉट लाइक कर देते तो उस वैल्यू को छोड़ के जो भी वैल्यू बच रही है, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स बच रहे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो तो तुम पढ़ चुके हो यहाँ पर, जो कि है सर्चिंग फॉर नल, ठीक है। ये तो तुम पढ़ चुके हो, बस कैसे लगाओगे, वेयर वेयर क्लॉज लगाओगे, उसके बाद फिर इज इक्वल्स टू, उसके बाद फिर नल लिख दोगे, बस हो गया। इस तरह से तुम इसको यूज कर सकते हो। और अगर नॉट नल भी देखना हो कि नल वैल्यू ना हो तो इस कॉलम का नाम वेयर का क्लॉज लगाओगे, उसके बाद फिर कॉलम का नाम लिखोगे, उसके बाद फिर इज नॉट इक्वल्स टू नल कर सकते हो, या फिर इज इक्वल्स टू नॉट नल भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ये काम करवाना है। अब इसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो तुमने पाइथन में भी पढ़ा हुआ है, वो सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर तो इस तरह से तुम्हारे पास जो लिस्ट है वो आ जाएगा। अब पाइथन में भी तुमने पढ़ा ही होगा तो ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस बस यही बताता है कि अगर तुम्हारे पास लंबा सा कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो कौन सा ऑपरेटर पहले लगेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास बॉड मास में भी होता है, माय क्या बोलते हैं, जैसे तुम मैथमेटिक्स में क्या करते हो, पहले डिवीजन करते हो, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करते हो। तो इधर भी जब भी तुम्हारे पास इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, पहले ये सारे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं और एंड ये सब भी है, ठीक है ना। तो वो सब किस तरह से लगेगा, खैर उसकी जरूरत तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पढ़ने वाली है नहीं, और अगर पड़ेगी भी तो वो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी पाइथन में ही। अभी हमारे पास है ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज। देखो अभी तक तुमने फ्रॉम क्लॉज पढ़ा, वेयर क्लॉज पढ़ा, फिर बाद में लाइक क्लॉज पढ़ा, अभी तुम ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ रहे हो। तो ये सारे के सारे क्लॉजेस हैं, ठीक है, और इसमें जो हम पास करवाते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखो अब ऑर्डर बाय क्लॉज खत्म करने के बाद हम आएंगे इन चीजों में, ठीक है। और इसके बाद भी हमारे पास कुछ छूट रहा है क्या, नहीं और कुछ तो हमारे पास छूट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने काफी ज्यादा कुछ पढ़ लिया है और इस चैप्टर में भी हमने काफी ज्यादा कुछ पढ़ लिया है। तो आता है अभी ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। तो ऑर्डर बाय क्या करता है कि हमें अपने टेबल को, जैसे कि मेरे पास जो टेबल है ये रहा मेरे पास टेबल, अब इस टेबल को वो मेरे को किसी ऑर्डर में दे सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर ये ऑलरेडी आ रहा है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है रोल नंबर अगर हम देखें तो, हाँ ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को
इन दोनों से हटाकर चेंज करते हैं, फिर एक ना एक चीज तो किसी ऑर्डर में नहीं रहेगी ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं बता दूंगा, ठीक है? देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, आराम से देखो, आगे तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं 428 को हटाकर मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपडेट करूंगा, टेबल का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट्स, फिर सेट, और फिर न्यू स्टूडेंट्स का क्या मेरे को चेंज करना है, ADM NUMBER इक्वल्स टू 450, सॉरी 450 नहीं, मैं इसको 500 कर देता हूँ, 500, वेयर रोल अंडरस्कोर NO इज इक्वल्स टू, क्या रोल नंबर 2 है, ठीक है, सेमी कॉलन एंटर, हो गया। अब अगर मैं व्यू करूँ तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है ना, मैं बस इस ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे किसी ऑर्डर में देखना है इसे, तो वो मैं कैसे देखूंगा, ठीक है? पहले क्या आना चाहिए, 425 आना चाहिए, फिर 450 आना चाहिए, उसके बाद 500 आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो भले ही ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में है रोल नंबर जो है वो, लेकिन ये नहीं है। तो अगर अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को किसी असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अगर मुझे देखना है, ठीक है, और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि पूरा टेबल शो हो, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय क्लॉज लगाऊंगा, ऑर्डर बाय, और उसके बाद फिर मैं जिस कॉलम के हिसाब से ऑर्डर करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, वो लिख सकता हूँ यहाँ पर ADM NUMBER, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखो आ चुका है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर ASC लिख सकते हैं, एंटर करेंगे, तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में था, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही होता है, ठीक है, तुम देख सकते हो ये कॉलम और सॉरी ये जो टेबल है और वो ये टेबल, दोनों के दोनों सेम है। अब अगर मैं इसे डिसेंडिंग में चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा DESC, बस एंटर करेंगे, तो ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल क्लॉजेस भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ ऑर्डर बाय लगाया, और इसके बाद अगर तुम्हें वेयर भी लगाना है तो स्पेस दो, वेयर भी तुम लगा सकते हो, ठीक है, तो वो मल्टीपल क्लॉजेस यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लेकिन नीड के हिसाब से। अब मुझे जरूरत ही नहीं है तो वो मैं क्यों लगाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऑर्डर बाय के साथ साथ वेयर क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, मतलब दो क्लॉजेस का भी साथ में यूज कर सकते हैं, बस तुम्हें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दो या फिर दो से ज्यादा क्लॉजेस भी हो गए तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स और फिर न्यू स्टूडेंट्स वेयर मेरे को रोल नंबर, अगर मैं चाहता हूँ रोल अंडरस्कोर NO वो बड़ा हो 1 से, ठीक है, और फिर वेयर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ऑर्डर बाय किससे होना चाहिए, ADM NUMBER, और उसके बाद फिर किस ऑर्डर में चाहिए हमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, चलो ठीक है, सेमी कॉलन एंटर, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये दिख रहा होगा रोल नंबर जो है वो 1 से बड़े वाले हैं सारे, और ऑर्डर जो है वो एडमिशन नंबर का वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये हो चुका है। अब हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं बची हुई, अब हमारे पास ये सारे बचे हुए हैं, MySQL के जो फंक्शन है वो हमें भरने हैं, स्प्रिंग फंक्शन, न्यूमरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर MySQL फंक्शंस में जो भी फंक्शंस थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, तुम्हारे बुक में जो जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस तुम्हें नाम से ही समझ आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले कैर फंक्शन आता है, ठीक है, तो अगर मैं SQL खोलूँ तो सबसे पहले कैर फंक्शन का एग्जाम्पल देते हैं, कैर फंक्शन एग्जाम्पल इन MySQL, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सेलेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद जो फंक्शन है वो लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर इस चीज को तुम देखो इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो वरना नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है तो बस ये है कि कॉलम का नाम यहाँ पर ग्रीटिंग्स हो जाएगा, यहाँ पर एलियास नेम का जो ये कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है, ठीक है, बस एलियास नेम के थ्रू यहाँ पर हमने निकनेम रख दिया है इस पूरे कॉलम का, मतलब अगर हम ये नहीं रखते तो कॉलम का नाम क्या आता, ये पूरा का पूरा कॉलम का नाम ही आता, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कैर फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज पास करवाई है, 5 वैल्यूज, तो सारे के सारे ASCII कोड्स है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। तो H का जो होता है कैपिटल H का वो ASCII कोड 72 होता है, इसलिए 72 डालने पे H आ गया। सिमिलरली 101 होता है E का, 108 होता है L का, सिमिलरली फिर से 108 होता है L का, फिर 111 होता है 0 का, ठीक है। अब बहुत सारे MySQL के क्लाइंट्स में क्या होता है कि ये इस तरह से वैल्यूज नहीं आ रही होती है, मतलब ये रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल रहा होता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमें जो वैल्यू दे रहा है वो किसी और फॉर्मेट में दे रहा है, हो सकता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वैल्यूज दे रहा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है हम इस तरह से
कैर फंक्शन का यूज करते हैं और ऐसा रिजल्ट हमें आता है, हमें जो देखने को मिलता है वो इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या होता है, कैर लिखते हैं उसके अंदर हम आस्की कोड्स डालते हैं, ठीक है, और जो जो होता है वो जिसका आस्की कोड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, हमें कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉन कैट, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉन कैट फंक्शन भी लिख देते हैं, ठीक है। अब कॉन कैट फंक्शन का क्या यूज है वो तुम देख लो, बस ये क्या करता है कि हम इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग्स डालेंगे वो सबको कंबाइन कर देगा, ठीक है। ये पहले हेलो है, उसके बाद स्पेस है, फिर वर्ल्ड है, हो गया कंबाइन। जैसे कि पाइथन में तुमने क्या पढ़ा था, कॉनकैटेनेशन पढ़ा था ना, तो वैसे ये कॉनकैट है, ये कंबाइन कर देता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है लोअर, या फिर एल केस भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये पैरेंथेसिस छूट रहा है, तो अगर तुम यहाँ पर भी पैरेंथेसिस छूट रहा है, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर या तो लोअर लिखो या फिर एल केस लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखो, हमें आउटपुट सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं भी इसे कॉपी करके दिखाऊं, तो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर जो भी तुम स्ट्रिंग पास कराओगे ये इसको छोटा करके देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अपर लिख दूं, सॉरी, ठीक है, अब अपर केस क्या करेगा, बस इस चीज को वो अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर है हमारे पास सब str, सब देखो यहाँ पर दोनों सेम है, मतलब कि अगर तुम सब str लिखो या फिर सब स्ट्रिंग पूरा लिखो, तो दोनों में से कोई भी हमें क्या करता है, सेम आउटपुट देता है। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल मंगवाते हैं। तो ये क्या करता है, हमें किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ एक स्ट्रिंग निकाल के दे देता है, मतलब छोटी एक स्ट्रिंग निकाल के दे देता है। देखो जैसे कि हमारे पास, देखो यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। फिर जो सब str का जो फंक्शन था वो लिखा हुआ है, फिर बाद में यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और इसमें से हम एक ये सब स्ट्रिंग निकाल के देने वाला है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेगा कि कितना सब स्ट्रिंग इसे निकालना है और कहाँ से शुरू करना है, वो उसे यहाँ से पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 से शुरू करेगा और 5, यानी टोटल 5 कैरेक्टर्स लेगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे हेलो मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकाल कर देता है। तो ये था एक फंक्शन, और हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें ट्रिम पढ़ना है, ठीक है, ट्रिम, और उसके बाद फिर लेंथ है। तो इसे कॉपी करते हैं, और अब मैं तुम्हें ट्रिम के बारे में बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर बेसिक यूसेज इसका आ रहा है। ट्रिम क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो शुरू के जो फालतू के स्पेसेस है और बाद के जो फालतू के स्पेसेस है उनको हटा दे रहा है, बस ये काम है ट्रिम का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लेंथ। अब ये क्या है, तुम्हें नाम से बस पता चल ही जा रहा होगा कि ये लेंथ जो है वो क्या करने वाला है। लेंथ जो है वही बेसिकली हमें क्या करने वाला है कि जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमें निकाल के देने वाला है। हेलो वर्ल्ड अगर तुम काउंट करोगे स्पेस के साथ, तो फिर तुम्हें यहाँ पर 11 मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे हो गए स्ट्रिंग फंक्शंस। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मॉड, ठीक है, ये फंक्शन क्या करके देगा हमें, देखो। तो मॉड फंक्शन हमें क्या करके देता है, हमें मॉड्यूलस निकाल के देगा, ठीक है। मतलब 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर, वो 1 आएगा, तो आ गया 1, बस यही काम है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है हमारे पास पावर या फिर पाव, तुम दोनों में से दो कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कराने वाले हैं, ठीक है, एक नंबर और उसके बाद एक एक्सपोनेंट उसका जो रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 2 की पावर अगर हम 3 करें, ठीक है, यानी 2 × 2 × 2, तो वो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया। तो बस इस तरह से हम पावर में चीजों को रख सकते हैं। अब आगे क्या है, इसके बाद फिर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू तो तुमने मैथ्स में काफी टाइम पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है, और अगर पॉजिटिव रहेगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि -10 है, तो यहाँ पर ये 10 आ गया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद साइन, साइन क्या करेगा, अब ये हमें अपने न्यूमरिक वैल्यू का जो है वो साइन बता के देने वाला है। ये क्या हो गया इसको, ठीक है, इसने 2 रिस्पॉन्स निकाल के दिए मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या करता है, ये मुझे साइन ही निकाल के देता है, ठीक है। लेकिन ये साइन किस तरह से निकाल के देगा, ये मुझे ऐसे नहीं बताएगा कि ये चीज नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस प्रिंट हुआ आ जाए, या फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रिंट होकर आ जाए, ठीक है ना। तो ये वो कैसे करेगा, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा यहाँ पर कि हाँ देखो यहाँ पर ये अगर -1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब है कि 0, और अगर सिर्फ 1 रिटर्न कर रहा है तो वो है वैल्यू जो है
वो पॉजिटिव है सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, -10 डाला तो ये नेगेटिव है इसलिए इसने -1 प्रिंट कर दिया। यहाँ पर अगर मैं 0 डालता तो इसे ये 0 निकाल के देता, और अगर यहाँ पर सिर्फ मैं 10 डालता ठीक है तो यहाँ पर ये मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करके देता ठीक है। तो ये था साइन का। उसके बाद है एसक्यूआरटी ठीक है। एसक्यूआरटी अब तुम्हें नाम से देखो, नाम से सब कुछ पता चल रहा है कि एसक्यूआरटी का क्या करने वाला है। एसक्यूआरटी जो है वो हमें स्क्वायर रूट निकाल कर देने वाला है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, बस निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं ट्रंकेट। देखो अब ट्रंकेट क्या कर रहा है, ट्रंकेट ठीक है। अब ट्रंकेट एक फंक्शन भी है, मतलब कि ट्रंकेट के बारे में और भी कुछ है। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे ट्रंकेट लिख लेता हूँ, इसके बारे में मुझे तुम्हें और बताना है ठीक है। हाँ तो हम कहते हैं यहाँ ट्रंकेट। आगे बढ़ते हैं मतलब ऊपर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें, हमारे पास दो चीजें हैं। तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक चीजों को ले रहा है, उसके बाद ये हटा दे रहा है। दिख रहा होगा तुम्हें, ये 9 को हटा दे रहा है ठीक है ना। ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, अगर ये राउंड ऑफ करता तो फिर ये 7 8 की जगह पर क्या होता, 7 9 आ जाता ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है कि बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक रख रहा है चीजों को, और उसके बाद फिर हटा दे रहा है। तो ट्रंकेट का मतलब यही होता है, हटाना होता है ठीक है। अभी ट्रंकेट के बारे में और कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ठीक है। और एक राउंड फंक्शन भी होता है ठीक है ना, राउंड ऑफ करने के लिए, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ तो राउंड फंक्शन क्या करता है, वो राउंड ऑफ करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें बस वैल्यूज को राउंड ऑफ करके मिलता है। यहाँ पर अगर हम एक ही वैल्यू दें, मतलब एक ही आर्गुमेंट डालें, तो वो क्या होता है कि एक इंटीजर में हमें मिल गया। मतलब इंटीजर में ऐसा काम नहीं है कि ये इंटीजर में करके दे हमें ठीक है। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये सारा का सारा हट के, मतलब 5 हो या फिर 5 से आगे हो, तो ये पूरा का पूरा हट के ये मेरे पास 11 आ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दो वैल्यूज डालें, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स डालें, पहला तो हमने ओरिजिनल जो नंबर है वो डाल दिया, उसके बाद फिर अगर हम 2 डाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि ये मेरे को 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके दे रहा है। तो ट्रंकेट और राउंड में फर्क है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने तुम्हें राउंड भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर डेट वगैरह का जो अभी है, अगर यहाँ पर मेरे पास देखो तीन चीजें हैं, तीन चीजें काफी ज्यादा सेम है, तो मैं एक चीज को उठाता हूँ यहाँ से, कर डेट। तो मैंने ये तो तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या करता है, ये मुझे करंट डेट जो है वो इस फॉर्मेट में निकाल के देता है ठीक है। बस यहाँ पर क्या वो लिखा, ये क्या लिखा हुआ आएगा, 2024, और उसके बाद फिर 06, और उसके बाद 09, ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा ठीक है। और क्या है मेरे पास, और है मेरे पास नाउ ठीक है। अगर मैं नाउ लिखूं, नाउ फंक्शन पास करवाऊं सेलेक्ट के साथ, तो ये मुझे डेट के साथ साथ टाइम भी देगा ठीक है। दिख रहा है तुम्हें, ये इस फॉर्मेट में मुझे डेट और टाइम दोनों साथ में बताएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डेट लिखूं तब क्या करेगा ये, नहीं ये ऐसा नहीं करेगा कि ये मुझे अभी का डेट बताए, वो तो कर डेट का काम है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ डेट डालू ना तो उसका काम क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं डेट और टाइम दोनों साथ में दे रहा हूँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तुम्हें देना है, ध्यान रखना है कि कोट्स यहाँ पर रहे ठीक है ना, तब ये क्या करेगा, ये मुझे सिर्फ इसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करके देगा ठीक है। तो बस डेट का ये काम है। सिमिलरली मंथ का भी यही काम है, चलो मंथ भी लिख देते हैं, उसके बाद फिर ईयर भी लिख देंगे, तो मैं सब बता दूंगा मैं। ठीक है देखो, दिख रहा है तुम्हें मंथ निकल के आ गया, उसके बाद क्या है ईयर। तो ठीक है अब ईयर भी चलो बता ही देते हैं मतलब ठीक है। उसके बाद तब तक देख लेते क्या है यहाँ पर, सिस डेट ठीक है। सिस डेट क्या है, तो यहाँ पर ही तुम्हें ईयर भी आके एक्सट्रैक्ट होके मिल गया है। तो सिस डेट क्या करता है, सिस डेट का मतलब है कि वही सिस्टम का जो डेट है, और जो करंट डेट तो हमने पढ़ा था, या फिर जो नाउ पढ़ा था हमने, सॉरी ऊपर में कहीं पर होगा लेकिन उत्तर ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये नाउ की तरह ही है सिमिलर, देखो यहाँ पर लिखा होगा करंट डेट और सॉरी करंट टाइम स्टैम्प और नाउ टू गेट करंट डेट एंड टाइम इन MySQL ठीक है। तो सिस डेट का भी मतलब यही होता है। अब सिस डेट जो है वो किसी किसी डेट DBMS में होता है, किसी में नहीं होता है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देर इजेंट बिल्ट इन SQL, ये जो सिस डेट का फंक्शन है ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, नाउ है, और उसके बाद या फिर करंट टाइम स्टैम्प जो है उसका भी यही काम है ठीक है। वो हमें क्या करता है, डेट और टाइम जो है वो साथ में देता है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, एग्रीगेट फंक्शंस बच रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स ठीक है। अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर लास्ट नेम को काउंट करते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे ठीक है, उसके बाद हम काउंट लगाएंगे ठीक है। काउंट यहाँ पर हम फंक्शन लगा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन, और इसके अंदर हम कॉलम को पास करवाएंगे ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लास्ट अंडरस्कोर नेम लिखूं
ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है कि वन, यानी कि इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, टोटल वन ही वैल्यूज है, बाकी सब तो नल है, खाली है, तो ये मुझे यही बता रहा है। और अगर मैं लास्ट नेम की जगह स्टार लगा दूं, ठीक है, अब अगर मैं एंटर करूं तो ये मुझे क्या बता रहा है, थ्री, यानी कि टोटल कितने वैल्यूज हैं, मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तीन, टोटल तीन रिकॉर्ड्स है आ गए मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया काउंट फंक्शन। और इसके बाद अगर मैं एवीजी लिखूं, ठीक है, एवीजी होता है एवरेज के लिए, और अगर मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ कुछ वैल्यूज का, अगर मेरे पास मार्क्स होते हैं मैं मार्क्स का वैल्यूज निकालता, मार्क्स का एवरेज निकालता, लेकिन मार्क्स है नहीं हमारे पास यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, हम रोल नंबर का ही एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारे रोल नंबर्स का एवरेज ही निकालेगा, रोल अंडरस्कोर एनओ एंटर करते हैं, तो इसने मुझे एवरेज निकाल कर दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं सम निकालूं, ठीक है, अगर मुझे सम निकालना हो तो सारे रोल नंबर का सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 + 1 6 + 2 क्या हो गया, 8, तो यहाँ पर मेरे पास 8 आ गया। अब अगर मैं मिन रखूँ यहाँ पर, तो ये मेरे को मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 1 है। और मैक्स रखूँ यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है 1, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 5 है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि जो हम जो भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम एग्रीगेट्स में क्या करते हैं, हम कॉलम्स के नाम डालते हैं, ठीक है, थीके? और एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम कॉलम का नाम डालते हैं बस, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बस सिंगल वैल्यू आती है, ठीक है, मतलब एक रो और एक कॉलम ही होता है इसका, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें। तो कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एवीजी, ठीक है, यानी एवरेज निकालने के लिए, सम सम निकालने के लिए, फिर काउंट काउंट सॉरी काउंट निकालने के लिए, और फिर वही जो भी था, क्या था, मिन, फिर और क्या था, मैक्स, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक और चीज छूट रही है, क्या, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, अब देखो अगर मैं यहां पर ये लिखूं, मेरे पास पहले सिस्टम को क्लियर करता हूं मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स, हाँ, अगर मैं यहां पर ये लिखूं ट्रंकेट टेबल, और फिर टेबल का नाम लिखूं, टेबल का नाम क्या है, न्यू स्टूडेंट्स, सेमीकोलन एंटर करूं, अब क्या हुआ, अब अगर मैं व्यू करूं अपने टेबल को, तो यहां पर ये मुझे बता रहा है कि खाली है, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब जो इसके अंदर जो भी डेटा था ना वो हट चुका है। देखो ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं तुम्हें बता दूं, ट्रंकेट टेबल में क्या हो रहा है कि ट्रंकेट टेबल में सारी की सारी वैल्यूज जो थी टेबल की वो खाली हो गई, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर वही है, यानी टेबल अभी है हमारा प्रेजेंट, लेकिन उसमें जो भी डेटा था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ड्रॉप टेबल क्या करता था कि पूरे के पूरे डेटा, पूरे के पूरे जो टेबल है उसको डिलीट कर देता था, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर शो टेबल्स करूं, ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें, तो न्यू स्टूडेंट्स अभी है यहाँ पर प्रेजेंट, अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूं तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास है, न्यू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी अभी प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज है ना, जो भी डेटा हमने बढ़ा था वो खत्म हो चुका है। और अगर मैं यहीं पर ड्रॉप टेबल कर दूं, ड्रॉप टेबल और फिर न्यू स्टूडेंट्स सेमीकोलन एंटर, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास टेबल भी हट चुका है, ठीक है, शो टेबल्स करूंगा तो हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स है, न्यू स्टूडेंट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ड्रॉप टेबल का ये काम था कि पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करता है, बट ट्रंकेट टेबल का ये काम था कि वो सारे के सारे वैल्यूज को डिलीट करता है। तो ये मुझे तुम्हारे बुक में अभी तक मिला नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया अलग से। अब देखो क्योंकि हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, देखो मुझे बस एक चीज और बतानी है, बस एक चीज, देखो इतना सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, इधर से भी और इधर से भी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क तो हम हटा ही देते हैं अभी बस, ठीक है। और हाँ, तो अब मुझे एक और चीज बतानी है, ऑर्डर बाय कहीं तुम्हें दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में एक चीज मुझे ये बतानी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये करते हैं, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। अब मुझे यहाँ पर ये चीज बतानी है कि अगर मुझे ऊपर के सिर्फ दो डेटा चाहिए, ठीक है, ऊपर का मेरे को सिर्फ दो डेटा चाहिए कोई भी, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर मैं
ऑर्डर बाय लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर ऑर्डर बाय के बाद मैं यहाँ पर किस चीज के हिसाब से ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ, ADM_NO, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, लिमिट 2, बस एंटर करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये मेरे को पहले क्या असेंडिंग ऑर्डर ये देख लेगा कि इस असेंडिंग ऑर्डर में जो हमें वैल्यूज देनी है, तो ये मुझे यहां से यहां तक असेंडिंग ऑर्डर में देगा, देना चाहेगा यहां से यहां तक, लेकिन यहां पर मैंने कर दिया लिमिट 2, यानी कि ये मुझे बस दो ही वैल्यूज देगा। बस ये काम था लिमिट का, ये चीजें छूट रही, ये चीज जो है वो शायद मुझे बुक पे नहीं मिला था तुम्हारे, खैर मैंने तुम्हें बता दिया। तो बस ये चैप्टर इस तरह से खत्म होता है। तुम काफी कुछ सीख चुके हो अपने दो दो चैप्टर्स में से, और ये तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तुम्हारे जो सिलेबस में था उससे भी तुम काफी ज्यादा कुछ सीख चुके हो इसको तुम्हें। और अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस खोलूँ यहाँ पर, नहीं तुम्हारे पास माई स्कूल में टोटल इतने सारे चैप्टर्स थे, तो अभी तक इतने खत्म हो गए हैं। अभी ये ग्रुप रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ग्रुपिंग और जॉइंस का, इस पे भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन आ जाएगा तुम्हें समझ। और उसके बाद है फिर इंटरफेस पाइथन विथ माई स्क्यूएल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तब के लिए बाय।